ये लोगो जो दिख रहा है ना आपको ये लोगो आएगा ही आएगा तुम्हारी आईडी में तुम्हारी जेब के अंदर आएगा और मैं ला के दूंगा आपको मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ घबराने की कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है बस जितना मैं कह रहा हूं उतना सा पढ़ लो काफी है बाकी तुम अपनी जो पढ़ाई कर रहे हो करते रहो मैं उसको बंद करने की नहीं कह रहा हूं क्लियर है ये लोगो तुम्हारी जेब में आएगा ये मेरा वादा है आपसे और बस ज़्यादा समय दूर नहीं है अब अब वो दिन दूर नहीं है जब ये लोगों तुम्हारी जेब में आने वाला है तो माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा हर हर बुगली घर घर बुगली दोबारा जिनों जिन बच्चों के लिए मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया था और जो नहीं दे पाए थे तो पिछले टेस्ट सीरीज़ स्ट के सेशन में उनके लिए दोबारा सीरीज स्टार्ट किया हुआ है और वो ज्वाइन कर लेना अर्जुन सीरीज़ उसके अंदर जो मॉडल पेपर मैं ले रहा हूँ उनको रोज़ देना है देने के बाद एक रजिस्टर बनाना है जिसमें आपकी रैंक आपके करेक्ट इनकरेक्ट और जो गलत हुए हैं वो सारे क्वेश्चन लिखना है क्लियर है ये काम करना है आपको नॉर्सेट तक और इस तरीके से टेस्ट सीरीज से अपने आप को चेक करना है कि किस प्रकार से आप एग्जाम में परफॉर्म कर रहे हो और जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर ज्यादा ध्यान देना है ऐसे पढ़ाई करनी है आने वाले समय पे क्लियर है <coughs> अरे मेडिकल सर्जिकल कंप्लीट हो रहा है अपना बेटा यार कुछ बच ही नहीं रहा है मेडिकल सर्जिकल कंप्लीटली पढ़ा चुका हूं राइट नेक्स्ट देखो आप और मैंने कहा है हमेशा से आपसे हाँ ये सब यहां से अर्जुन सीरीज में चले जाएंगे यस 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 नेश मुकेश यू आर राइट बेटा चलिएगा आज के कम्युनिटी के इस लेक्चर में आप वो सब सीखेंगे बेटा और इतनी सिंपल तरीके से सीखेंगे कि अपना एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा चाहे कम्युनिटी से दो क्वेश्चन आए पांच आए दस आए जितने भी आएंगे वो सारा कुछ आप करके आओगे एक्सीलेंट तरीके से करके आओगे तो चलिएगा लेक्चर की शुरुआत करता हूँ मेरे बब्बर शेरों अंडरस्टैंड एक बार जोरदार नारा लगा दो भाई हर हर वुगली घर घर वुगली और क्लास को लाइक कर दो जिसने लाइक नहीं कर रखा है जोश बढ़ा दो मेरा एक बार फिर कम्युनिटी पढ़ाऊंगा तुम लोगों को जोरदार दम से यस 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 वेरी गुड वेरी गुड शाबाश ग्रेट हर हर वुगली घर घर वुगली तो चलिए मेरे बब्बर शेरों सबसे पहला टॉपिक होगा आपका अच्छा ये बताओ सबसे पहला टॉपिक कौन सा होगा कम्युनिटी में जो मैं पढ़ाने वाला हूं प्रडिक्शन करो देखें आप कितना प्रडिक्शन कर सकते हो कितना सोच सकते हो देखते हैं कि कौन जो बिल्कुल सही बता देगा ना उसको अर्जुन सीरीज दूंगा फ्री मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना <laughs> उसकी उसके नौ सौ निन्यानवे में भरूंगा बातों बातों में निकल गया चलो बताओ सबसे पहले जो सही बता देगा कि पहला टॉपिक क्या होगा मेरे हिसाब से दो दो बार मत दो यार आंसर एक एक बार ही दो बस और आपका समय समाप्त होता है बस मैं दस गिनूंगा जिसमें समय समाप्त हो जाएगा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और आप में से ये एक भी नहीं पकड़ पाया कि इस खोपड़ी में क्या है अंडरस्टैंड एक भी पर्सन ये नहीं बता पाया कि मैं सबसे पहले क्या पढ़ाऊंगा और इसी को एम्स कहते हैं बच्चों कि जहां से हमारी सोच नहीं जा सकती है वहां से शुरू होता है एम्स और उस एम्स की तरह सोचना सिखाने वाला आपके सामने खड़ा हुआ है अभी तक भी तुम्हारा आंसर सही नहीं आया मेरे बच्चों अभी तक भी किसी का आंसर सही नहीं आया है और मैं बताने वाला हूं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा मेरे बच्चों नहीं एक भी आपने किसी ने सही आंसर नहीं दिया है अब सोचो आप इस लेवल से आपको सोचना पड़ेगा तब जाकर के पॉसिबल होगा बच्चों एम्स तक पहुंचना अंडरस्टैंड अभी तक भी आप वो टॉपिक नहीं बता पाए जो मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा और एक भी व्यक्ति ऑफर था आपके लिए कुछ पांच सेकंड के लिए ऑफर आया था कि भैया अगर कोई सही बता देगा ज्योति ने अब जाके बताया है जब ऑफर निकल गया और सबसे पहला मेरा टॉपिक होगा फिर भी ज्योति बेटा थैंक यू सो मच बहुत बढ़िया ऑफर तो नहीं मिलेगा तुम्हें <laughs> क्योंकि तुमने टाइम लिमिट के बाद बताया दो तीन बार में और सबसे पहला टॉपिक होगा बेटा आज का बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या कहता है मेरे बच्चों बहुत सिंपल तरीके से कम्युनिटी आज सीख जाओगे पूरी दो से ढाई घंटे की क्लास होगी पूरी अटेंड करना और सीखना मेरे बच्चों एम्स का स्लोगन पहले बात तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले एम्स ने कहा सही वेस्ट डले सही बिन स्वच्छ रहेगा एम्स प्रतिदिन एम्स का स्लोगन आपको पता हो पहला क्वेश्चन ठीक है बेटा एम्स का वो कौन सा स्लोगन है जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एम्स ने दिया हुआ है और उस स्लोगन का पूरा ही आपको लर्न करना है याद रखना है कि सही वेस्ट डले सही बिन एम्स स्वच्छ रहेगा एम्स प्रतिदिन अंडरस्टैंड और आप भी अगर एम्स में जाओगे तो स्वच्छ रखने में मदद करोगे ना बेटा स्वच्छ ही रखोगे ना कोई भी एम्स को बिगाड़ेगा नहीं ना क्योंकि वह हमारे देश की धरोहर है हमारे देश की संपत्ति है और हमारे देश को स्वच्छ रखना हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है राइट right? बेटा <coughs> आपको एम्स के बायोमेडिकल वेस्ट को सीखने के लिए केवल इतनी सी बातें याद रखनी हैं कि तीन तो डिब्बे क्या तीन तो बैग क्या क्या होता है बेटा बायोमेडिकल वेस्ट में तीन तो होते हैं बैग एक डिब्बा होता है और एक गत्ता होता है <laughs> बड़े सिंपल तरीके से सीखना तीन तो होते हैं बेटा बैग एक डिब्बा होता है और एक गत्ता होता है बताओ पहले क्या क्या होता है मेरे साथ बायोमेडिकल वेस्ट सीखने के लिए पहले मेरे साथ ये बताओ क्या क्या होता है बायोमेडिकल वेस्ट में मैनेजमेंट के अंदर सेग्रीगेशन करने के लिए क्या क्या होता है तो तीन तो बैग होते हैं एक डिब्बा होता है और एक होता है गत्ता <laughs> गदानी <नहीं>। टोटल <laughs> कितनी चीजें होती है बेटा पांच कितनी पांच अब तीन बैग जो होते हैं उसमें एक काला बैग है एक पीला है और एक रेड है अंडरस्टैंड बेटा और जो डिब्बा है ये डिब्बा सफेद कलर का है और एक कांच का गत्ता है ये देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो गत्ता होता है कार्डबोर्ड का गत्ता होता है ना उसमें क्या डालते हैं पहले हिंदी में पढ़ाऊंगा फिर इंग्लिश में पढ़ाऊंगा यानी कि जब तक पूरा टॉपिक होगा हंड्रेड हर किसी को याद होगा ठीक है जो डिब्बा होता है बच्चों इसके अंदर जो गत्ता होता है गत्ते के अंदर अपन कांच की चीजें डालेंगे किसकी चीजें डालेंगे गत्ते में क्या फेंकोगे गत्ते में क्या फेंकोगे गत्ते, फेक... गत्ते में क्या फेंकोगे गत्ते में क्या फेंकोगे कांच की चीजें अंडरस्टैंड याद हो गया तीन तो बैग एक डिब्बा और एक गत्ता तीन बैग एक डिब्बा और एक गत्ता गत्ते में अपन कांच की चीजें फेंकेंगे गत्ते में क्या फेंकेंगे कांच की चीजें अब कांच की चीजें कुछ भी हो वाइल हो एम्पुल हो कुछ भी हो तो अपन को याद रखना है गत्ते में अपन इकट्ठी करेंगे कांच की चीजें जैसे कांच की चीजें क्लियर है दूसरा जो अपने पास डिब्बा है बेटा इस डिब्बे के अंदर अपन नोकदार चीजें फेंकेंगे क्या फेंकेंगे नोकदार जितनी भी अपने पास नुकीली चीजें आएगी ना शार्प वो सब अपन किसमें फेंकेंगे डिब्बे में क्लियर है डिब्बे में क्या फेंकोगे बताओ अरे डिब्बे में क्या फेंकोगे डिब्बे में <laughs> नोकदार चीजें फेंकेंगे जैसे कि नीडिल्स हो गई स्केल्पेल की ब्लेड्स हो गई शार्प हो गए अंडरस्टैंड तो डिब्बे में क्या फेंकोगे बेटा डिब्बे में आप नोकदार चीज़ें नुकीली चीज़ें जैसे नीडल्स वगैरह ये सब किस में फेंकना है आपको डिब्बे में ठीक है और अब आ जाओ बैग कितने बैग हैं आपके पास तीन बैग हैं एक तो रेड कलर का है एक येलो कलर का है और एक ब्लैक है सबसे पहले ब्लैक में देख लेते हैं अपन ब्लैक में क्या फेंकना है जो काले कलर का बैग है अरे काला है तो क्या हुआ दिल वाला है काले कलर का जो बैग है ना उसमें सामान्य कचरा फेंकना है आपको सामान्य कचरा जैसे कि आपके पास कार्डबोर्ड है रेपर्स हैं भोजन सामग्री है कागज है जैसे जितना भी आप ऑफिस वर्क कर रहे हो खाना खा रहे हो टिफिन का वेस्ट है वो सारा जो वेस्ट होगा ना वो किस में फेंकना है काले में फेंकना है किस में फेंकोगे मेरे बच्चों काले में काले में क्या क्या फेंकोगे एक तो खाने पीने के टिफिन में जो फॉइल लगा के लाए थे तुम घर से वो फॉइल निकलेगी तो किस में जाके फेंकोगे काले में फेंकना है फालतू किसी में मत फेंक देना गलती से ठीक है ना दूसरा आपने पेपर वर्क किया कोई पेपर खराब है कागज ऐसा जो है पुराना हो गया है वो कागज भी किसमें जाके फेंकना है काले में किसमें काले में अंडरस्टैंड बेटा तो जो जनरल वेस्ट है सामान्य कचरा है वो किसमें जाएगा सीधा सा काले डिब्बे में समझ में आया यहां तक बोलो यार अब आ जाएगी बात दो बैग बचे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट अब आ जाएगी बात किस पे अब लास्ट फाइनल तीन बातें तो याद गई ना सबसे पहले मैंने कहा गत्ते में क्या फेंकोगे अरे गत्ते में जितनी भी कांच की चीजें हैं ग्लास की चीजें हैं वो फेंकनी है यार गत्ते में क्या फेंकना है बताओ गत्ते में कांच की चीजें फेंकनी है यार और जो बढ़िया मजबूत डिब्बा है ना प्लास्टिक का प्लास्टिक का मजबूत डिब्बा उस डिब्बे के अंदर क्या फेंकोगे अरे उसमें नेडल्स वगैरह फेंकोगे नोकदार चीजें जो किसी के चुभ सकती है वो डिब्बे में सेफली फेंकनी है बैग में नहीं पटकेंगे उसको वरना बैग को फाड़ के बाहर निकल जाएगी वो तो ठीक है और अब आपके पास एक बचा है काला बैग काला बैग काले बैग में क्या फेंकेंगे जो जनरल वेस्ट है जनरल वेस्ट मतलब कचरा भी हो सकता है रबड़ हो सकता है कागज हो सकता है फॉइल हो सकती है सब्जी वब्जी कुछ भी जो भी आपके पास जनरल वेस्ट है वो जनरल वेस्ट किसमें जाएगा बेटा काले में अब कितने बचे आपके पास बताओ आप केवल दो ही बैग बचे कितने बैग बचे दो बैग दो बैग बचे ना कौन कौन से दो बैग बचे बताओ एक तो रेड बच रहा है और एक येलो बच रहा है अब रेड का मतलब रेड का मतलब सीधा सा समझ में आ रहा है आपको कि रेड का मतलब खतरनाक चीजें राइट येलो और रेड रेड का मतलब है बेटा बहुत खतरनाक चीजें जो इन्फेक्टेड वेस्ट है इन्फेक्टेड वेस्ट जैसे कैथेटर्स वगैरह है ट्यूबिंग है सिरिंजें हैं सुइयों के बिना वाली सिरिंजें हैं मूत्र का बैग है आईवी सेट है तो ये सब किस में डालना है जैसे आईवी सेट हो गया कैथेटर हो गया अंडरस्टैंड मतलब जो आपके पास रबड़ के आइटम है ना जिनमें इन्फेक्शन भी है वो सब आप किस में डालोगे रेड में क्लियर है तो प्लास्टिक का या रबड़ का जो वेस्ट है अपने पास वो किस में डालना है अपन को रेड में डालेंगे किस में डालेंगे रेड में डालोगे एक बार रिवाइज कर लो आप सबसे पहले बताओ मुझे आप जो आपके पास गत्ता है उसमें क्या डाला आपने क्या फेंका गत्ते में क्या फेंकेंगे सर काँच की चीजें फेंकेंगे सीधी सी बात है फिर आपके पास डिब्बा है बढ़िया मजबूत डिब्बा डिब्बे में क्या फेंकेंगे सूया फेंकेंगे सर किसी के चुभ नहीं जाए काला बैग है काले में क्या फेंकेंगे अरे काले में क्या फेंकेंगे सर वेस्ट जनरल वेस्ट फेंकेंगे जो ऐसे ही जनरल ऑफिस का जो वेस्ट निकलता है कागज गत्ता पत्ता कार्डबोर्ड कुछ ऐसी सब्जी की फॉइल वोइल ऐसी चीजें वो सब काले में फेंकेंगे सर तो फिर रेड में क्या फेंकेगा यार गज्जू भूल जाता है बार बार रेड में क्या फेंकूंगा सर रेड में तो आपने कह रखा है ना रबड़ अरे रेड से तो रबड़ होता है रेड से रबड़ होता है तो सर रेड में तो रबड़ की चीजें फेंकूँगा चाहे निडिल वो सुइया मतलब ऐसी सिरिंज हो कैथेटर हो आईवी सेट हो यूरो बैग हो ये रबड़ और प्लास्टिक वाले जो होंगे ना वो मैं फेंकूंगा रेड के अंदर बचा जो कुछ भी वो फेंक दूंगा पीले में तो पीले में क्या फेंक दूंगा भाई पीले के अंदर <coughs> पीले से याद रखना बेटा प्लेसेंटा पीले से प्लेसेंटा याद रखोगे और प्लेसेंटा एक तरह का मानवीय अंग है बॉडी ऑर्गन है अंडरस्टैंड तो बॉडी के जो ऑर्गन रहेंगे बेटा मानवीय अंग कोई भी पार्ट है बॉडी का कॉटन के स्वैब हैं या फिर साइटोटॉक्सिक दवाइयां हैं या फिर ब्लड का बैग है खून की थैली है अंडरस्टैंड तो ये स्पेशल कंडीशन है आप यूरो बैग तो फेंकते हो रेड में यूरो बैग को रेड में लेकिन ब्लड के बैग को आपको येलो में फेंकना है समझ में आ गया मेरे गज्जू तो मैंने कहा मानवीय अंग यानी बॉडी के कोई भी पार्ट हैं वो आ जाएंगे सीधे सीधे येलो में पीले से प्लेसेंटा याद रखेंगे रेड से रबड़ याद रखेंगे रेड से रबड़ की चीजें पीले से प्लेसेंटा यानी कि बॉडी की, की चीजें बॉडी के पार्ट्स ब्लड का बैग अंडरस्टैंड इसके साथ साथ स्वैब स्टूडेंट साइटोटॉक्सिक ड्रग्स साइटोटॉक्सिक ड्रग्स साइटोटॉक्सिक ड्रग्स येलो में जाएगी किस में जाएगी येलो में जाएगी अब बताओ मुझे आप बायोमेडिकल वेस्ट आया कि नहीं आया होता है होता है अभी सपना रुको थोड़ा सा इतना आया कि नहीं आया थोड़ा पेशेंस धीरे के साथ आगे बढ़ो सब आएगा धीरे धीरे लेकिन इतना आया कि नहीं आया ये क्या है बॉक्स का कलर ही तो है अभी बताऊंगा ना और बताऊंगा अभी इतनी बातें आया किन्या क्रिस्टल क्लियर है सबसे पहले मैंने बोला बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बड़ा सिंपल है सबसे आसान टॉपिक है सर तीन तो बैग होते हैं एक डिब्बा होता है एक गत्ता होता है एम्स का जो कोटेशन है स्वच्छता मेंटेन करने के लिए बायोमेडिकल वेस्ट के लिए वो कोटेशन क्या है वो कोटेशन अभी मैंने बताया था आपको सही वेस्ट डले सही बिन में सही वेस्ट डले सही बिन स्वच्छ रहेगा एम्स प्रतिदिन फिर मैंने कहा बायोमेडिकल वेस्ट में कितना कुछ होता है तो सब तीन तो बैग होते हैं एक डिब्बा होता है एक गत्ता होता है मैंने कहा कि साहब गत्ते में तो अपन को कांच की चीजें डालनी है ग्लास की जितनी भी वाई लैमपुल वगैरह जो कांच के हैं वो सब इसमें डलेंगे सर फिर डिब्बे में क्या डलेगा अरे डिब्बे में वो नुकीली चीजें डलेंगी शार्प चीजें डलेंगी ब्लेड हो चाहे निडिल हो जो किसी को चुभ सकती है जिससे किसी को हार्म हो सकता है क्योंकि ब्लेड को अगर तुमने थैली में डाल दिया तो थैली को काट देगी ब्लेड तो राइट जब वो स्वीपर आएगा ना बायोमेडिकल वेस्ट वाले स्पेशली ट्रेंड स्वीपर्स होते हैं और वो जब इस बैग को ले जाएगा फेंकने के लिए तो पता चला ब्लेड से बैग ही कट गया रास्ते में पूरा कचरा गिर गया इन्फेक्शन हो जाएगा समझ में आया तो ब्लेड हो निडिल हो ये चीजें किस में डलेगी बेटा इस मजबूत डिब्बे के अंदर मैंने कहा सर फिर काले बैग में बताओ आप तो क्या डलेगी अरे काला है दिलवाला और दिलवाला मतलब इसमें वो सारी थर्ड क्लास रद्दी चीज़ें डालेंगे जो खाने पीने के बाद बची ऑफिस का काम करने के बाद पुराने वेस्ट रद्दी पेपर कार्डबोर्ड यानी कि ये जो काला बैग है ना ये कबाड़ वाला बैग है <laughs> काला मतलब कबाड़ वाला कौन सा बैग है बेटा कबाड़ खरीदने आता है ना उसके वाला बैग है ये अंडरस्टैंड तो याद रहा काला मतलब कबाड़ वाला अब मेरे पास दो ही बैग बचे भैया एक तो रेड बचा और एक येलो बचा तो रेड से तो मैं डालूंगा बच्चों इसके अंदर रेड मतलब रबड़ और पीला मतलब प्लेसेंटा यानी रबड़ की प्लास्टिक की जितनी भी चीजें हैं चाहे सिरिंज हो कैथेटर हो यूरो बैग हो ये सब आपको किसमें फेंकना है रेड में फेंकना है <coughs> पीला मतलब प्लेसेंटा और प्लेसेंटा मतलब एनाटॉमिकल बॉडी पार्ट एनाटॉमिकल बॉडी पार्ट है तो भैया उसको पीले के अंदर फेंकूंगा सर क्लियर हो गया लेकिन इसके साथ साथ बात याद रखूंगा कि सर ब्लड की जो बैग होती है वो भी पीले के अंदर ही फेंकना है अंडरस्टैंड कॉटन के स्वैब हैं वो भी पीले के अंदर ही डालेंगे साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं वो भी पीले में ही डालेंगे अब बताओ बेटा आप कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है डिस्टल वाटर की तरह फिर आगे बढ़ूंगा अब बोलो यहां तक ये मेडिकल सर्जिकल वाला सीएचएन पढ़ा रहा है भैया ठीक <laughs> है ना संभल के पढ़ना ठीक है क्रिस्टल क्लियर है चलिए सबको क्रिस्टल क्लियर है वेरी गुड शाबाश आराम से पढ़ना और मजे लेके पढ़ना खुश होके पढ़ना टेंशन का अपने यहाँ कोई काम नहीं है चिंता का कोई विषय नहीं है यहाँ पे यहाँ तो बिल्कुल बिंदास होके पढ़ो क्योंकि बनना है नर्सिंग ऑफिसर और रट्टा फिनिशिंग एक परसेंट भी नहीं करनी है अपनी क्लास के अंदर याद तो कुछ करना ही नहीं है राइट केवल क्लास अटेंड करनी है बस उससे याद होगा क्लियर है टिप्स पे क्लियर हो गया सनेश मजा आ गया यार अरे बीटी किसमें डालेंगे ये ना ब्लड की थैली हो या बीटी हो इसी में डलेगा ठीक है बीटी इसी में डलेगा बेटा ठीक है बाकी के जितने भी सीटी हैं वो सारे इसमें डलेगे ठीक है अंडरस्टैंड नेक्स्ट अरे रबड़ के बाकी सक्शन ट्यूब फ्यूब आप पूछने की क्या जरूरत है रबड़ के जितने भी हैं वो सब रेड में डलेंगे केवल बीटी को छोड़कर क्लियर हो गया अंडरस्टैंड नेक्स्ट अब देखो आप अब मैं एक एक बैग बताता हूं अब इंग्लिश में पढ़ाऊंगा आपको रेड बिन है बायोमेडिकल वेस्ट है तो पहली बात तो आपको ये सब चीजें जो दिख रही हैं ये रबड़ की दिख रही है अब आपका सारा जवाब क्लियर करता हूं और है ना ध्यान दो इधर ये रेड कलर का बिन दिख रहा है ना सबको रेड कलर का बिन दिख रहा है बेटा तो ये है ग्लब्स यानी कि कुल आपका पीपीई ठीक है समझ में आ गया समझ में आ गया क्लियर दूसरा ये है बेटा आपकी लेबोरेटरी की वाइल्स लैब में जो काम आती है ना वाइल्स सैंपल के लिए वो गई रेड में पीपी किट रेड में जाएगा ना यार बता तो दिया ना समझ में नहीं आता क्या तुम लोगों को पैसेंस तो रखो थोड़ा सा देर रहे तो रखो फिर उसके बाद में कुछ पूछना डाउट रह जाए तो पढ़ाने तो दो मुझे छाती पे चढ़ रहे हो <laughs> पढ़ाने तो दो पढ़ा दूँ फिर उसके बाद तुम्हें डाउट रह जाए जब बात करना अभी पढ़ाया ही नहीं बिना कामी मधुमक्खी की तरह भिन्न भिना रहे <laughs> हो ठीक है मास्क पीपीई का मतलब अरे पीपीई का मतलब होता है पीपी -पी का मतलब ही नहीं जानते पहली बात तो तुम लोग पी, पी का मतलब केवल मास्क ग्लव्स गाउन या ऐसा कुछ नहीं होता है यही नहीं होता है पीपी -पी का मतलब बेटा पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वो हर चीज पीपीई होती है जो अपनी सुरक्षा के लिए व्यक्ति काम में लेता है चाहे से फिर क्रिकेट खेलते समय पेड़ हो पेड़ पे पेड़ बांधते हैं हेलमेट हो गाड़ी चलाते समय हेलमेट हो वो भी पीपीई है बाइक चलाते समय हेलमेट हो वो भी पीपीई है बेटा याद रखना जब हम कार चला रहे हैं और सीट बेल्ट बांध रहे हैं वो भी पीपीई है आप ठंड में बाहर निकल रहे हो और जैकेट पहन के जा रहे हो वो भी पीपीई है आप अस्पताल जा रहे हो और आप गाउन पहन रहे हो वो भी पीपीई है तो मेरे बच्चों आज से ही तुम ये समझ लेना कि पीपीई का मतलब केवल ग्लब्स मास्क गाउन या कैप नहीं होता है ये तो हॉस्पिटल के पीपीई हैं हर तरह के फील्ड के पीपीई आते हैं फैक्ट्री में जा रहे हो उसका हेलमेट पीपीई है तो बच्चों दुनिया में वो हर कोई चीज वो हर चीज जो इंसान को प्रोटेक्शन के लिए यूज करता है वो हर चीज पीपीई होती है समझ में आ गई अब तुम लोगों को अरे लेब वाइल में ब्लड भी तो होता है तो गधे तेरे को समझ में नहीं आ रहा ब्लड से रिलेटेड सारी चीजें उसमें डलेगी समझ में आ गई ब्लड से रिलेटेड कुछ भी हुआ तो ब्लड से रिलेटेड चीज को इसमें येलो में ही डालना है चाहे फिर वो वाइल हो बीटी सेट हो या ब्लड का कंटेनर हो बैग हो अब समझ में आ गया हूं? जब तक गधा में ढंग से बोलू नहीं ना तुम लोगों को समझ में नहीं बैठती बात क्लियर है तो बच्चों हॉस्पिटल का पीपीई की बात कर रहे हो तो ये पीपीई इसमें जाएगा रेड के अंदर समझ में आ गया रेड बिन में किस में जाएगा रेड में क्लियर हो गया बढ़ू क्या आगे अब तुम मुझे कह दो तो आगे बढ़ू बोलो या अब तुम बोल दो तो आगे बढ़ूं या फिर तुम्हारी बातें ही सुनता रहूं क्लियर है क्लियर है बस तुम ऐसी दुआ दे सकते हो हेमंत मलिक हाइपर टेंशन करवा दो मुझे जो बस उसके बाद में पढ़ते रहना नॉर्थ सेट तुम लोग खुद ही भर्ती कर लेना कहीं तुम्हारे अस्पताल में नौकरी लगोगे ना तुम मुझसे पढ़ के तो मुझे हाइपरटेंशन करवा देना जो उसके बाद तुम वहां पे इलाज कर देना मेरा और तो क्या ये दुआ दोगे तुम और करोगे क्या तो देखो आगे ये बोटल देखी ये बोतल बेटा प्लास्टिक की है क्लियर है तो मैंने कहा रेड से रबड़ की चीज गई इसमें यह सिरिंज है रबड़ की है प्लास्टिक की है रेड से रबड़ की है रेड में गई बेटा याद रखना ये यूरिनरी कैथेटर है रबड़ का है गया रेड में ये मैंने कहा यूरो बैग है रेड है रबड़ का है गया इसमें बेटा ये हमारे ग्लव्स हैं रबड़ के हैं गए रेड में बेटा ये बोतल है प्लास्टिक की है गई रेड में बेटा ये आईवी सेट है ये कुछ और इक्विपमेंट्स हैं ये सिरिंज हैं बैग हैं तो जितने भी रबड़ के आइटम हैं वो सब गए ना रेड में किस में गए रेड में गए मेरे बच्चों याद रखना अब रेड बिन के अंदर ऑल इन्फेक्टेड प्लास्टिक रिसाइकलेबल वेस्ट डाला जाता है यदि मैं एक सुंदर और सुशील सा छोटा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना के पूछ लूं बेटा कि ये बताओ आप मुझे रेड बिन के अंदर कौन से टाइप के वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है तो बेटा हमारा आंसर किया जाएगा कि सर रेड से पहले तो रबड़ पता है आपको प्लास्टिक पता है और आपको यह पता होना चाहिए कि ऑल इन्फेक्टेड प्लास्टिक शुड बी कलेक्टेड इन द रेड बिन दैट विल बी रिसाइकलेबल अंडरस्टैंड गाइस तो यह आपको ऑप्शन के अंदर मिलेगा प्लास्टिक इन्फेक्टेड प्लास्टिक रिसाइकलेबल वेस्ट जैसे कि उदाहरण के तौर पर वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द ट्यूबिंग जितनी भी ट्यूबिंग होती है हॉस्पिटल के अंदर प्लास्टिक आईवी बोतल नॉर्मल सलाइन आरएल ये सब चीजें रेड में जाएगी समझ में आ गया अब मैं पूछ लू डीएनएस में फेंकोगे आरएल एल में फेंकोगे एनएस में फेंकोगे आईवी सेट किसमें फेंकोगे समझ तो में आ गया बेटा आईवी ट्यूब बीटी सेट बीटी सेट यहां इसने बीटी सेट यहां दे रखा है बेटा सेंट्रल लाइन और पीआईसीसी लाइन ग्लब्स यूरिन बैग कैथेटर ड्रेन सिरिंज विदाउट निडिल क्लियर है यहां ध्यान रखना बेटा ये जो बात हम जानते हैं कि खून की जो थैली है उसको हम इसमें फेंकेंगे येलो में क्लियर है लेकिन बीटी सेट के लिए एम्स दिल्ली ने यह कहा वैसे इसमें फेंकना है बीटी सेट भी क्योंकि वो भी इतना ही इंफेक्टेड है अंडरस्टैंड लेकिन एम्स दिल्ली ने खुद ही कहा है इसलिए इस एक्सेप्शन को याद रखना मेरे बच्चों एक अपवाद याद रखना कि बीटी सेट को भी किसमें डालना है आपको एक्सेप्शन ठीक है बी टी सेट शुड बी कलेक्टेड इन द रेड बिन क्रिस्टल क्लियर हो गया है यहां तक लॉक कर दूं बेटा अंडरस्टैंड अब आ जाओ दूसरे बेड पर दूसरा बिन आ गया येलो बैग में येलो बैग में क्या क्या डालेंगे बेटा देखो आप ह्यूमन या एनिमल एनाटॉमिकल एंड सॉइल्ड वेस्ट पहला तो मेरा एक सिंगल लाइनर आपसे एमसीक्यू बनेगा और सिंगल लाइनर एमसीक्यू के अंदर मैं केवल थियोरटिकली आपसे सवाल पूछूंगा कि येलो बैग के अंदर कौन से वेस्ट को कलेक्ट करते हैं तो क्या कहेंगे हम? ह्यूमन से हो एनिमल से हो कोई भी एनाटॉमिकल वेस्ट हो वो सब इसके अंदर कलेक्ट होगा जैसे क्या क्या बेटा टिश्यू है ऑर्गन है बॉडी का कोई पार्ट है एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट है सॉइल्ड वेस्ट है सॉइल्ड वेस्ट अब सॉइल्ड वेस्ट में क्या क्या आता है तो आइटम कंटामिनेटेड विद द ब्लड और बॉडी फ्लूड्स अंडरस्टैंड एक बात यहां से क्वेश्चन मार्क कर लो कि ऐसे आइटम दे आर कंटामिनेटेड विद द ब्लड और बॉडी फ्लूड दैट विल बी कलेक्टेड इन द येलो बिन माइडियर जैसे कि ड्रेसिंग हो गई प्लास्टर हो गया कॉटन के स्वैब हो गए डिस्कार्डेड लिनन हो गया मैट्रेस हो गया बेडिंग हो गई ब्लड का बैग हो गया डिस्कार्डेड और एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गई ठीक है मेरे बच्चों ये दो सबसे इंपॉर्टेंट मार्क करिए ये सब जाएगा किसके अंदर येल्लो के अंदर येल्लो मैंने कहा पीला पीला मतलब प्लास्टिक पीला मतलब प्लेसेंटा प्लेसेंटा मतलब एनाटॉमिकल वेस्ट अंडरस्टैंड गाइस तो जितना भी एनाटॉमिकल वेस्ट है चाहे एनिमल वेस्ट हो ह्यूमन वेस्ट हो बॉडी के ऑर्गन हो टिश्यू हो एंपूटेटेड बॉडी पार्ट हो दूसरी बात याद रखना बेटा ऐसे कोई भी इन्फेक्टेड कंटामिनेटेड आइटम्स दैट आर कंटामिनेटेड विद द ब्लड और बॉडी फ्लूड्स दे विल बी सेग्रीगेटेड इन टू द येलो बिन अंडरस्टैंड क्लियर है अंडरस्टैंड गाइस अरे बता दिया ना बीटी सेट अभी अभी तेरे को समझ में नहीं आता तू लेट आते हो क्या ये बी टी सेट यहां लिख रहा है क्लास को दोबारा देखना शुरू से पूरा बाद में है ना समझ में आ गया बेटा तो मैंने कहा रेड से रबड़ और येलो से मैंने कहा पीले से कहा प्लेसेंटा यानी एनाटॉमिकल वेस्ट प्लेसेंटा मतलब ऑर्गन बॉडी का क्लियर हो गया नेक्स्ट तीसरा बिन होता है बेटा एक ब्लू बिन कौन सा ब्लू बिन और ब्लू बिन के अंदर ऑल ब्रोकन और कंटामिनेटेड ग्लास वेयर ग्लासवेयर काच की चीजें अंडरस्टैंड तो मैंने जो आपसे कहा ब्लू बिन ऑल ग्लास वेस्ट काच का जितना भी वेस्ट है वो सब किस में जाएगा ब्लू के अंदर तो इन्फेक्टेड ब्रोकन ग्लास की बोटल्स, ब्रोकन और अनब्रोकन ग्लास एंड वाइल और एम्पुल एक्सेप्ट द साइटोटॉक्सिक वेस्ट केवल किसको नहीं डालना है इसके अंदर ब्लू के अंदर क्या नहीं डालना है साइटोटॉक्सिक को नहीं डालना है अंडरस्टैंड बेटा तो जो ब्लू वाला था मैंने जब स्टार्टिंग की थी तो ब्लू का मतलब मैंने क्या समझाया था आपको कि आपके पास एक गत्ता है क्या है बेटा गत्ता गत्ता मतलब ब्लू कलर वाला गत्ता समझ में आ गया अब क्रॉस मैच हो गया मैंने कहा बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन के लिए केवल पांच ही आइटम होते हैं और वो पांच आइटम में क्या क्या बता रखे हैं मैंने तीन तो आपको बैग बता रखे हैं एक बता रखा है आपको एक डिब्बा क्या बता रखा है बेटा एक डिब्बा बताया हुआ है और मैंने कहा एक आपको गत्ता बता रखा है क्लियर तो मैंने तीन बैग आपको बताए थे बच्चों और तीन बैग किस किस कलर के ब्लैक रेड और येलो मैंने आपको एक बताया गत्ता और गत्ता किस कलर का होता है ब्लू कलर का अब इसकी जगह आप बैग काम में ले लें डिब्बा ले लें ले, कुछ भी रखें वो आप लेकिन इसका मतलब समझ गए आप अंडरस्टैंड बेटा यहां तक लॉक कर दूं तो जितने भी तो मैंने कहा था कि साइटोटॉक्सिक वेस्ट को नहीं डालेंगे इसमें अंडरस्टैंड साइटोटॉक्सिक वेस्ट नहीं डालेंगे इसके अंदर और जितने भी कांच के आइटम होंगे वो सब गत्ते में जाएंगे आ जाता हूं पहले पेज पर वापस से मैंने कहा कि तीन तो बैग एक डिब्बा और एक गत्ता बेटा तीनों बैग ये हैं और एक नोकदार आइटम डालने के लिए यह डिब्बा है और एक गत्ता है तो समझ में आई बात गत्ता किस कलर का गत्ता है ब्लू ब्लू कलर कलर का और ब्लू कलर के गत्ते में सारे कांच के आइटम जाएंगे कौन से जाएंगे बेटा कांच के आइटम नोकदार जितने भी आइटम हैं वो सब शार्प किस में जाएंगे डिब्बे के अंदर और डिब्बे में जितनी भी निडिल्स हैं स्कैल्पेल्स हैं ब्लेड्स हैं वो सब इसके अंदर जाएंगे और साइटोटॉक्सिक दवाइयों को मैंने बोला इसमें नहीं डालना है ठीक है ना साइटोटॉक्सिक को येल्लो के अंदर डालेंगे किसमें डालेंगे येल्लो में क्लियर हो गया ब्लड का जो बैग होगा बीटी का बैग वो जाएगा येल्लो में लेकिन यदि अगर मैं कहूं बीटी सेट क्या बोलूं बीटी सेट आईवी सेट तो ये जाएगा बेटा रेड में किस में जाएगा रेड में समझ में आ गया मेरे गज्जू होगी तो यहां तक बात अब देखो आप वाइट कंटेनर आ चुका है आपके पास और वाइट का मतलब आप समझते हो ना पंचर प्रूफ लीक प्रूफ टेम्पर प्रूफ वाइट कंटेनर की खास बात क्या बताई मैंने जो आपको मैंने बताया था बेटा डिब्बा मैंने कहा था ऐसा डिब्बा काम में लेना है जो मजबूत है जो मजबूत है क्योंकि इस मजबूत डिब्बे के अंदर क्या डालोगे आप इसमें डालना होता है बेटा शार्प और शार्प के लिए डिब्बा मजबूत होना चाहिए क्लियर है तो डिब्बा किस कलर का डिब्बा लेना है आपको डिब्बे का कलर रहेगा वाइट कैसा रहेगा इट अंडरस्टैंड बेटा गत्ते का कलर कैसा लिया था आपने बताओ गत्ते का कलर कौन सा लिया था बेटा गत्ते का कलर लेना था आपको ब्लू और बैग कितने कलर के थे हमारे पास तीन कलर के बैग थे एक ब्लैक एक रेड और एक येल्लो बताओ आप बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट समझ में आया के नहीं आया मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का सिंप्लीफाई करके आपको कोई क्लास पढ़ा सकता है अंडरस्टैंड बेटा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आज कम्युनिटी आपका इसी तरह से पूरी कम्युनिटी क्रिस्टल क्लियर होगी अभी आपको बायोमेडिकल में सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एक तो दूसरा लेवल ऑफ प्रिवेंशन में सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अभी इसके बाद का ही टॉपिक है नेक्स्ट क्लियर है तो देखो आप ये मैंने बोला बेटा कि हमारे पास जो ये डिब्बा है इस डिब्बे की खासियत ये रहेगी कि ये डिब्बा जो होता है वो पंचर प्रूफ होना चाहिए बेटा लीक प्रूफ होना चाहिए जो डिब्बा लिया जाता है शार्प के लिए उसकी खास बातें क्या होती है बेटा कि ये पंचर प्रूफ हो लीक प्रूफ होना चाहिए इसमें सारा शार्प डाला जाएगा यदि मैं ये इमेज बेस क्वेश्चन बना दूंगा यहां से और आपसे पूछूंगा बेटा यहां पर ये पांच कंटेनर दूंगा और पांच कंटेनर देकर के ये पूछूंगा ये इमेज देकर के और पूछूंगा कि ये सही तरह से बायोमेडिकल वेस्ट जो है कौन से डिब्बे में जाएगा क्लियर हो गया इमेज बेस कैसे बनेंगे सारे इमेज बेस यहां मेंशन कर रखे मैंने ये आपका इमेज बेस क्वेश्चन है ठीक है ये कौन से डिब्बे में जाएगा ये पूछूंगा आपसे दूसरा ये आपका इमेज बेस क्वेश्चन है अब मैं एक इमेज बेस क्वेश्चन ऐसा दिखाऊंगा जिसमें मैं क्या फेंकता हुआ दिखाऊंगा साइटोटॉक्सिक ड्रग्स वाली चीज को आपको डिस्प्ले कर दूंगा साइटोटॉक्सिक ड्रग लिखा रहेगा उस पर अब पूछूंगा इसको किसमें फेंकोगे आप बताओ क्रिस्टल क्लियर हो गया बेटा फिर मैं आपको दूंगा आईवी सेट फिर मैं दूंगा आपको बीटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन बैग क्लियर है ये सारे मेरे इमेज बेस क्वेश्चन रहेंगे क्रिस्टल क्लियर हो गया तो बेटा याद रखना ये ब्लू के लिए सारे की सारे ही यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे जितने भी ब्लू के अंदर कांच की चीजें हैं वो सब किस में जाएगी ब्लू के अंदर अंडरस्टैंड ये मेरा इमेज बेस क्वेश्चन रहेगा यदि अगर अब मुझे ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन बनाना है और वीडियो बेस्ड क्वेश्चन बनाना है बेटा आएगा इसका वीडियो बेस्ट क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको बायोमेडिकल वेस्ट के अगर आए तो वीडियो बेस्ट क्वेश्चन आए तो उसमें मैं क्या दिखाऊंगा एक नर्सिंग ऑफिसर को बीटी सेट को इसको बीटी सेट को <coughs> ब्लू बैग के अंदर फेंकते हुआ दिखाऊंगा और पूछूंगा कि दैट इज द राइट प्रैक्टिस फॉर बायोमेडिकल मेस्ट मैनेजमेंट या रॉन्ग प्रैक्टिस बताओ बेटा रॉन्ग प्रैक्टिस अंडरस्टैंड पहला क्वेश्चन हो गया समझ में आ गया कि वीडियो बेस्ट क्वेश्चन किस प्रकार से बनाए जाएंगे इसके अगर टॉपिक क्लियर है तो वो इमेज पूछ ले वीडियो पूछ ले एमसी पूछ ले थल पूछ ले फोटो बेस पूछ ले एम पूछ ले कुछ भी पूछ ले बेटा आपका टॉपिक अगर क्रिस्टल क्लियर है टिप्स पे है सर से तुमने पढ़ाई कर रखी है तो कोई माइका लाल पैदा ही नहीं हुआ जो मेरे स्टूडेंट से कुछ ऐसा पूछ ले जो मैंने नहीं पढ़ाया हो और वो जवाब ना दे सके अब यदि अगर वो एमआरक्यू पूछ लेगा तो क्यू के अंदर वो एक लिस्ट बना के दे देगा बेटा और लिस्ट बना के देगा और ये टिक करवाएगा कि टिक करके बताओ इसमें से कौन कौन से कौन कौन से वेस्ट हैं जो इस डिब्बे में डालोगे ऐसा समझ तो में आ गया अब मैं एक वीडियो ऐसा दिखाऊंगा जिसके अंदर मैं यूरो बैग को फेंक रहा हूं और वो यूरो बैग में येलो के अंदर फेंक रहा हूं येलो बिन में फेंक रहा हूं बताओ क्या यह सही प्रैक्टिस है बोलो यार यदि मैं यूरो बैग को फेंक रहा हूं और वो मैं येलो में फेंक रहा हूं तो रोंग प्रैक्टिस है। तो राइट प्रैक्टिस क्या होगी बेटा यूरो बैग को फेंकने की रेड बिन के अंदर आपको फेंकना पड़ेगा क्लियर है यहां तक तो जितने भी इंफेक्टेड ब्रोकन ग्लास वेयर हैं ग्लास के आइटम्स हैं वो सब जाएंगे बेटा ब्लू के अंदर वाइट कंटेनर के अंदर हम जानते हैं वाइट के अंदर वो सारी चीजें जाएंगी जितनी भी शार्प हैं ऑल शार्प वेस्ट शार्प वेस्ट यानी कि शार्प सिरिंज शार्प मेटल्स हो सकती हैं निडिल हो सकती हैं सिरिंज विद निडिल हो सकती है अंडरस्टैंड तो बेटा यदि अगर केवल विदाउट निडिल का सिरिंज फेंकते हुए दिखाया है विदाउट दोनों को बड़े ध्यान से समझ लेना विदाउट निडिल वाला सिरिंज अगर फेंकना है तो कौन से बिन में फेंकोगे बताओ बेटा रेड में लेकिन यदि विद निडिल वाला सिरिंज फेंकना है तो किस में फेंकोगे विद निडिल तो विद निडिल हम फेंकेंगे डिब्बे में किसमें फेंकेंगे बेटा डिब्बे में और डिब्बा मैंने बताया था व्हाइट कलर का मैंने ये सब बातें बताई ना आपको डिब्बा किस कलर का बताया व्हाइट कलर का और गत्ता ब्लू कलर का क्लियर हो गया है और बैग तीन बैग बता हैं ब्लैक रेड और येलो अब आ जाते हैं बेटा ब्लैक वाले बिन पर और ब्लैक बिन के अंदर नॉन इनफेसियस जनरल वेस्ट फेंकते हैं जैसे फूड वेस्ट हो गया है मिनरल वाटर की बोटल्स हो गई हैं पेपर का वेस्ट हो गया है तो ये इमेजेस अगर मैं आपको दिखा दूंगा बेटा ये इमेजेस दिखा करके और इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनाऊंगा वीडियो बेस्ड क्वेश्चन बनाऊंगा या मल्टीपल रेस्पॉन्स क्वेश्चन बनाऊंगा तो ये सब किस में जाएगा बेटा ब्लैक बैग के अंदर तो ये था मेरे बब्बर शेरों बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कुल नेट मुझे 50 मिनट का समय लगा है बायोमेडिकल वेस्ट समझाने में और उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि जितना क्रिस्टल क्लियर इस क्लास को पढ़ने के बाद आपका माइंड हो जाएगा ना डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि 100 परसेंट चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन किसी भी लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछ ले एक बार इस लेक्चर को सजेस्ट कर देना बस कोई एम्स के अंदर ऐसा एग्जामिनर नहीं बना जो इसके बाहर पूछ ले आपसे क्रिस्टल क्लियर है चलते हैं आगे प्लास्टिक बोतल रेड में ही जाएगी बेटा और जो लेट कमर्स हैं वो एक बार शुरू से लेक्चर सुनना तब जाके आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे अब मैं इस टॉपिक को यहां पैक कर रहा हूं लॉक कर दूं अरे लॉक कर दूं क्या Clear है चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपना दूसरा कम्युनिटी का टॉपिक होता है जिस पे कम्युनिटी टिकी है अरे दो तीन टॉपिक ही तो कम्युनिटी में और है क्या कोई दमबाजी तो है नहीं ज्यादा <laughs> एक तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है बायोमेडिकल वेस्ट है बस ये कम्युनिटी है क्लियर बेटा वैक्सीन है इम्यूनाइजेशन है? है अब चलते हैं अपन कम्युनिटी हेल्थ की कुछ डेफिनेशंस देखें पहले तो कम्युनिटी किसे कहते हैं अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन भूल जाओ अब उसको बाद में देखना आप वापिस से जिस जो लेट कमर्स है वो बाद में देखना ठीक है ना इट इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन अ फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया बेटा किसी पर्टिकुलर फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोगों के समूह को ग्रुप को हम कम्युनिटी कहते हैं क्लियर है जैसे भारत का कम्युनिटी है कि यहां हिंदू रहते हैं राइट दोस्तों पाकिस्तान का कम्युनिटी है जैसे वहां मुस्लिम रहते हैं तो याद रखना मेरे बच्चों एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोगों के ग्रुप्स को कहा जाता है कम्युनिटी और इस कम्युनिटी के लोगों को प्रिवेंटिव और रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करना ही कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता है क्लियर है नेक्स्ट देखो अब आप बेटा याद रखना 2020 की लेटेस्ट बात पूछ रहा हूं अगर यह क्वेश्चन आता है तो जवाब सही देना है अपने को बाकी सबका गलत होगा क्लियर है यदि अगर स्पेशली आपसे यह कह दिया जाए कि 2000 के अंदर तन 2000 के हिसाब से 2000 के आंकड़े के हिसाब से बेटा सबसे ज्यादा डेथ हुई है वर्ल्ड में स्टेमिक हार्ट डिजीज एम आई ये सबसे खतरनाक डिजीज है जिससे सबसे ज्यादा डेथ होती है वर्ल्ड वाइड दूसरे नंबर पे हुआ है सीवीए की वजह से स्ट्रोक की वजह से और तीसरे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी सीओपीडी की वजह से और नंबर फोर लेवल पे चला गया था एलआरटी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन लेकिन याद रखना बेटा जनरली जो आपको आंसर करना है एग्जाम के अंदर वो क्या करना है पहले नंबर पर एमआई दूसरे नंबर पर बेटा हम जवाब देंगे कैंसर तीसरे नंबर पर हम जवाब देंगे सीवीए और चौथे नंबर पे हम जवाब देंगे सीओपीडी तो दीज आर द फोर लीडिंग कोजेस ऑफ द डेथ अमंग वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा डेथ का कारण है एमआई फिर कैंसर थर्ड लीडिंग कोज इज सीवीए और फोर्थ लीडिंग कोज ऑफ द डेथ वर्ल्ड वाइड इज सीओपीडी, अंडरस्टैंड बेटा हमें इसके अनुसार जवाब देना है नेक्स्ट अब आ जाइए लेवल ऑफ प्रिवेंशन करें शुरू इस टॉपिक को या इसको स्किप कर दें जरूरत नहीं है सनेश कह रही है जरूरत नहीं है वैसे तनेश कह रही है कि काफी क्लियर है ये तो अगर क्लियर है तो स्किप कर देते हैं लेवल ऑफ प्रिवेंशन करूं चलो चलो पढ़ा देता हूं लेवल ऑफ प्रिवेंशन ध्यान से सुनना बेटा आप सबसे पहले अगर मैं एक सवाल पूछूं आप लोगों से कि आप बाइक चलाते समय हेलमेट पहन करके बाइक चलाते हो यह कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है बताओ बाइक चलाते समय आप हेलमेट लगा के बाइक चलाते हो ये कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है बेटा आप किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी दे रहे हो यह कौन सा प्रिवेंशन है कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है बेटा आप किसी की सर्जरी कर रहे हो जैसे आपके पास अगर माना गॉल ब्लैडर निकालना पड़ा या इलियोस्टोमी आपको करनी पड़ी राइट सर्जरी करनी पड़ी तो सर्जरी कौन सा प्रिवेंशन होगा बेटा आप किसी को क्रैच या फिर आर्टिफिशियल लिंब से चलना सिखा रहे हो किसी को आप क्रच या आर्टिफिशियल लिंब से चलना सिखा रहे हो इसका यूज करना सिखा रहे हो कौन सा प्रिवेंशन होगा कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा बेटा किसी को आप शराब छोड़ने की सलाह दे रहे हो शराब छोड़ने की सलाह दे रहे हो कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा तो मेरे गज्जू जैसे मैंने बायोमेडिकल वेस्ट आपको पढ़ाया ना मतलब रटना नहीं है कुछ भी आप जो जवाब दे रहे हैं वो आपने हो सकता है याद कर रखे हो लेकिन आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगा पढ़ाई का वो लेवल मेरी क्लासेस के अंदर आपको मिलता है जो रटना नहीं है बेटा राइट यानी कि आज के बाद लेवल ऑफ प्रिवेंशन का किसी भी तरह का एग्जाम्पल आपसे एग्जामिनर कर ले आप एक ही सेकंड में जवाब दे देंगे किसी भी तरह का चाहे कोई भी एग्जांपल हो जैसे स्प्लीनोमली के बाद में स्प्लेनेक्टोमी किया एलियोस्टोमी किया क्रच वॉकिंग किया गेट वॉकिंग किया आर्टिफिशियल लिम्ब किया कुछ भी एग्जाम्पल पूछ लिया जाए बच्चों सबसे ज्यादा आपको जो कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि सर प्रीमॉर्डियल और प्राइमरी प्रिवेंशन पहले बताओ आप राइट माय डियर स्टूडेंट प्रीमोर्डियल और प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करूं तो वैसे तो प्रीमोर्डियल भी जो है वो एक तरह का प्राइमरी प्रिवेंशन ही था पहले लेकिन अब इसको सेपरेटली हम पढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट प्रीमोर्डियल और प्राइमरी प्रिवेंशन में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है सबसे ज्यादा मेजर डिफरेंस कैसे पहचानेंगे सर कि ये प्रीमोडियल है और सर ये प्राइमरी है बेटा याद रखना बिना काम की सलाह देना प्रीमोडियल होगा राइट और जहां रिस्क फैक्टर है वहां सलाह देना प्राइमरी होगा बड़े ध्यान से समझो ड्रॉप साइलेंट और कॉन्सेंट्रेट होके लेक्चर को अटेंड करो मैंने कहा कि बिना काम की सलाह देना प्रीमोडियल होगा और जहां रिस्क फैक्टर है ना बेटा वहां सलाह देना प्राइमरी होगा अंडरस्टैंड मैंने कहा कि आप ऐसी ऐसे लोगों को जाकर के और ब्रेस्ट फीडिंग की वैल्यूएशन समझा रहे हो जहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है जनरल सोसाइटी आपके सामने बैठी है ऐसा नहीं कि उनको सबको ब्रेस्ट फीडिंग देने में प्रॉब्लम है नहीं लेकिन आप ब्रेस्ट फीडिंग पर हेल्थ एजुकेट करके लोगों को आने वाले समय के लिए जागरूक कर रहे हो तो बेटा यह है प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन मैंने कहा बिना काम की सलाह देना मतलब काम की तो है समझाने का तरीका है मेरा ये कि जब कोई रिस्क फैक्टर नहीं जनरल पॉपुलेशन को आने वाले समय के लिए तैयार करना बेटा प्रीमोडियल होता है अब आप एक ऐसे एरिया में गए जो इंडस्ट्रियल एरिया है और जहां पर जैसे आप पंजाब में गए और वहां पर जो फसल है पेस्टिसाइड्स की वजह से बहुत ही ज्यादा कार्सिनोजेनिक है और वहां जाकर लोगों को आप कैंसर के प्रति हेल्थ एजुकेट कर रहे हो तो माय डियर स्टूडेंट दिस इज द प्राइमरी प्रिवेंशन अंडरस्टैंड तो बेटा दो बातें मैं बोलूंगा दोनों के अंदर डिफरेंस क्या क्रिएट करना है यदि सर मैं केवल मात्र एडवाइस फ्री हेल्थ एजुकेशन दे रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं एडवाइस और एक्टिविटी दो बातों पे ध्यान देना एक तो सलाह देना एडवाइस करना और एक एक्टिविटी करना मेरे बच्चों आपको प्रीमोडियल प्रिवेंशन जो है वो बिना काम का बहुत मिलता है रोज आपके आसपास के जितने भी लोग हैं ना घर के जैसे बड़े बुजुर्ग है चाचा मामा ताऊ का लड़का है तो कोई भी आएगा और आपको फ्री में एडवाइस करने लग जाएगा कि ऐसे ऐसे करो यार तो जो वो एडवाइजरी है दोस्तों वो प्रीमॉडियल है और मैं आपसे यदि बात करूं एक्टिविटी की जिसमें आप मेरे बच्चों जिसमें मैं कह रहा हूं कि एक्टिविटी जो कर रहे हो आप अगर कुछ करके लोगों को हेल्थ एजुकेट कर रहे हो तो हमेशा वो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है अंडरस्टैंड तो हमें केवल ये पकड़ना है कि ये केवल एक सलाह है राइट right? या फिर ये या फिर मैंने कहा अरे यार पता नहीं कैसे घूमेगा देखो बेटा सबसे पहले प्रीमोडियल और प्राइमरी की बात करता हूं तो बेटा प्रीमोडियल प्रीमोडियल एक प्रकार की एडवाइजेस होती हैं। पहचानना क्या है आपको एडवाइजेस और प्राइमरी वो हर प्रिवेंशन प्राइमरी होगा जिसमें एक्टिविटी कर रहे हो आर डन टू अवॉइड द डिजीज एकर यानी कि बीमारी ना हो उसके लिए जो एक्टिविटीज की जाती है ना बच्चों वो सब प्राइमरी होती है और बीमारी से बचने के लिए जो एडवाइजेस की जाती है ना बच्चों वो सब प्रीमोडियल होती है जैसे ध्यान से समझना आप कह रहे हो किसी से अवॉइड स्मोकिंग सलाह दी आपने अवॉइड एल्कोहल किसी को सलाह दी अवॉइड जंक फूड आपने कहा योगा करो एक्सरसाइज करो ये जितनी भी सलाह दी है दोस्तों ये सारी सलाह जो है वो है प्रीमोर्डियल। प्यारे बच्चों मैंने कहा प्राइमरी प्रिवेंशन कब बोलेंगे मेरे दोस्तों तो जब आपने कोई एक्टिविटी की है मैंने कहा किसी ने स्मोकिंग करना छोड़ दिया मैंने कहा स्मोकिंग छोड़ने की सलाह दी दिस इज प्रीमॉर्डियर मैंने कहा बेटा कि स्मोकिंग छोड़ दिया एक्टिविटी की ना छोड़ दिया दिस इज प्राइमरी मैंने कहा अल्कोहल उसने छोड़ दिया दिस इज प्राइमरी अंडरस्टैंड बेटा तो याद रखो मेरे बब्बर शेरो हेल्थ प्रमोशन और हेल्थ एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन यहां भी हो रहा है और हेल्थ एजुकेशन यहां भी होता है लेकिन यह कुछ करने के लिए प्रेरित किया जाने वाला हेल्थ ये कुछ करने के लिए प्रेरित करने वाला हेल्थ एजुकेशन होता है और यह कुछ करना ही है ऐसा हेल्थ एजुकेशन होता है यानी इसकी जो सेंटेंस होगी उसमें एक्टिविटी झलकेगी और इसमें जो एक्टिविटी जिसमें एग्जाम्पल होगा उसमें सलाह झलकेगी क्लियर है बच्चों याद रखना न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन इसी के अंदर आएंगे एनवायरमेंटल या मॉडिफिकेशन किया आपने प्राइमरी होगा न्यूट्रिशन इंटरवेंशन किया आपने एक्टिविटी की है आप प्राइमरी होगा हेल्थ एजुकेशन किया आपने जो किसी एक्टिविटी को इंडिकेट करने वाला हेल्थ एजुकेशन होगा प्राइमरी होगा लाइफ स्टाइल में परिवर्तन किया मॉडिफिकेशन किया एक्टिविटी किया प्राइमरी होगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन किया जैसे इम्यूनाइजेशन किया आपने, अरे किया ना, डिजीज़ तो नहीं है लेकिन किया ना प्राइमरी होगा बेटा याद रखिए पीपीई पहना ना इंफेक्शन तो नहीं हुआ लेकिन पहना ना एक्टिविटी की ना बेटा प्राइमरी होगा फैमिली प्लानिंग किया आपने क्या किया फैमिली प्लानिंग किया कॉन्ट्रासेप्टिव यूज की अरे की ना एक्टिविटी की ना क्या होगा प्राइमरी होगा माय डियर हजार रिमूव की, की जिनसे खतरा था अरे कुछ किया ना और कुछ किया ना किया तो क्या होगा बेटा प्राइमरी होगा आपने स्टार्टिंग द स्पेसिफिक न्यूट्रिशन एक विशेष डाइट शुरू की ना अरे डाइट शुरू की ना आपने कहा अभी एग्जाम आ रहे हैं दूध पीना शुरू कर दो कुछ स्टार्ट किया ना प्राइमरी होगा तो मेरे बच्चों क्या समझ में आ गया आप लोगों को कि प्रीमोडियल कब बोलेंगे और प्राइमरी कब बोलेंगे मेरी किसी क्लास के अंदर आपको कुछ भी नहीं रटना है केवल समझना है और एक बार जो लेक्चर्स पढ़ लिए मुझसे आपने तो लाइफ टाइम का बीमा हो गया ये समझो आप और याद कभी करना ही नहीं है अंडरस्टैंड यही खास बात होती है साउसर की क्लासेस की अंडरस्टैंड मेरे बच्चों क्रिस्टल क्लियर है लॉक कर दिया जाए आगे बात करूं दूसरे डिफरेंस की बेटा तो हेल्थ एजुकेशन हम यहां भी कर रहे हैं लेकिन यहां का जो हेल्थ एजुकेशन होगा और यहां का जो हेल्थ एजुकेशन होगा उसमें बहुत अंतर होता है कैसे अंतर होता है आइए समझते हैं मेरे बब्बर शेरों याद रखना यहां का जो हेल्थ एजुकेशन होगा वो इंटरव्यू के द्वारा होगा या तो या ग्रुप डिस्कशन के द्वारा होगा और या फिर डेमोस्ट्रेशन के द्वारा होगा जैसे कि आप किसी गांव में गए और वहां पर आपने टीवी चला दी और टीवी के ऊपर आप क्या सिखा रहे हो कैंसर से प्रिवेंशन का सेमिनार सिखा रहे हो क्लियर है टीवी से बचने का सेमिनार सिखा रहे हो ब्रेस्ट फीडिंग का सेमिनार सिखा रहे हो इसका यह मतलब नहीं है कि उन लोगों को यह परेशानियां है नहीं है लेकिन आप चाहते हो कि भारत के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े इसलिए आप उनको सिखा रहे हो आप मीटिंग्स लेते हो और उसमें 10-10, 20-20 लोगों के साथ ग्रुप डिस्कशन करते हो, होगा आप लोगों के गांव गांव में जा जा करके इंटरव्यू लेते हो और उन लोगों को समझाते हो एजुकेट करते हो मेरे बच्चों प्रीमोडियल होगा क्रिस्टल क्लियर हो गया लेकिन इधर में क्या अंतर है तो मैंने कहा बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ यानी यहां पर पॉजिटिव हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आता है प्रोफाइल एक्सिस और क्या मेंटेन में man, यहां ध्यान रखेंगे प्रोफाइल एक्सिस माय डियर स्टूडेंट अगेंस्ट एनी डिजीज इंक्लूड इन द प्राइमरी प्रिवेंशन जैसे मैंने कहा कि तुम शिमला जा रहे हो जैसे तुम शिमला जा रहे हो तो मम्मी ने कहा कि बेटा स्वेटर लेके जाना बता कौन सा प्रिवेंशन है ऐसा क्रिस्टल क्लियर होगा ना कि जिंदगी में दोबारा कभी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का कोई डाउट आएगा ही नहीं शिमला जा रहे हो मम्मी ने कहा कि स्वेटर लेके जाना बेटा प्राइमरी होगा वेरी गुड सल्यूट बात समझ में आ गई क्लियर एक भी स्टूडेंट का आंसर गलत नहीं होगा और याद भी कुछ नहीं करना है यही तो एक्सीलेंसी है पावर ऑफ एक्सीलेंसी इसे ही कहते हैं मेरे दोस्त अब एक व्यक्ति घर में आप दो जने बात कर रहे हो अब दूसरा एग्जाम्पल सुनना दो जने बात कर रहे हो और दो जने बात कर रहे हो तो क्या बात कर रहे हो कि यार जब ऐसे बात कर रहे हो कि जब कभी भी ठंडे इलाकों में जाना चाहिए ना पापा आपको सलाह दे रहे हैं माना की पापा आपसे बात कर रहे हैं और पापा यूं कह रहे हैं कि जब कभी भी ठंडे इलाकों में घूमने जाए ना जाते हैं ना तो अपन को हमेशा ही गर्म चीजें ले जानी चाहिए बताओ कौन सा प्रिवेंशन है मेरे बच्चों कौन सा प्रिवेंशन गुड ग्रेट एक ही बार में क्रिस्टल क्लियर हो गया सबसे मेजर डाउट मेरे पास हमेशा आता रहता था स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे एक ही बात पूछते थे कि सर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें इसमें अब आपका वो कंफ्यूजन जीरो और यही ध्यान रखना है आपको दिस इज द सो द दुगली इज वे फ्रॉम कंफ्यूजन टू कॉन्फिडेंस क्रिस्टल क्लियर है गाइस समझ में आ गया अब आ जाइए आप सेकेंडरी और टर्सरी पे मेरे बच्चों ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आपको क्यूरेटिव नजर आए ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो क्यूरेटिव नजर आए क्यूरेटिव मतलब इलाज करने वाली हो जिससे किसी बीमारी का इलाज होता हो बेटा वो होता है सेकेंडरी क्लियर है केवल एक ही शब्द याद करवाऊंगा जो एडवाइज होती है वो प्रीमोडियल, जो एक्टिविटी वाली हेल्थ एजुकेशन होती है वो प्राइमरी जो कोई भी इलाज ट्रीटमेंट या क्यूरेटिव एक्टिविटी है बेटा वो होती है हमेशा सेकेंडरी और बीमारी के बाद जो डिसेबिलिटी आती है बीमारी के बाद मैंने क्या कहा बीमारी की वजह से जो डिसेबिलिटी आती है उस डिसेबिलिटी को रिहेबिलिटेट करना या उसको ट्रीट करना बेटा लेवल प्रिवेंशन कहलाएगा जैसे मैंने कहा कि एक महिला को कैंसर हो गया था इसलिए आपने उसका मैस्टेक्टोमी किया बताइए कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा बोलो बेटा नहीं टर्सरी क्यों आंसर कर रहे हो घमारो फिर इतनी बात सोचे बिना जवाब दे दिया ना फिर गुस्सा दिला रहे हो तुम लोग मैंने क्या कहा था अभी पूरी बात समझे नहीं क्या एक बार जो बात समझा दो ना भिट बिटा लिया करो भेजे में मेरी चीजों का कोई अपवाद बहुत कम होता है नहीं होता है एक्सेप्शन नहीं होता है इतनी रिफाइंड बात मैं आपसे करता हूं क्या कहा मैंने कि ब्रेस्ट कैंसर था इसलिए मैस्टेक्टोमी कर दी तो मैस्टेक्टोमी क्या है एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है ना तो आंसर क्या करोगे ये अब इसी सवाल को समझना वापस एक ब्रेस्ट कैंसर था इसलिए मैस्टेक्टोमी के द्वारा ब्रेस्ट रिमूव कर दिया अब उसके बाद वो जो सोसाइटी में अपने आप को कॉपिंग नहीं कर पा रहा था इसलिए ब्रेस्ट का रिकंस्ट्रक्शन किया गया ब्रेस्ट का रिकंस्ट्रक्शन किया गया यह कौन सा प्रिवेंशन होगा अब आंसर आएगा बेटा टर्सरी क्लियर हो गया यानी लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करने के लिए जो आपने रिहेबिलिटेटिव एक्शन किया वो क्या है टर्सरी है अंडरस्टैंड क्लियर मैंने कहा बेटा फिर से सुनना आप मैंने कहा बेटा कि एक व्यक्ति को पैर के अंदर लिंब के अंदर लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर गैंग्रीन हो गया था इसलिए उसका एम्पूटेशन कर दिया कौन सा प्रिवेंशन होगा कौन सा प्रिवेंशन होगा क्लियर है एम्पुटेशन कर दिया मतलब क्यूरेटिव एक्टिविटी किया आपने इसलिए कौन सा होगा सेकेंडरी मैंने कहा बेटा आपसे मैंने कहा आपसे कि एक पेशेंट को लिंब के अंदर गैंग्रीन था इसलिए एम्पुटेशन किया गया था और अब उसको चलने के लिए आर्टिफिशियल लिंब का सहारा लेना पड़ रहा है या क्रच का सहारा लेना पड़ रहा है या वाकर वाकर का सहारा लेना पड़ रहा है कौन सा प्रिवेंशन होगा थर्ड क्रिस्टल क्लियर है ना अब डिस्टिल वाटर से भी ज्यादा अच्छा क्लियर हुआ के निवाचारो हुआ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ के निवा हुआ बढ़ू आगे अब तो ध्यान रखो बेटा सेकेंडरी होल्ड द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज सेकेंडरी वो है जो डिजीज की प्रोग्रेस को होल्ड करने के लिए किया गया मतलब जैसे आपने एम्पुटेशन कर दिया नो yes no? कब अर्ली स्टेज में तो अर्ली डायग्नोसिस के द्वारा और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के द्वारा डिजीज की प्रोग्रेस को रोकना ही सेकेंडरी है यानी क्यूरेटिव है तो स्क्रीनिंग टेस्ट जितने भी करते हैं अपन जैसे मलेरिया के लिए पैरासाइड के लिए स्मियर करते हैं स्पूटम कल्चर करते हैं स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जैसे टीबी के लिए करते हैं लेप्रोसी के लिए करते हैं एसटीडी के लिए करते हैं मलेरिया के लिए करते हैं तो जितना भी अर्ली डिटेक्शन करके और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करेंगे यानी जितनी भी क्यूरेटिव एक्टिविटीज करेंगे वो सब होगा बेटा सेकेंडरी हेल्थ प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट आर यूजुअली एट द लेवल ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्स यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन याद रखना ये स्पेशल कंडीशन है यानी कि बच्चों कम्युनिटी के अंदर लोगों को सबसे ज्यादा जिस डिजीज की वजह से परेशानी हो रही है उस परेशानी को देख जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स बनाती है वो सारे प्रोग्राम्स जो होते हैं वो होते हैं डिजीज के सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन में क्लियर टर्सरी की बात करूं तो दीज लेवल ऑफ़ इज यूज वेन द डिजीज कंडीशन ऑफ पेशेंट इज प्रोग्रेस्ड इन टू वेरी कॉम्प्लीकेटेड और टर्मिनल स्टेज एम्पेयरमेंट और डिसबिलिटी लिमिटेशन दिस इज द टर्सरी लेवल प्रिवेंशन और ये रिहेबिलिटेशन कहलाता है अब देखिए आप एग्जाम्पल्स बहुत सारे एग्जाम्पल आपको गिना दूंगा प्राइमरी प्रिवेंशन में दो तरह के एग्जाम्पल आने चाहिए आपको हेल्थ प्रमोशन करने वाले और स्पेसिफिक प्रमोशन करने वाले प्रोमोटिव होते हैं ये प्रिवेंटिव होते हैं प्रोमोटिव यानी हेल्थ एजुकेशन सेक्स एजुकेशन एडुकेट न्यूट्रिशन इंप्रूवमेंट ऑफ सैनिटेशन प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फैमिली प्लानिंग जेनेटिक काउंसलिंग रिक्रिएशन फैसिलिटी योगा एक्सरसाइज ये सब क्या है बेटा प्रीमोर्डियल क्या है ये प्रीमोर्डियल अब प्राइमरी के अंदर दूसरी बात कहता हूं स्पेसिफिक प्रमोशन वाला तो इम्यूनाइजेशन किया कॉन्डोम अगेंस्ट एड्स के लिए कॉन्डोम यूज किया विटामिन ए दिया ब्लाइंडनेस ना हो इसलिए पोलियो पिलाया आपने बच्चों को ताकि पोलियो ना हो हेलमेट पहना हेड इंजरी से बचने के लिए लेड पहना रेडिएशन जोन में जा रहे हो तो अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन और कार्सिनोजेंस कार्सिनोजेंस एलर्जन्स को अवॉइड किया बेटा पॉस्चुराइज मिल्क मिल्क को हमेशा गर्म करके पिया ये सब क्या है बेटा प्राइमरी प्रिवेंशन है अंडरस्टैंड <laughs> अब देखिए सेकेंडरी तो मैंने कहा अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट बोल दूं ये सेकेंडरी है या क्यूरेटिव फेज को हम कह देंगे सेकेंडरी है जैसे कि स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर अर्ली डायग्नोसिस रिकॉर्डिंग वेट टू डायग्नोस मेल न्यूट्रीशन मेल न्यूट्रीशन का पता लगाने के लिए लोगों का वेट रिकॉर्ड किया बच्चों का वेट रिकॉर्ड किया वो किस लेवल का प्रिवेंशन होगा सेकेंडरी अर्ली डिटेक्शन करना चाहते हो बेटा इन्वेस्टिगेशन इन द प्रेग्नेंट मदर ये क्या है जैसे प्रेग्नेंट मदर है उसके काफी सारे इन्वेस्टिगेशन आप करवाते हो टोर्च वोर्च ये वो सब चीजें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और क्लस्टर टेस्टिंग फॉर एस टी डी सेकेंडरी है ब्लड और यूरिन एग्जामिनेशन फॉर डायबिटीज पेरियो पेरियोडिकल एग्जामिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स पेपस्मियर फॉर सर्वाइकल कैंसर मॉडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी हो गया सर्जरी हो गया इम्यूनोथेरेपी हो गया रेडिएशन हो गया साइकोथेरेपी हो गया ऑरल रिहाइड्रेशन थेरेपी हो गया तो याद रखना बेटा ओ आर एस थेरेपी बोलूं चाहे या मैं एक स्पेशल एग्जाम्पल पूछ लू साइकोथेरेपी तो साइकोथेरेपी भी मेरे बच्चों कौन सा प्रिवेंशन है सेकेंडरी में दो तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं एक डिसेबिलिटी को कम करने वाले और रिहेबिलिटेशन करने वाले डिसेबिलिटी को कम करने वाले यानी कि रिस्टोरेटिव टाइप के जितने भी मेजर्स होते हैं वो सब टर्सरी होते हैं और रिहेबिलिटेशन यानी रीहेबिलिटेटिव जितने भी होते हैं जैसे मैं कहूं रिस्टोरेटिव इंटेंसिव और एग्रेसिव ट्रीटमेंट जैसे ट्रीटमेंट ऑफ कोर्नियल ये रिस्टोरेटिव है ताकि ब्लाइंडनेस ना हो जीरोसिस है किसी को अब आप उसको क्या कर रहे हो रिस्टोर कर रहे हो ताकि उसको ब्लाइंडनेस ना हो बेटा डिसेबिलिटी लिमिटेशन यानी कि फिजिकल वोकेशनल सोशल साइकोलॉजिकल कितने टाइप का रिहेबिलिटेशन होता है लोगों को काम करना सिखा रहे हो कोई वर्कर था जो अपनी एक्सीडेंट हो गया था अपनी जॉब छोड़ दी थी उसने वर्क नहीं कर पा रहा था तो आपने उसको वापस रीट्रेंड किया दिस इज टर्सरी माय डियर स्टूडेंट जैसे स्कूल फॉर द ब्लाइंड ब्रेल फॉर द ब्लाइंड आर्टिफिशियल लिम्ब क्रैच व्हील चेयर हियरिंग एड ग्रेडेड एक्सरसाइज इंट्राओक्यूलर लेंस फॉर कैटरेक्ट पेशेंट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इन द लेप्रोसी ये सारे ही जितने भी रिकंस्ट्रक्टिव मेजर्स हैं बेटा ये टर्सरी है क्रिस्टल क्लियर हो गया है लेवल ऑफ प्रिवेंशन ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख दिए कितने भी चाहे जो पूछ ले क्लियर <laughs> है बेटा आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा तो दो टॉपिक तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए सीएचएन के ये दो टॉपिक में अक्सर बच्चों को परेशानी आती थी और इन दोनों में से दो दो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और सीएचओ के लिए तो ये एक लेक्चर ही काफी है जब भी सीएचओ देने जाए तो ये एक ही लेक्चर पढ़ के चल जाना बहुत है क्लियर अंडरस्टैंड बेटा नेक्स्ट आगे देखो अब आप अब आ जाते हैं अपन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन पर बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन यानी कि पीरियड ऑफ पैथोजेनेसिस प्रोसेस इन एनवायरनमेंट कैसे डिजीज का प्रिवेंशन का एजेंट होस्ट और एनवायरनमेंट इंटरैक्ट होकर के डिजीज प्रोवोकिंग स्टिमुलस बनते हैं और जब ये टाइम ऑफ इन्फेक्शन बॉडी में एंट्री करेगा तो सर्कुलेशन नेक्स्ट इसके बाद एंट्री के बाद क्या होगा इसका सर्कुलेशन होगा साइट ऑफ इलेक्शन लेगा लॉजमेंट और अडोप्टेशन लोकेलाइज इन द टारगेट दर्गन में जाके फिट हो जाएगा टारगेट ऑर्गन में जाके फिट होकर और चेंज इन द ब्लड और बॉडी टिश्यूज में चेंज लेके आएगा और साइन सिम्टम पैदा हो जाएंगे तो यहां टाइम ऑफ एंट्री से लेकर के मैंने एक लाइन डाल रखी है ये देखो आप और साइन सिम्टम आने तक का जो ड्यूरेशन है बेटा वो क्या कहलाया इनक्यूबेशन पीरियड और इनक्यूबेशन पीरियड पूरा हुआ और इंक्यूबेशन पीरियड पूरा होते ही क्या शुरू हो जाता है मेरे बच्चों क्लिनिकल होरिजोन और क्लिनिकल होरिजोन के नीचे की स्थिति को अपन सब क्लिनिकल स्टेट कहते हैं और पेशेंट को हो गया है बीमार इलनेस आ गई क्या आ गई इलनेस आ गई इलनेस आ गई मतलब नो no इम्यूनिटी अगर इम्यूनिटी नहीं है तो कैरियर बन जाएगा और यदि बच्चों धीरे धीरे बीमारी बढ़ती गई क्रॉनिक बढ़ती गई तो या तो रिकवर होगा डिसेबिलिटी होगी या डेथ होगी इसको कहते हैं इलनेस। तो कैसे कोई बीमार होता है कैसे इलनेस आता है सबसे पहले मैंने कहा एनवायरमेंट के अंदर एजेंट है एजेंट यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज करते हैं ये होस्ट में घुसते हैं और होस्ट के साथ एनवायरमेंट में पड़े रहते हैं घूमते रहते हैं और फिर जैसे ही ये होस्ट के अंदर एंट्री करेंगे दूसरे किसी होस्ट के अंदर वेक्टर होता है तो जो इसको कैरी करता है और होस्ट होता है जिसमें जाके मल्टीप्लाई करते हैं एंट्री कर जाते हैं एंट्री करके और ये सर्कुलेट होते हैं सर्कुलेट होकर के साइट ऑफ इलेक्शन पे पहुंचते हैं जहां जरूरत है वहां मल्टीप्लिकेशन करते हैं लोजमेंट करते हैं चिपक जाते हैं किसी सेल के साथ जुड़ जाते हैं टिश्यू के साथ में या सेल के साथ अडेप्टशन करते हैं सेट होते हैं घर बार वहाँ पे बसाते हैं और फिर वहां पर कॉलोनाइजेशन शुरू कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन शुरू कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन और इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होने लग जाता है बेटा और उसके बाद में बॉडी के ब्लड और बॉडी टिश्यूज में चेंज आने लगते हैं और साइन सिम्टम आ जाते हैं सिम्ट से लेकर यहां तक के पीरियड को अपन ने कहा इनक्यूबेशन पीरियड जैसे ही पेशेंट को बीमारी हुई इलनेस हुई शुरू हो गया क्लिनिकल होरिजोन क्लियर है अस्पतालों के चक्कर काटने वाली स्थिति शुरू हो गई और अब सब क्लिनिकल स्टेट इससे पहले की होगी इलनेस हो गया है इलनेस के बाद यह व्यक्ति या तो कैरियर बन जाएगा या बीमारी हो गई तो या तो रिकवर हो जाएगा इलाज ले लिया समय से तो या डिसेबिलिटी हो सकती है कुछ या फाइनली ऊपर भी जा सकता है बेटा अब आप देखिएगा कि हमारे जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है उस हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होते हैं मेरे बच्चों याद रखना हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ वर्कर होता है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर क्लियर है जो एक होता है दोस्तों कितनी पॉपुलेशन पे पांच सौ की पॉपुलेशन पे एक होता है और ये जो होता है ये होता है मेरे बच्चों कहां पर विलेज लेवल पे या लो इनकम अर्बन पॉपुलेशन लेवल पर इससे थोड़ा ऊपर चलते हैं तो सब सेंटर आ जाता है बेटा और सब सेंटर जो होता है यानी कि एसएचसी जो होता है वो तीन से पांच हजार की पॉपुलेशन पे बनाया जाता है अंडरस्टैंड बेटा अब इससे ऊपर चलेंगे तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर आ जाएगा पीएससी आ जाएगा और पीएससी 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन पर दिया जाता है इससे ऊपर चलोगे आप तो सीएससी आ जाएगा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आ जाएगा और ये 80,000 से लेकर के एक लाख बीस तक की पॉपुलेशन पर सीएससी अलॉट किया जाता है और फाइनली मेडिकल कॉलेज आ जाता है अब आपको बताना होता है बेटा कि विलेज और लो इनकम लेवल अर्बन पॉपुलेशन पर जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर होते हैं वो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में कौन से लेवल पर होते हैं ये सवाल मेरे हैं तो लेवल फर्स्ट पे सब सेंटर आता है लेवल सेकंड पे पीएससी लेवल थ्री पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेवल फोर पे और याद रखना बेटा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो आता है वो लेवल पांच पे आता है जो दस हजार की पॉपुलेशन पे एक होता है और लेवल 6 पे आता है मेडिकल कॉलेज तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि कितनी पॉपुलेशन पर ये हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स एस्टाब्लिश किए जाते हैं और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो होता है वो 500 की पॉपुलेशन पर एक रखना होता है लेकिन अपने इंडिया में अभी कमी है लेकिन उससे कोई बात ज्यादा करके डिस्टर्ब नहीं होना समझ में आ गया फिर सब सेंटर पीएससी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज तो बेटा टोटल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के कितने लेवल हैं? टोटल सिक्स लेवल कितने लेवल बेटा सिक्स लेवल हैं। और इनमें कितनी पॉपुलेशन पर ये लगाए जाते हैं बात समझ में आ गया है ये है पूरा हेल्थ केयर हेल्थ डिलीवरी सिस्टम का ट्राइंगल पिरामिड अंडरस्टैंड अब आपसे मैं पूछ लू कि सीएससी कौन से लेवल पर आता है तो क्या आप जवाब दे देंगे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अनुसार सीएससी को कौन से लेवल पर रखा गया है तो क्या बोलोगे आप फोर्थ लेवल ग्रेट या सीएससी कितनी पॉपुलेशन पर एस्टाब्लिश करते हैं ग्रेट आ जाइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब आ जाइए बेटा कुछ टर्मिनोलॉजीज कम्युनिटी की क्लियर कम्युनिटी की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यहां तक जितना पढ़ाया है वो सब लॉक कर दूं क्या एक बार लॉक लगा दो सब लोग ताकि बाहर ना निकल पाए साला कुछ भी जितना ब्रेन में घुसाया है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए hmm. काला लगा दो अब ठीक है अब आगे पढ़ते हैं अब कम्युनिटी के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे अपन फिर धीरे-धीरे अपन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर की तरफ बढ़ेंगे इमेज बेस की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ टर्मिनोलॉजी में इन्फेंट इन्फेस्टेशन क्या होता है मैं टर्म्स को एक्सप्लेन करता जाऊंगा समझते जाना आप इन्फेस्टेशन क्या होता है बेटा इन्फेस्टेशन इज द इनवेजन ऑफ इंसेक्ट या ऑर्थोपोड और वार्मेट कोज डिजीज टू द होस्ट जैसे लाइस ऑन दस्टेशन का मतलब होता है दोस्तों सीधा सा चिपकना क्या होता है ऐसा कोई भी इंसेक्ट या ऑर्थोपॉर्ड जो बॉडी में इन्वेजन कर जाए और बीमारी कर दे उस प्रोसेस को अपन इंफेस्टेशन कहते हैं क्या कहते हैं बेटा इन्फेस्टेशन दूसरा ध्यान रखो इन्फेक्शन किसे कहते हैं तो बेटा किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बॉडी में जाकर के जुड़ जाना लोज हो जाना और मल्टीप्लाई कर देना इन्फेक्शन कहलाता है नोजोकोमियल इंफेक्शन किसे कहते हैं तो बेटा जो हॉस्पिटल से इन्फेक्शन आते हैं वो नोजोकोमियल होते हैं बेटा इट्रोजेनिक इन्फेक्शन किसे कहते हैं जो फिजिशियन या हेल्थ केयर वर्कर के कारण इंफेक्शन होते हैं वो इट्रोजेनिक कहलाते हैं मेरे बच्चों अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन किसे कहते हैं जो डिक्रीज इम्यूनिटी की वजह से इंफेक्शन होते हैं वो अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं जैसे एड्स मेरे बच्चों डिजीज का क्या मतलब होता है डिस प्लस ईज ऐसी कोई भी अन ईज का मतलब होता है बेटा कंफर्टनेस अच्छा फील होना अगर किसी भी पर्सन को ईजनेस में डिस हो जाए मतलब उसके अंदर डिफॉर्मिटी आ जाए डिस्टर्ब इन द इजीनेस दिस इज डिजीज ऐसी कोई भी कंडीशन इज़ी डिजीज है बेटा कॉम्युनिकेबल डिजीज किसे कहते हैं तो डिजीज दैट कैन बी ट्रांसफर टू वन पर्सन टू अनादर ऐसी कोई भी डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती है वो कम्युनिकेबल होती है नॉन कम्युनिकेबल आप जानते हैं नहीं जाती हैं क्रॉनिक होती है ज़्यादातर कॉन्टेजियस डिजीज किसे कहते हैं अ डिजीज दैट इज ट्रांसमिटेड ड्यू टू द कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से फैलने वाली बीमारियों को अपन कॉन्टेजियस कहते हैं तो मेरे बच्चों कोरोना जो है वो कम्युनिकेबल तो है ही सही लेकिन साथ के साथ कॉन्टेजियस डिजीज भी बोला जाएगा मेरे बच्चों किसे कहते हैं तो ध्यान से सुनना एपी मतलब अमोन अपोन और डेमिक मतलब पॉपुलेशन किसी विशेष पॉपुलेशन में होने वाली बीमारी को कहते हैं. किसे कहते In, और मतलब पॉपुलेशन दोस्तों पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में होने वाली बीमारी को एंडेमिक कहते हैं दोस्तों पेंडेमिक किसे कहते हैं ऑल डेमिक मतलब पॉपुलेशन ऑल ओवर वर्ल्ड में एक साथ फैलने वाली बीमारी को पेंडेमिक कहते हैं तो इन तीनों में से ही कोरोना कौन सी बीमारी है पेंडेमिक है बेटा डिजीज़ द इेगुलर इंटरवेल जैसे कि बच्चों में कहूं तो पोलियो एक तरह का इस तरह का प्रॉब्लम है जो स्पोरडिक हो सकता है बोला जा सकता है कि कम्युनिटी के अंदर ऐसी बीमारियां है कुछ जो खत्म हो चुकी है नहीं होती है लेकिन रेगुलर इंटरवल के बाद उनके कुछ ना कुछ कैस आते रहते हैं आ जाते हैं ऐसी बीमारियों को हम कहते हैं बेटा स्पोर डिजीज अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट कैरियर या होस्ट या वेक्टर या ट्रांसपोर्टर किसे कहते हैं ऐसा कोई भी इंडिविजुअल विच ट्रांसफर द इनफेसियस एजेंट बट नो क्लिनिकली सिम्टम आर सीन इन दैट इंडिविजुअल मेरे बच्चों मैंने कहा कि फीमेल एनोप्लीज़ जो होता है वो प्लाज्मोडियम को कैरी करता है अंडरस्टैंड तो ट्रांसपोर्टर या कैरियर किसे कहते हैं ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जिसके अंदर बीमारी नहीं होती है लेकिन वो बीमारी करने वाले एजेंट को कैरी करता है ट्रांसपोर्ट करता है तो उसको अपन कहते हैं बेटा ट्रांसपोर्टर या कैरियर जैसे मंकी है डॉग है ये सब रेबडो वायरस को कैरी करते हैं जैसे मैंने कहा बेटा कि सिंपली फीमेल जो है वो हीमोफीलिया के जीन्स को कैरी करती हैं, लेकिन फीमेल के अंदर सिम्टम नहीं आते हैं और वो फीमेल जब किसी स्वस्थ व्यक्ति से मैरिज करती है तो उसमें जो बच्चा लड़का पैदा होगा उसको हीमोफीलिया आएगा तो बच्चों मैंने कहा कि ट्रांसपोर्टर या कैरियर या वेक्टर उसे कहते हैं मेरे दोस्त जिसके अंदर डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं लेकिन डिजीज नहीं होती है सिम्टम नहीं आते हैं अंडरस्टैंड मेरे बच्चों ओब्लाइजेटेड होस्ट किसे कहते हैं तो विदाउट होस्ट इट डज नॉट कंप्लीट हिज लाइफ साइकिल याद रखना ओब्लाइजेटेड होस्ट तब कहेंगे जब कोई भी बिना होस्ट के मल्टीप्लीकेशन या अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकता Understand? जैसे प्लाज्मोडियम में करता है और फिर मैन के अंदर करता है आगे चल के बताऊंगा इनक्यूबेशन पीरियड अभी भी मैंने बोला था टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम द एंट्री से लेकर के फर्स्ट अपियर टू द साइन सिम्टम इसे इनक्यूबेशन कहा जाता है मेरे बच्चों क्वारेंटाइन और आइसोलेशन दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं याद रखना क्वारंटाइन कहते हैं सेपरेशन ऑफ सस्पेक्टेड केसेस और आइसोलेशन कहते हैं सेपरेशन ऑफ केसेस मेरे बच्चों जब इन्फेक्शन हो जाए और इन्फेक्शन हो जाने के बाद उनको एक अलग वार्ड के अंदर रखा जाता है जैसे मैंने कहा कोरोना हो गया था उन लोगों को एक सेपरेट वार्ड बनाए गए थे हॉस्पिटल्स के अंदर उस प्रोसेस को आइसोलेशन कहा गया लेकिन जो ऐसे एरिया से विजिट करके आए थे जिस एरिया में ऑलरेडी कोरोना फैला हुआ था और उन लोगों को रेलवे स्टेशन पे ही रोक करके और 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया था सेपरेट किया गया था उसे कहते हैं बेटा क्वारंटाइन तो क्वारंटाइन मतलब सस्पेक्टेड लोगों को सेपरेट करना अलग रखना और आइसोलेशन मतलब अफेक्टेड लोगों को अलग रखना सेपरेट करना क्रिस्टल क्लियर है बेटा यहां तक नेक्स्ट प्राइमरी केयर किसे कहते हैं द फर्स्ट पर्सन अफेक्ट ऑन एनी इंफेसियस डिजीज सबसे पहली बात याद रखो बेटा प्राइमरी केस कहते हैं सबसे पहला जो पर्सन है वो अफेक्ट हुआ है सेकेंडरी कैश कहते हैं ऑल द अफेक्टेड फ्रॉम द केयर प्राइमरी केयर इज कॉल्ड सेकेंडरी केस कैश कर लेना यहां पर ठीक है ना सेकेंडरी केस कहते हैं बेटा प्राइमरी केस से अफेक्ट होने वाले वो सारे पर्सन इंडेक्स केस किसे कहते हैं द फर्स्ट क्लिनिकली डायग्नोस्ड पर्सन बेटा फर्स्ट इंडेक्स कैश किसे कहा जाता है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सबसे पहली बार पहचाने गए कैस को अपन इंडेक्स केस कहते हैं Understand, बेटा किसे कहते हैं ऑल न्यू केसेस ऑफ एनी डिजीज किसी भी डिजीज के नए आने वाले केसेस को कहते हैं बेटा इंसीडेंस लेकिन प्रीवेलेंस किसे कहते हैं तो टोटल नंबर ऑफ केसेस चाहे ओल्ड हैं या न्यू हैं दैट आर द प्री अंडरस्टैंड मेरे बब्बर शहरों यहां तक क्रिस्टल क्लियर है बेटा जूनोसिस किसे कहते हैं डिजीज ट्रांसफर फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन ऐसी बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में आती है उसको जूनोसिस कहते हैं <coughs> किसे कहते हैं सडन आउटब्रेक ऑफ एनी डिजीज इन द एनिमल्स बेटा जानवरों में कोई बीमारी अचानक फैलती है तो जानवरों में बीमारी का फैलना एपिजूटिक कहलाता है <coughs> एनजूटिक किसे कहते हैं डिजीज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एनिमल बेटा ऐसी कुछ बीमारियां जो एनिमल्स में हमेशा ही होती है उनको हम कहते हैं मेरे बच्चों कंटामिनेशन किसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ अगेंस्ट सरफेस क्लोथ या आर्टिकल्स मेरे बच्चों किसी भी इंफेक्शन का सरफेस पर आर्टिकल्स पे या क्लोथ्स पे पाया जाना ही उसका कंटामिनेशन कहलाता है कि जब कोई इंफेक्शन है वो इंफेक्शन ऐसी चीजों पर फैलने लगे तो यानी समझ जाइए कि उसका कंटामिनेशन हो रहा है मतलब वो इंफेक्शन अब कागज पे सरफेस पे इक्विपमेंट्स पे इन पे आने लगा है इट मींस उसका कंटामिनेशन होने लगा है माय डियर स्टूडेंट विंडो पीरियड किसे कहा जाता है टाइम पीरियड बिटवीन इंफेक्शन और डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी मेरे बच्चों जब कभी किसी को इंफेक्शन हुआ तब से लेकर के और उसके सीरम के अंदर जब एंटीबॉडी हम डिटेक्ट करते हैं यानी कि ये क्या है इंफेक्शन एंटीजन है ना बेटा और जब एंटीजन के प्रति उसके सीरम के अंदर बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर एंटीबॉडी बना तो एंटीबॉडी बनने तक का जो ड्यूरेशन होता है बेटा उसको हम कहते हैं विंडो पीरियड अक्सर क्वेश्चन आता रहता है ये इंफेक्शन होने से एंटीजन के घुसने से लेकर के और उसके ब्लड के अंदर एंटीबॉडी बनने तक का जो समय होता है उसे विंडो पीरियड कहते हैं तो मेरे बब्बर शेरों मेरे गज्जू यहां तक जितनी टर्मिनोलॉजी मैंने समझाई है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ना डिस्टिल वाटर की तरह बोल दो भाई बब्बर शेरों लॉक कर दूं यहां तक फिर आगे बढ़ूंगा क्रिस्टल क्लियर शाबाश वेरी गुड मजा तो आ रहा है ना अरे क्लास पढ़ने में मजा आता है कि नहीं आता है मैं जो समझाता हूं तुम्हें समझ में आ जाता है कि नहीं आता है अच्छा जोरदार शाबाश ग्रेट बस यार इतना सा सोच रहा हूँ कि बस मेरे कुछ डेडिकेशन से अगर हजारों माता पिता का सपना पूरा हो जाता है तो बच्चों ऐसा डेडिकेशन होना चाहिए मेरा इतना मानना है यदि मेरी थोड़ी सी मेहनत करने से बस मुझे जो होता है कि मेरे लेक्चर्स जो चोरी होते हैं ना इधर उधर लोग कॉपी पेस्ट मारते हैं ना वो मुझे ख़राब लगता है बस क्योंकि बहुत मेहनत से प्रिपेयर की हुई हर क्लास है बेटा तो बहुत मेहनत लगी है तब जाके इतना नेचुरल वे आता है पैटर्न आता है टीचिंग का कंटेंट्स को ऐसे ऐसे डिज़ाइन किया है कि रात को तीन तीन बज जाती है अभी मैं आज की इस क्लास को प्रिपेयर कर रहा था तो बेटा मुझे रात को तीन बज गए थे तीन बजे मैं सोया और सात बजे सुबह उठा तब जाके तुम्हारी ये क्लास प्रिपेयर हुआ और फिर दिन भर ऑफलाइन भी तो पढ़ाना होता है टाइम बचता कहाँ है Understand? टाइम है ही नहीं फिर भी तुम्हारे लिए निकाल रहा हूँ ना तो बस मेरी इतनी सी सोच है बेटा कि अगर दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे बस इतना ध्यान रखो बेटा कि नौकरी अगर लग जाओ तो याद करना साहू सर को जिंदगी में किसी मोड़ पे अगर मिले तो सलाम ठोकना कि साहू सर आपने पढ़ाया था और आज मैं इस उहदे पे पहुंच गया हूँ नर्सिंग ऑफिसर बन गया हूँ बस वही हमारी सबसे बड़ी खुशी है वही सबसे बड़ी खुशी है एक टीचर की कि उसका जो पढ़ाया हुआ शिष्य है वो सफल हो गया है सक्सेस हो गया है और आप वुगली पर भरोसा करते हो वुगली पे आप सबका ट्रस्ट है आप सुपर वुगलियंस हैं तो मैं आपको किसी से कमज़ोर नहीं रहने दूंगा ये मेरा वादा है चाहे एम्स हो नॉर्थ सेट हो एनक्लिक्स हो या दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो मेरा बुगली का जो स्टूडेंट है ना, वो ऐसे दहाड़ेगा ना एग्ज़ाम हॉल में कि एग्ज़ाम इनर घबरा जाएगा ये बच्चा आया कहाँ से है क्लियर अगर मेरी क्लासों को तुमने दो दो तीन तीन बार अगर रिवाइज कर लिया ना ये तो एक ही बार है अभी तो तुम क्लास सुन ही रहे हो मैंने ये तो कभी मेरे बच्चे को कहा ही नहीं कि भाई तुम इसे याद करना क्योंकि याद करने की जरूरत अपनी क्लासों को कभी पड़ती नहीं है राइट लेकिन अगर तुमने इसको फिर भी दो तीन बार अगर रिवाइज कर लिया ना बेटा ये मान के चलो ना कि दुनिया में कोई एग्जाम नहीं बना जिसका जवाब तुम ना दे सको ऐसा कोई क्वेश्चन ना बनेगा जिसका जवाब तुम ना दे सको और ये भी तुम सरप्राइज होगा एक बात बताऊं सरप्राइजिंग वाली एक सरप्राइजिंग बात बताऊं शॉकिंग बात बताऊं अभी तुम लोग शोक करोगे शोक हो जाओगे तुम लोग दस साल से मेडिकल सर्जिकल पढ़ा रहा हूं और कम्युनिटी आज पहली बार पढ़ा रहा हूं दस साल में <laughs> शौक लगा ना जिंदगी में पहली बार कम्युनिटी पढ़ा रहा हूं देख लो आप <laughs> कभी नहीं पढ़ाया <laughs> <laughs> लाइफ में फर्स्ट टाइम कम्युनिटी पढ़ा रहा हूं कभी पढ़ाया ही नहीं कम्युनिटी को तो कम्युनिटी को कभी सीरियस ही नहीं लिया मैंने <laughs> कि कम्युनिटी भी पढ़ाने लायक है मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि कम्युनिटी पढ़ाने लायक है मुझे ऐसे काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है जो बहुत चैलेंजिंग होते हैं राइट right? जो दुनिया के समझ में नहीं आ रहे हैं वो सारे काम मुझे दे दो राइट right? ऐसे ही काम और इसीलिए मेरी जो असली वाली एक्सरसाइज होती है ना वो एम एस एन पढ़ाने में होती है कम्युनिटी वम्युनिटी पढ़ाने को मुझे दे दे तो मुझे कुछ जोर ही नहीं पड़ेगा दिमाग पे और मेरे दिमाग पे जोर नहीं पड़े ना तो मुझे मजा नहीं आता ठीक <laughs> <थीके>? है <laughs> तो मैंने कहा ना शॉकिंग तुम लोगों को होगा क्लास को लाइक कर दो बेटा जिसने लाइक नहीं कर रखा है लाइक बढ़ा दिया करो यार मेरे लाइक बहुत कम आते हैं डिसलाइक कर जाते हैं उसमें भी दस बीस तो पता नहीं कौन होते हैं वो डिसलाइक क्यों करते हैं यार ये लोग मुझे समझ में नहीं आता है इतने अच्छे अच्छे इतने अच्छे अच्छे प्रीमियम लेक्चर्स को डिसलाइक कर देते हैं लोग बाग कौन होते हैं ये स्टूडेंट तो नहीं हो सकते स्टूडेंट तो नहीं हो सकते ऐसे लोग ऐसे लोग मुझे लगता है ना कि कुछ एजेंट वेजेंट ही होते हैं इधर उधर के <laughs> मेरे कोई दुश्मन है ही नहीं यार मैंने तो किसी का ही बुरा नहीं करा किसी का भी बुरा ही नहीं करा दुश्मन कौन होगा कभी किसी की तरफ ही नहीं देखा राइट नेक्स्ट देखो अब आप अब आ जाओ मोड्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन डिजीज ट्रांसमिशन दो प्रकार से होता है बेटा डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड से तो डायरेक्ट के कौन कौन से तरीके होते हैं ये देख लो पहले बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलती है तो डायरेक्ट बोलेंगे ड्रॉपलेट से फैलती है तो डायरेक्ट बोलेंगे कंटामिनेशन से फैलती है तो डायरेक्ट बोलेंगे इनॉक्यूलेशन से फैलती है तो डायरेक्ट ट्रांसप्लेसमेंटल ट्रांसप्लेसेंटल या वर्टिकली अगर बीमारी माँ से बच्चे में चली जाए तो इसे अपन कहते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन तो ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन देता है और टॉर्च इन्फेक्शंस जो हैं उनका वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है तो टॉर्च वाले जो इन्फेक्शन है उनका वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है तो टॉर्च में कौन कौन से इन्फेक्शंस आते हैं बेटा इनके नाम हमको पता होना चाहिए टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अदर डिजीज जैसे सिफलिस है हेपेटाइटिस है रूबेला है सी है और एच है अंडरस्टैंड साइटोमेगेलो है अंडरस्टैंड हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस है हेपेटाइटिस बी है सिफलिस है रूबेला और टॉक्सोप्लाज्मोसिस है बेटा ये टॉर्च के इन्फेक्शन हैं जो ट्रांसप्लासेंटल या वर्टिकल ट्रांसमिट होकर के फीटस में चले जाते हैं तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जैसे कि मैं कहूँ टॉर्च के एग्जाम्पल का क्वेश्चन बना दूँ कि विच ऑफ़ द फॉलोविंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द टॉर्च इन्फेक्शन या विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी वर्टिकली ट्रांसमिटेड विच कैन डिजीज कैन ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग गेस्टेशनल एज ऐसे भी कह दूँ या ट्रांसप्लासेंटल ऐसा भी कह दूँ या मदर टू फीटस ऐसा भी कह दूँ कितने भी तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है बेटा याद रखना कंटामिनेटेड सॉइल के माध्यम से ऐसी जो डिजीजेज uh, हैं जैसे हुक वार्म है टिटनस है ये सब सॉइल से फैलते हैं ड्रॉपलेट से यानी कि कफ है स्नीजिंग है जैसे टीबी फैलता है चिकन बॉक्स फैलता है मिजल्स फैलता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जैसे एस फैलता है स्किन के डिसऑर्डर फैलते हैं अब देखो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब सीधा सा है बेटा जो किसी और के साथ घूम करके और आया एक तो पर्सन डायरेक्ट खुद ही इंफेक्शन लेके आया <coughs> तो वो इन तरीकों से आता है चाहे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके आए आप हाथ मिला के आए हो इन्फेक्शन ड्रॉपलेट्स के कॉन्टेक्ट में आगे किसी ने छीका और आप सामने बैठे थे इन्फेक्शन आ गया अंडरस्टैंड या फिर बेटा मैंने कहा इनॉक्यूलेशन यानी कि डायरेक्टली बॉडी की स्किन के अंदर कोई चीज एंटर कर जाए तो इनाशन हो जाएगा इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाए जैसे वुंड हो रहा है वुंड में घुस के मैंने कहा ट्रांसप्लासेंटल चले जाएं तो भी डायरेक्ट हो गया है ट्रांसमिशन लेकिन बेटा मैं इनडायरेक्ट किने बोलूंगा ऐसे इन्फेक्शन जो किसी और के द्वारा बॉडी तक आए यानी पैथोजन तो कहीं और था आप नहीं गए वहां पर लेकिन हुआ क्या मच्छर गया था कुत्ता गया था बिल्ली गई थी बंदर गया था चमकादड़ गया था और वो आ गया और चाइना वालों ने उस चमकादड़ को खा लिया तो इनडायरेक्टली वो पैथोजन आ गया मुर्गा गया था मुर्गा है, मुर्गा है खा लिया लोगों ने और मुर्गे से वो उसमें आ गया बिल्ली गई थी बिल्ली ने काट लिया इंसान को कुत्ता गया था कुत्ते ने काट लिया तो बेटा जब कोई इंफेक्शन होस्ट या कैरियर के माध्यम से चल करके इंसान तक पहुंचता है तो वो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है जैसे कि एयर के थ्रू कोई चीज आ जाए इनफेक्टेड डस्ट के माध्यम से आ जाए जैसे ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के माध्यम से आ जाए एक से पांच माइक्रोन के न्यूक्लियाई होते हैं ये जो एयर में आसानी से ट्रांसमिट होते हैं इससे छोटे नहीं होंगे अंडरस्टैंड ये रेंज याद रखना जैसे टीबी है मीजल्स है चिकन पॉक्स है बॉर्न है कॉलेरा है वाटर के माध्यम से आ गए जैसे पोलियो आ गया हेपेटाइटिस आ गया के माध्यम से आ गया जैसे क्लोथ के माध्यम से आ गया टावल से आ गया से आ गया कप से आ गया ये सब चीजें ब्लड के माध्यम से आ गया जैसे हेपेटाइटिस से आ गया एड्स से आ गया वेक्टर के माध्यम से आ गया जैसे कि वेक्टर लाइक द फ्लाइज मक्खियां लेके आ गई मॉस्किटो लेके आ गए एनिमल लेके आ गए ये सब वेक्टर हैं अंडरस्टैंड बेटा इस प्रकार से चाहे से खाने पीने से पानी से हवा से खाने से वेक्टर से ब्लड से इनके माध्यम से जब कोई इंफेक्शन किसी दूसरे पर्सन तक पहुंचता है ना तो वो इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहलाता है मेरे बच्चों कुछ यहां पर मैं आपको ऐसी सजेस्टेड इन इन द इंडिया पॉपुलेशन क्राइटेरिया बता रहा हूं <coughs> अक्सर ये एम्स पूछता है आदत है देखता है वो कि बच्चे को इसकी नॉलेज है कि नहीं है वो ये सोचता है कि पॉपुलेशन क्राइटेरिया डॉक्टर और पॉपुलेशन में रेशो बताऊंगा नर्स और पॉपुलेशन में रेशो बताऊंगा हेल्थ केयर वर्कर और पॉपुलेशन फार्मासिस्ट कितनी पॉपुलेशन पे होता है लैब टेक्नीशियन कितनी पॉपुलेशन सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन हेल्थ सेंटर कितनी पॉपुलेशन तो डॉक्टर 2500 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर होना चाहिए पाँच की पॉपुलेशन पर एक नर्स होना चाहिए तीन की पॉपुलेशन पर एक हेल्थ वर्कर होना चाहिए दस की पॉपुलेशन पर एक फार्मासिस्ट होता है और दस हजार की पॉपुलेशन पर ही एक लैब टेक्नीशियन होता है बेटा और तीन हजार पॉपुलेशन पर एक सब सेंटर होता है और तीस हजार पे एक हेल्थ सेंटर होता है याद कर लेना वैसे तुम लोगों को ये याद होगा भी सही लेकिन नहीं हो तो नर्स की रेंज काफी इंपॉर्टेंट है नर्सिंग ऑफिसर का और डॉक्टर का अंडरस्टैंड गाइस अब देखिए इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को करते हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन सबसे पहला ये इमेजेस कुछ दिखाने वाला हूं आपको कुछ इक्विपमेंट्स दिखाऊंगा पहले बेटा ये जो इक्विपमेंट आप देख रहे हो ये एंड्रॉइड थर्मामीटर कहलाता है क्या कहलाता है एंड्रॉइड थर्मामीटर ये एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए काम आता है ठीक है ना तो इमेजेस को देख करके और केवल पहचानना हमें सीखना है कि ये इमेज को क्या बोला जाता है अंडरस्टैंड बेटा ये जो फोटो दिख रहा है आपको इसका नाम है बेटा सिक्स एस आई एक्स एस सिक्स मैक्म और मिनिमम थर्मामीटर ये बोलते हैं इसको ठीक है ये सारे डिवाइसेस वो हैं बेटा जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर को मेजर करती है ह्यूमिडिटी को मेजर करती है एनवायरमेंट के बॉडी के लिए नहीं यूज करते इनको ठीक है ना तो इसका नाम है बेटा सिक्स ये देखिएगा वैक्यूम और सोलर रेडिएशन थर्मामीटर है ये वैक्यूम या सोलर रेडिएशन थर्मामीटर क्लियर है बेटा समझ गए ये जो आपको दिख रहा है ये ग्लोब थर्मामीटर कहलाएगा एनवायरमेंट के, के तापमान को मेजर करता है ये जो आपको इक्विपमेंट दिख रहा है इज वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये और ये है स्लिंग साइक्रोमीटर टू ऑप्टेन द ह्यूमिडिटी बेटा ये एनवायरमेंट की ह्यूमिडिटी को मैसर करता है और इसे साइक्रोमीटर कहते हैं अंडरस्टैंड ये जो दिख रहा है आपको काटा कहा जाता है इसको काटा थर्मामीटर इस तरह का होता है ये ठीक है ये जो दिख रहा है बेटा आपको ये भट्टी जैसी स्ट्रक्चर ये है बिहेव इंसिनरेटर क्या है ये इनसेनरेटर है बिहेव इन ये जो बच्चे दिख रहे हैं आपको इसमें से ये बताओ कौन सा बच्चा क्वाश्यर कौर का है और कौन सा बच्चा मैरासमस का है कल भी मैंने सिखाए थे कल के लेक्चर में भी पीडिया पढ़ाते टाइम भी ये मैच आया था वहां भी मैंने सिखाया था तो यहाँ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा पीडिया की क्लास देख लेना एक बार डिटेल में आपको समझ समझ में आएगा बेटा ऐसा नहीं है कि कुछ आपको जो आता है मतलब मेरी क्लासेस के अंदर ऐसा ही ज्यादातर सिखाया जाता है जो आपको नहीं आता है अंडरस्टैंड। अगर कोई टॉपिक आपको आता है ना तो भी आप मेरी क्लासेस को देखो। मैं करूंगा आप सबको। आपको कहूंगा आप सबसे, की करने वाले स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड चाहे आपको कितना भी बेटर पढ़ रखा है आपने कई से भी पढ़ रखा हो किसी भी सुरमा ने तुम्हें पढ़ा रखा है लेकिन याद रखना बेटा तुम फिर भी क्लासेस को देखो तुम्हें सब कुछ नया सीखने को मिलेगा और नया सीखने को मिलेगा जो मिलेगा लेकिन ऐसा तरीका मिलेगा जिससे कि तुम्हारा कंफ्यूजन जो है वो नील बटा नील हो जाएगा अंडरस्टैंड तो याद रखना बेटा इस इमेज में आपको एडिमा दिख रहा है बच्चे पर एडिमा दिख रहा है ना एडिमा दिख रहा है इसलिए मैं समझ जाऊंगा कि सर ये क्वाशियोर कोर का बच्चा है और इसमें हाथ पैर पतले हो रहे हैं पेट फूला हुआ है कल मैंने बोला था ना

तीन जोन होते हैं कितने जोन होते हैं बच्चों तीन जोन होते हैं एक होता है रेड जोन एक येलो जोन और एक ग्रीन जोन ताकिर टेप के अंदर कितने जोन होते हैं तीन जोन होते हैं पहला क्वेश्चन कौन कौन से जोन होते हैं तो कलर याद होना चाहिए रेड येलो और ग्रीन कलर पहला क्वेश्चन देगा बेटा दूसरा क्वेश्चन देगा इस टेप को पहचानना सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया तीसरा क्वेश्चन देगा ये इमेजेस ये थर्ड क्वेश्चन है मेरा ये फोर्थ क्वेश्चन है और ये फिफ्थ क्वेश्चन है अंडरस्टैंड मैं पूछूंगा कि टेप का यदि यदि ग्रीन एरिया आ रहा ग्रीन जोन में टेप पहुंची है तो क्या इंडिकेट करता है यदि अगर येलो जोन में टैप पहुंची है तो क्या इंडिकेट करता है यदि अगर रेड जोन में टैप है तो क्या इंडिकेट करता है बेटा जब ग्रीन जोन में आता है तो इसका न्यूट्रिशन नॉर्मल कहा जाता है न्यूट्रिशन इंटैक्ट को चेक करते हैं अपन इसके माध्यम से शाकी टैप के माध्यम से तो यदि ग्रीन कलर पे टैप आ रहा है मतलब नॉर्मल बच्चा है कोई दिक्कत नहीं है कोई न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम इसको नहीं है लेकिन येलो जोन में आ रहा है तो मॉडरेटली मेल हो रहा है बेटा इसको येलो जोन में अगर बच्चे का मिड आर्म सर्कम आ रहा है तो मतलब इसको हो रहा है मॉडरेट मेल यदि अगर रेड एरिया में आ रहा है बेटा तो याद रखना सीवियर मेल न्यूट्रिशन का बच्चा होगा अंडरस्टैंड गाइस तो आप समझ चुके होंगे कि ये टॉपिक कितना वैल्यूएबल टॉपिक है और इससे तो मैं अगर पेपर बनाऊं तो मैं दो से तीन क्वेश्चन डाल दूं भैया इतना वैल्यूएबल टॉपिक है ये अंडरस्टैंड क्लियर है बेटा तो ये सबसे पहला क्वेश्चन कौन 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 से कलर होते हैं दूसरा क्वेश्चन होता है बेटा कि इस टेप के अंदर कलर तो होते हैं जो होते हैं इस टेप को पहचानना साकी टेप कहते हैं ये टेप क्या काम आता है तो ये मेल न्यूट्रिशन के लिए आर्म सर्कम को मेजर करने के लिए काम में आता है सर इसमें तीन जोन होते हैं ज्यादातर नॉर्मल कंडीशन का बच्चा ये दिखा दू ये दिखा दूर ये दिखा दूँ ये दिखा दूंगा तो आप कह दोगे कि सर जब ग्रीन कलर आ रहा हो तो समझेंगे नॉर्मल बच्चा है कोई मेल न्यूट्रिशन नहीं है दूसरा इमेज बेस में ये वाला पूछ सकता हूं जिसमें येलो दिखाऊंगा तो मॉडरेटली मेल न्यूट्रिशन बच्चा है ये और थर्ड नंबर पे मैं दिखाऊंगा आपको रेड शाकिर टेप का रेड जोन और पूछूंगा कि बताइए इस बच्चे को मेल न्यूट्रीशन कौन सी सीवियरिटी पर है तो आप कह देंगे सर इसको सीवियर मेल न्यूट्रीशन है यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है मेरे बब्बर शेरों लॉक कर दू यहाँ तक जितना पढ़ाया है क्लियर है वोगली का भंडार या तो खुलता नहीं है और खुल जाता है तो फिर बंद नहीं होता है या तो साहू सर क्लास ले नहीं रहे थे तो ले ही नहीं रहे थे लेकिन साहू सर ने क्लास शुरू कर दी ना तो फिर सारे सब्जेक्ट्स का भंडार खोल दिया तुम्हारे लिए ओपन है दरवाजे खुले हुए सारे जो लेना है ले लो जितना पढ़ना है पढ़ लो क्रिस्टल क्लियर है बेटा नेक्स्ट ये फ्रीजर है रेफ्रिजरेटर है अब सिखाता हूं रेफ्रिजरेटर को पढ़ना और इसमें वैक्सीन सेट करना अरेंजमेंट ऑफ वैक्सीन द रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर में वैक्सीन कैसे जमाओगे जब तुम सी पे काम करोगे सी पे पी पे या फिर बेटा आप विलेज हॉस्पिटल पे या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे या मेडिकल कॉलेज में अगर वैक्सीनेशन चेन के पार्ट आप हो गए और वैक्सीन को कैरी करना पड़ा तो कैसे रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो पहला याद रखना बेटा ये जो रखा हुआ है आइस पैक है ये आइस क्यूब रखे हुए हैं और इसे फ्रीजिंग कंपार्टमेंट या फ्रीजर कहते हैं जो सबसे ऊपर होता है यहां रखते हैं फ्रीजिंग कंपार्टमेंट के नीचे वाले जोन में रखा जाता है बेटा ओरल पोलियो मीजल्स को ओरल पोलियो को रखते हैं मीजल्स को रखते हैं यहां पर तो यदि फ्रीजर में यहां पर मैं इंडिकेट करके मैच बेस क्वेश्चन पूछूं आपसे और ये नाम मैं हटा दू इसमें से और मैं पूछ लू कि ये वैक्सीन रखी है मैं ये बोलूं कि ये वैक्सीन रखी है ये वैक्सीन रखी है बताओ कौन सी वैक्सीन है ये बताओ ये पूरा रेफ्रिजरेटर दे दूंगा और यहां वैक्सीन रखी है ये दिख रही है आपको बताइए ये कौन सी वैक्सीन रखी है ये या तो ओपीवी का वैक्सीन रखा है बेटा या मिज़ल्स का रखा हुआ है क्लियर हो गया है क्वेश्चन क्या लेवल से बनता है तो या तो यहाँ पर ओपीवी रखा है या मिजल्स रखा है अंडरस्टैंड फिर मैंने इसके नीचे का जोन देखा और इसके जो नीचे के दो कंपार्टमेंट है तो टोटल एक तो ये कंपार्टमेंट दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये और पांचवा ये क्लियर है सेकेंड कंपार्टमेंट के अंदर ओपीवी और मीजल्स रखते हैं थर्ड कंपार्टमेंट और फोर्थ कंपार्टमेंट में हम रखते हैं बेटा थर्ड में रखते हैं बीसीजी को और फोर्थ में रखते हैं बेटा डीपीटी टीटी को और डायलिवेंट्स को तो यदि मैं यहां एरो बना करके आपसे पूछ लूं कि इसमें बताइए कौन सा वैक्सीन रखा हुआ है तो क्या आप कह देंगे कि सर ये डीपीटी रखा हुआ है या टिटनेस को कहाँ रखेंगे तो आप बता देंगे कि सर ये टिटनेस रखा हुआ है यहां थर्ड कंपार्टमेंट के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं बेटा यहां कौन सी वैक्सीन रखी है तो बीसीजी को यहां पर रखते हैं अंडरस्टैंड और ये मिडिल कंपार्टमेंट एरिया है बेटा जिसको हम मेन कंपार्टमेंट कहते हैं रेफ्रिजरेटर का मेन कंपार्टमेंट होता है थर्ड और फोर्थ मिडिल कंपार्टमेंट क्लियर हो गया है बेटा यहां तक सबसे बॉटम वाला जो लोअर बोटल है लोअर कंपार्टमेंट है इसमें वाटर की बोटल्स रखी जाती है अंडरस्टैंड गाइस और देखो बेटा ये डायल थर्मामीटर होता है जिससे टेम्परेचर कम ज़्यादा करते हो आप ये डायल थर्मामीटर है ना डायल गोल सा घुमा देते हो तो कम ज़्यादा तापमान हो सकता है ये रिटर्न है जो भी आइटम रिटर्न करना है वो यहाँ रखा हुआ है ये थर्मोस्टेट है बेटा अंडरस्टैंड क्लियर हो गया है थर्मामीटर रेफ्रिजरेटर पढ़ना आया और रेफ्रिजरेटर में वैक्सीन को रखना आया यानी कोल्ड चेन कैसे मेंटेन करेंगे हम क्या ये बात समझ गए लॉक कर दूं बेटा यहां तक शाबाश वेरी गुड क्लास को लाइक like कर दो बेटा जिसने लाइक like नहीं कर रखा है आइएगा ओपीवी वैक्सीन को कैसे पढ़ते हैं कब यूज करेंगे कब यूज नहीं करेंगे बेटा जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है उसके अंदर वीवीएम बना होता है वीवीएम बना होता है और वीवीएम को कैसे पढ़ते हैं आइए समझते हैं यहां से भी अक्सर हमसे एक क्वेश्चन आता है अंडरस्टैंड VVM के अंदर एक तो स्क्वायर होता है और एक होता है बेटा गोला। स्क्वायर अंदर होता है और जो सर्किल होता है वो बाहर होता है बेटा सर्किल जो होता है वो डार्क कलर का होता है और जो आपका रेक्टेंगल है स्क्वायर है ये स्क्वायर जो होता है वो लाइट होता है ये हमेशा लाइट रहना चाहिए और ये डार्क रहना चाहिए तो बेटा एक आपने एक्सी वैक्सीन ओपीवी वैक्सीन देखी और उस पर वी, 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 वी को पढ़ा और वी पढ़ने पर आपको देखा कि बाहर का जो सर्किल है वो डार्क है और अंदर जो है वो लाइट है स्क्वायर लाइट है तो इसको यूज किया जा सकता है ये बिल्कुल सही वैक्सीन है इसमें कोई खराबी नहीं है आराम से आंख बंद करके इसको आप यूज कर सकते हो लेकिन दूसरा वाइल जब आपने देखा तो उस वाइल पे वीवीएम पड़ा आपने बेटा और उस वाइल का वीवीएम क्या कह रहा था कि बाहर का जो सर्किल है ये तो बिल्कुल डार्क ही है लेकिन अंदर वाला भी थोड़ा डार्क हो गया है कम लाइट हो गया है मीडियम में आ गया है ना तो डार्क है ना लाइट है मीडियम में आ गया तो क्या मैं इसको यूज कर सकता हूं बेटा इस वाली स्थिति में इस वैक्सीन को फेंकना नहीं है इसको यूज कर दें इंस्टेंटली इसको यूज किया जा सकता है तो ये दो स्थिति आपको पता होनी चाहिए जिसमें इसको यूज किया जा सकता है क्लियर है बेटा क्वेश्चन क्वेट जो है बहुत लेवल का क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो जब ये दोनों एक ही जैसे कलर के हो जाए तो नहीं यूज कर सकते और ये कंडीशन भी नहीं यूज कर सकते ये अंदर वाला ज्यादा ही डार्क हो गया बाहर वाले से भी ज्यादा डार्क हो गया नहीं यूज करना है सेम कलर में आ रहे हैं दोनों नहीं यूज करना है डिस्कार्ड करना है क्लियर है तो कौन कौन सी कंडीशन में डिस्कार्ड कर देंगे जब बच्चों दोनों ही सेम कलर में आ जाए या फिर स्क्वायर जो है वो ज्यादा ही डार्क हो जाए अंडरस्टैंड तो दोनों स्थिति में वैक्सीन को डिस्कार्ड कर देते हैं वैक्सीन केवल यूज तब होगा जब अंदर वाला लाइट है या थोड़ा सा हल्का सा अगर इनर स्क्वायर हल्का सा डार्क भी हो गया तो उसको इमीजिएटली यूज किया जा सकता है आ गया सबको वीवीएम पढ़ना यहां तक एक बार फीडबैक कर दीजिएगा बेटा एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर ना फिर आगे बढ़ेंगे अब क्या आएगा देखें कुछ इमेजेस हो रहे हैं चलिए वैसे ऐसा करते हैं आज दो घंटे का लेक्चर करीब हो चुका है तो बेटा ऐसा करेंगे तुम लोग भी ज़्यादा एक साथ मत पढ़ो कुछ और भी काम तुम्हारे होंगे शेड्यूल वग़ैरह में तुम्हारा डिस्टर्ब नहीं करूँगा अभी एग्ज़ाम टाइम पर क्योंकि तुम्हें और भी पढ़ाई करनी होती है हमारा टाइम टेबल गड़बड़ हो जाता है मुझे तुमने वही दे रखा है टाइम ग्यारह बजे तक का तो बेटा ठीक है आज के लिए बस इतना ही और अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है मैंने दो दो क्लासेस सर्जरी के नोटिफिकेशन डाल रखे हैं एक मैंने जी के मैथ रीजनिंग का नोटिफिकेशन डलवा रखा है और इसके अलावा मेरे पास ओ के भी दो नोटिफिकेशन डले हुए हैं लेकिन और इमेज बेस जो है वो मैंने दो दो नोटिफिकेशन डाल रखे हैं लेकिन इमेज बेस जितने भी है ना वो मैं सेम लेक्चर में कंप्लीट करवा रहा हूँ आपको अलग से इमेज बेस नहीं करवाऊंगा क्योंकि सारे इमेज बेस जो है वो लेक्चर के साथ ही मैं कवर कर रहा हूँ जिस भी सब्जेक्ट के है साइकेट्रिक के साइकेट्रिक में हो गए पीडिया के पूरे हो ही गए और भी जी इधर से सी के पूरे हो ही जाएंगे आपके तो जो अपने पास अभी बहुत टाइम है बेटा इतना टाइम है मेरे पास तो अभी ज़्यादा पड़ रहा है क्योंकि मैंने दो नोटिफिकेशन तो डाल रखे हैं इमेज बेस के दो सर्जरी के डाल रखे हैं दो ऑफ्स के डाल रखे हैं छः तो ये हैं एक मैंने मैथ रीजनिंग का डाल रखा है और एक दिन का ऑफ भी ले रखा है तो आठ दिन की नोटिफिकेशन मैंने डाल रखे हैं तो सी एच एन की जो क्लास है कल मैं कर दूंगा आधी क्लास अभी बच रही है मेन क्लास है तो कल मैं आपको उस क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा क्लियर है बेटा और आज के इस लेक्चर को रिकमेंड कर देना जितने भी नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं तो थैंक यू सो मच मेरे बब्बर शेरों लव यू विश यू ऑल द बेस्ट की बात कर रहे हैं कल हमने यहीं से ड्रॉप किया था तो इमेज बेस में पहला जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों ये जो इमेज आप देख रहे हैं अगर ये इमेज हमें एग्जाम में डिस्प्ले किया जाता है तो ये बच्चा जो है वो स्मॉल पॉक्स डिजीज का बच्चा है इसको कौन सा डिजीज हो रहा है बेटा स्मॉल पॉक्स इसे हो रहा है क्या हो रहा है स्मॉल पॉक्स ठीक है ना नेक्स्ट देखिए बेटा ये जो बच्चा है यहां जो दिख रहा है ये वेरिसला के रैसेस हैं ये रैशेज को पहचानना है आपको ये जो हैं वो स्मॉल पॉक्स के रेसेस हैं ओके ये पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट ये जो रैसेज दिख रहे हैं ये वेरिसला के रेसेज हैं किसके हैं वेरिसेला अंडरस्टैंड बेटा इधर जो मेडिसिन मैंने आपको <coughs> शो कर रखी है ये वैक्सीन है वेरिसला का माइडियर स्टूडेंट ये जो हमें रैसेज दिख रहे हैं इनको कहते हैं कॉपलिक स्पॉट्स क्या कहा जाता है इनको ये रशिश को कॉप्लिक स्पॉट्स कहते हैं क्या कहते हैं बेटा कॉप्लिक स्पॉट्स जो रुबियोला के अंदर होते हैं किस में होते हैं रूबियोला में ठीक है बेटा और ये हैं स्पॉट्स तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है अक्सर आ जाता है परीक्षाओं में एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कॉपलिक स्पॉट्स वाला इमेज ठीक है ये समझ में आ गया सबको देख गया प्रिंसेस गुड मॉर्निंग बेटा रविंदर गुड मॉर्निंग तो बच्चों ये कॉपलिक स्पोर्ट जो दिखाई दे रहा है आई होप कि सब लोगों को क्लियर हो गया होगा यस सुनो नेक्स्ट देखिए बेटा ये जो आपको वायरस दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है इन्फ्लुएंजा वायरस का किसका है एक वायरस कुछ वायरसेस के स्ट्रक्चर में सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कुछ ही बताऊंगा ज्यादा नहीं ताकि आप पे बर्डन ना पड़े कुछ लेकिन वायरसेस बताऊंगा जिनकी स्ट्रक्चर कैसी दिखती है और कुछ क्वेश्चन भी करवाऊँगा आपको तो वो हम लोगों को आना चाहिए ये है बेटा इन्फ्लुएंजा वायरस और ये जो मेडिसिन आप हाँ देख रहे हैं ये आ, ये है बेटा टेट्रावेलेंट वैक्सीन जिसको कहते हैं ईजी फोर क्या कहते हैं ईजी फोर और ये है पेंटा वैलेंट वैक्सीन जिसको कहते हैं ईजी फाइव अंडरस्टैंड तो दोनों के बारे में थोड़ा सा थियोटिकली स्टडी कर लेना आप अपने स्तर पर जो भी नोट्स आपके पास अवेलेबल है इजी फोर और इजी फाइव के बारे में इजी फोर वैक्सीन इजी फाइव वैक्सीन ठीक है ना अब देखिए फैमिली प्लानिंग कंप्लीट करते हैं इसके कुछ इमेजेस भी आपको दिखाते हैं ये इमेज को देख करके पहचानिए बेटा ये क्या है तो ये है डाइफ्राम क्या है ये डाइफ्राम वेरी स्पेशल क्वेश्चन अक्सर आ जाता है अंडरस्टैंड बच्चों क्लियर है ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये है दोस्तों सर्वाइकल कप क्या है ये सर्वाइकल कप हैं ए बी सी तीनों इमेजेस क्लियर है देख रखा है ये आपने पहले नहीं देख रखा है तो आपको याद कर लेना है ठीक है बेटा ये भी इम्पॉर्टेंट है यानी कि सी एच एन में से ज़्यादातर जो इम्पॉर्टेंट होते हैं वो uh, या तो होते हैं बेटा फैमिली प्लानिंग के इमेजेस या फिर होते हैं कुछ रैशेस के इमेजेस और या फिर तीसरा पार्ट होता है हमारे पास लोगो वाला और साइंटिस्ट वाला क्लियर है ये चार बातें काफी इंपॉर्टेंट होती है तो माय डियर स्टूडेंट दीज आर द सर्वाइकल कैप अंडरस्टैंड ये सर्वाइकल कैप है डियर स्टूडेंट यहां पर देखिए आप इंट्रा यूटराइन रिंग डिवाइस इसका नाम है इंट्रा यूटराइन रिंग डिवाइस और ये है दोस्तों लिपस लूप अंडरस्टैंड इसको काफी इंपॉर्टेंट मार्क करिए लिपस लूप का इमेज अक्सर एग्जाम में आ जाता है अंडरस्टैंड नेक्स्ट देखिए बेटा ये डिफरेंट टाइप की क्रॉपर्टीज हैं जो ए वाली क्रॉपर्टी है उसका नाम है टी सी यू टू हंड्रेड अंडरस्टैंड जो इमेज बी के अंदर क्रॉपर्टी है उसका नाम है टी सी यू टू हंड्रेड ट्वेंटी जो सी वाली इमेज है दोस्तों उसका नाम है टी सी यू थ्री एट्टी अंडरस्टैंड ये इनको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा अंडरस्टैंड गाइस और ये दोनों ही सेम है और जो डी वाला इमेज आप देख रहे हैं उसका नाम है सी यू नोवा टी नोवा टी टू हंड्रेड और जो ई e वाला इमेजेस आपको दिखाई दे रहा है ये वाला इस तरह का कॉपर्टी अगर हमें पूछा जाए तो इस कॉपर्टी का नाम है बेटा एम एल सी यू टू फिफ्टी एंड थ्री सेवेंटी फाइव अंडरस्टैंड ये कॉपर्टीज हैं और दीज आर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेजेस क्लियर है बेटा कॉपर्टी का इमेज भी अक्सर पूछ लिया जाता है अंडरस्टैंड गाइस अंडरस्टैंड क्लियर है अरे भाई बात समझ में आ गई नेक्स्ट बेटा ये यहां पर देखिएगा दो इमेजेस है एक में है प्रोजेस्टर्स और एल एनजी ट्वेंटी ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट देखिएगा आप इसको इमेज को देखकर आपको पहचानना होगा कि ये क्या किया जा रहा है क्या है ये तो डियर स्टूडेंट ये एक प्रोसीजर है और इस प्रोसीजर के माध्यम से आप ये पता लगाते हैं कि इंटरकोर्स किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है मीन्स वो सेफ होगा कि नहीं होगा अंडरस्टैंड तो दोनों इमेज आप देखिएगा और अगर मैं कहता हूं सिक्रेशन इसके अंदर दिखाई जाते हैं सिक्रेशन आपसे पूछे जाएंगे यहां जो सिक्रेशन है उसके अंदर इस तरह का स्पेशली वेन स्लिपरी ये स्लिपरी सिक्रेशन अगर आते हैं बेटा वेट स्केच मेन टू कपल शुड अवॉइड द सेक्स अंडरस्टैंड याद रखिएगा गाइस सर्वाइकल म्यूकस मेथड इसको कहते हैं क्या कहते हैं सर्वाइकल म्यूकस मेथड बेटा सर्वाइकल म्यूकस मेथड में हम क्या करते हैं फैमिली प्लानिंग का ये भी एक मेथड है और इसके अंदर हम सर्वाइकल की म्यूकस का सिक्रेशन देखते हैं और इस तरह से देखते हैं अगर उस सिक्रेशन के अंदर स्लिपरी सिक्रेशंस हैं दोस्तों तो सेक्स को अवॉइड करें बिकॉज इट इज नॉट द सेफेस्ट वे अंडरस्टैंड सेफेस्ट टाइम नहीं है अगर यदि सिक्रेशन स्लिपरी नहीं है तो इट इज़ द सेफ हैव द कैन हैव द सेफ दिस कंडीशन इंडिकेटिंग दैट हैव द सेक्स बट इन दिस कंडीशन अवॉइड द सेक्स अंडरस्टैंड गाइज दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इमेज क्लियर हो गया है बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है डू यू नो दिस इज द वैसेक टॉमी क्या है बेटा ये वैसेक टॉमी है अंडरस्टैंड बेटा नेक्स्ट जो इमेज आप देख रहे हैं ये है बेटा फीमेल का ट्यूबैक टॉमी क्लियर नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं बेटा ये है <coughs> इसका नाम देखिए मिनी लैप्रोटोमी फॉर स्टेरिलाइजेशन इन्वॉल्व अ स्मॉल इंसीजन जस्ट अबो द प्यूबिक हेयर इसमें जो मिनी लेप्रोटोमी किया जा रहा है फीमेल स्टेरिलाइजेशन के लिए अ स्मॉल इंसीजन जस्ट अबो द प्यूबिक हेयर तो आपसे जो मैं क्वेश्चन बना करके पूछूंगा तो वॉट इज दॉट इज द राइट right डिस्क्रिप्शन क्या पूछूंगा बेटा वॉट इज द राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ गिवन इमेज ठीक है डिस्क्रिप्शन ऑफ गिवन इमेज माई डियर स्टूडेंट क्वेश्चन आता है कि दिए गए इमेज का राइट right डिस्क्रिप्शन क्या है तो आपको जो आइडेंटिफाई करना है वो चार ऑप्शंस के अंदर इसको डिस्क्राइब करेंगे और इसमें आपको कहेंगे कि जस्ट अबोद द प्यूबिक इनसीजन की लोकेशन चेंज करके ये जो इंसिजन दिखाई दे रहा है अंडरस्टैंड दिस इज़ द मिनी लेप्रोटोमी प्रोसीजर फॉर स्टेरिलाइजेशन ओके बेटा नेक्स्ट देखिए आप ये आपको दिखाई दे रहा है लेप्रोस्कोपी फॉर फीमेल स्टेरिलाइजेशन यूजुअली इन्वॉल्व वन स्मॉल इंसीजन जस्ट बिलो द नेवल यहां जो इंसीजन हम मार्क करते हैं बेटा जस्ट बिलो द नेवेल अंडरस्टैंड तो सेम टाइप से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है जो अभी मैंने आपसे किया था वही सेम पैटर्न रहेगा क्वेश्चन को पूछने का कि व्हाट इज द राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस इमेज अंडरस्टैंड इमेज देंगे और इमेज देकर के आपसे इसका डिस्क्रिप्शन करेक्टली पूछा जाएगा आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाएगा क्लियर हो गया है यहां तक नेक्स्ट बेटा ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करके बताइए आप कि जो एमेज है वो क्या है टाइफ्राम है वेजाइनल रिंग है या वेजाइनल स्पॉन्ज है या आईयूडी है क्या है ये क्वेश्चन सेशन शुरू हो चुका है और आप आइडेंटिफाई करें कि व्हाट इज दिस वेरी गुड शाबाश बेटा ये जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है दिस इज इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आई यू डी अंडरस्टैंड गाइस ये है आईयूडी अंडरस्टैंड बेटा इंट्रा यूटराइन डिवाइस क्लियर हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये जो स्ट्रिप आपको दिखाई दे रहा है इसको आइडेंटिफाई करिए क्या है ये आयरन पोलिक एसिड टैबलेट से डोट्स की कैटेगरी वन ड्रग्स हैं या फिर एमडी एम डी टी पीवीएल ब्लिस्टर्स है या कंबाइंड ऑसिपीज हैं क्या हैं ये वेरी गुड माइ डियर स्टूडेंट ग्रेट शाबाश बेटा जो ये एम आपको शो किया गया है ये हैं कंबाइंड ओसीपी पिल्स अंडरस्टैंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं कंबाइंड ओसीपी यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर अंडरस्टैंड बेटा क्रिस्टल क्लियर है नेक्स्ट देखिए आप आइडेंटिफाई करिए इसको क्या है ये शाबाश बहुत बढ़िया ग्रेट क्या है ये कॉपर्टी थ्री एट्टी है प्रोजेस्टा सेट uh, है लिपेस लूप है या माइनिरिया है माइरेना है क्या है ये माइडियर स्टूडेंट दिस इज लिपेस लूप वेरी गुड शाबाश आज तो धुआं निकाल दोगे तुम कम्युनिटी के अंदर तो मुझे पता है तुम्हें बहुत जबरदस्त कम्युनिटी आती है राइट <laughs> प्रिपरेशन <Right. laughs> बहुत शानदार है आप लोगों का सी का डरने की कोई जरूरत नहीं है दी ऑप्शन इज द राइट आंसर बेटा और ये जो हम मैच देख रहे हैं ये लिपिस लूप है कॉन्ट्रासेप्शन है अंडरस्टैंड नेक्स्ट देखिए आप आइडेंटिफाई करिए इसको क्या है ये डीएमपीए है वेजाइनल रिंग है डाइफ्राम है वेजाइनल स्पॉन्ज है क्या है ये और एक के बाद एक धुएंदार बैटिंग वेरी गुड शाबाश भैया शाबाश वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अक्सर पूछ लिया जाता है बेटा इसका क्वेश्चन लगा दो इस पे स्टार बच्चों ये जो अमैच आप देख रहे हैं ना ये किसका अमैच है ये वेरी गुड शाबाश बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन है बेटा और इसको कहते हैं वेजाइनल स्पॉन्ज क्लियर है वेजाइनल स्पॉन्ज क्या बोला जाता है बेटा वेजाइनल स्पॉन्ज क्लियर हो गया है नेक्स्ट देखिए लिपस लूप नहीं है बेटा आइडेंटिफाई द सिंबल इस सिंबल को आइडेंटिफाई करके बताइएगा कि यह सिंबल किसका सिंबल है एमडीटी का है डोट्स का है एआरटी का है या आशा का है शाबाश मेरे बच्चों शाबाश वेरी गुड और ये जो सिंबल हम देख रहे हैं ना ये सिंबल है बच्चों डॉट्स का डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी शॉर्ट कोर्स अंडरस्टैंड दिस इज द सिंबल ऑफ डॉट्स क्लियर हो गया है बेटा क्लास को लाइक कर दो गदो जिसने लाइक नहीं कर रखा है ये डॉट्स का सिंबल है मेरे बच्चों क्लियर हो गया है अंडरस्टैंड ना काफी फेमस क्वेश्चन है ये बहुत फेमस है ट्यूबर क्लॉसिस को इरेडिकेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बहुत ध्यान दे रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्यूबर क्लॉसिस को कम्युनिटी से हटा दिया जाए कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया जाए तो डोड्स जो है वो काफी ट्रेंडिंग टाइप का थेरेपी है और इसलिए अक्सर क्वेश्चन भी काफी आ सकता है चांस काफी ज्यादा है क्लियर हो गया है बच्चों नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफाई द सिंबल इस सिंबल को आइडेंटिफाई करो बेटा इस सिंबल को आइडेंटिफाई करिएगा कि ये सिंबल क्या है डियर स्टूडेंट चार ऑप्शन मैंने दे रखे हैं आर का है एनएलईपी -E का है एन वी बी डी सी पी का है और एन एस सी पी का है मेरे बच्चों याद रखना ये फुल फॉर्म्स देख लो एक बार आर एन टी सी पी रिवाइज नेशनल ट्यूबर क्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम एनएलई पी नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम एन वी बी डी सी पी नेशनल वैक्टरबोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम एनएससीपी नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम माई डियर स्टूडेंट ये जो सिंबल है इसको कैसे पहचानना है यहां पर आपको एक फिंगर finger, दो फिंगर्स दिखाई देंगी ठीक तो है दो दो फिंगर्स हैं और ये हाउस है अंडरस्टैंड बेटा और हाउस के अंदर सुंदर सा एक लोटस का फूल है अंडरस्टैंड कमल का फूल है लोटस है ठीक है बेटा ये तीन चीजें पहचान होती है इसकी दो फिंगर्स हाउस और उस पर लोटस क्लियर है ये जो सिंबल बनाया गया था प्यारे बच्चों ये सबके घरों में खुशियां और ब्यूटी के लिए बनाया गया था कि सबके घरों में ब्यूटी हो खुशी हो हैप्पीनेस हो इसलिए इस सिंबल को बनाया गया था और इस सिंबल का दिया गया था बेटा किसके लिए नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के लिए यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर अंडरस्टैंड बेटा गज्जू क्लियर है बात समझ गया क्या लॉक कर दूं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है अंडरस्टैंड नेक्स्ट देखिए बेटा आइडेंटिफाई द सिंबल अब इस सिंबल को पहचानो आप फिर से किसका सिंबल है ये? नेक्स्ट सिंबल देखिए और ये सिंबल जो आपको दिख रहा है एक महिला और एक पुरुष और उसके साथ उनका बच्चा और उगता हुआ सूरज देखना इसको इमेज को एक महिला एक तो पुरुष मेल और एक फीमेल महिला और ये उनका चाइल्ड और उगता हुआ सूरज बेटा ये सिंबल जो बनाया गया था ये बनाया गया था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ग्रामीण लोगों की स्वास्थ्य को इंप्रूवमेंट करने के लिए चलाया गया सरकारी ये प्रोग्राम जिसका नाम है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन अंडरस्टैंड गाइस और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के लिए लोगों प्रिपेयर किया गया था सिंबल प्रिपेयर किया गया था उसका डिजाइन है ये अंडरस्टैंड मेरे बच्चों क्लियर है ना अरे बोलो भाई बब्बर शेरो तो याद रखिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं तैयार हो क्या अगला क्वेश्चन देखें बेटा ये दो क्लासेस काफी है कम्युनिटी को अंजाम देने के लिए कल का लेक्चर और आज का लेक्चर और जो पिछले लेक्चर से मेरे वो सारे कंप्लीट कर लेना बेटा टाइम निकाल करके क्योंकि हर लेक्चर अपने आप में एक वैल्यू रखता है इसको देखिए आइडेंटिफाई द प्रोग्राम डेपिक्टेड बाय द सिंबल इज गिवन इन द इमेज बेटा याद रखिएगा इस प्रोग्राम को पहचानना है आपको दैट इज डेपिक्टेड बाय सिंबल इज गिवन इन द इमेज बच्चों याद रखिएगा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यह सिंबल पहचान के बताइएगा कि कौन सा डिजीज को कंट्रोल किस तरह की बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए इस सिंबल को डिजाइन किया गया था इस सिंबल की एक ही पहचान है सिंबल्स भी पूरे याद करवा दूंगा आपको मैं ठीक है ना दो फिंगर दिख रही है लोटस दिखाई दे रहा है और एक अच्छा हाउस दिखाई दे रहा है तो वो सिंबल किसका था वो था बेटा नेशनल लेप्रोसी का ठीक है ना सिंबल्स को भी याद करने का तरीका होता है ऐसे नहीं है कि सिंबल ऐसे ही याद रह जाएगा और हम सही करके आ जाएंगे एग्जाम के अंदर नेवर माय डियर स्टूडेंट ये था एक मेल एक फीमेल और एक उनके साथ बच्चा और उगता हुआ सूरज तो वो है एनआरएचएम का क्लियर है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है ये सिंबल के अंदर स्पेशल चीज क्या दिखाई दे रही है आपको बताइए आप इसमें मुझे स्पेशल इस क्या दिख रहा है इस सिंबल में स्पेशल क्या दिखाई दे रहा है इस सिंबल को रीड करो पहले आप वेरी गुड शाबाश बेटा इस सिंबल के अंदर स्पेशली हमें दिख रहा है एक मॉस्क्यूटो और मॉस्क्यूटो से यह है पर्सन मेल फीमेल और चाइल्ड और इनको एक सुरक्षा चक्र के अंदर हमने बचाया हुआ है यह है सुरक्षा चक्र अंडरस्टैंड और ऊपर मंडरा रहा है घूम रहा है एक मच्छर और मच्छर को हम कहते हैं बेटा वेक्टर क्या कहते हैं वेक्टर इसको कहा जाता है अंडरस्टैंड तो माय डियर स्टूडेंट इस सिंबल का भी सिंपली मीनिंग और हमें समझ में आ जाएगा कि यह है वेक्टर बॉन्ड डिजीज से बचाने के लिए स्टार्ट किए गए प्रोग्राम का सिंबल तो नेशनल वेक्टर वैक्टरबोन डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम एन वी बी डी सी पी अंडरस्टैंड बेटा बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस क्रिस्टल क्लियर है तो नेशनल वेक्टर वैक्टरबोन डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम का सिंबल याद रहेगा बोलो भाई कि सिर पे मच्छर घूम रहा हो अगर सिर पे मच्छर घूम रहा हो तो वो नेशनल वैक्टरबोन डिजीज का सिंबल होता है आई होप यू अंडरस्टैंड क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए दूध की तरह डिस्टिल वाटर की तरह चलिएगा मेरे बच्चों नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफाई द प्रोग्राम डेपिक्टेड बाय द सिंबल एज गिवन इन ए मैच अब आप नेक्स्ट जो सिंबल दिखा है नेक्स्ट जो सिंबल दिखाई दे रहा है आपको उस सिंबल को आइडेंटिफाई करो और पहचानो इस सिंबल को पहचानिए। शाबाश नहीं पहचानो बेटा नहीं 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 रॉन्ग आंसर आपकी सेहत आपके हाथ ऐसा दिया हुआ है आपकी सेहत आपके हाथ आपकी सेहत आपके हाथ इसको पहचानने का क्या तरीका है बेटा यहां लिखा होगा आपकी सेहत आपके हाथ आपकी सेहत आपके हाथ लिखा हुआ है मतलब हम ये समझेंगे बच्चों कि यह सिंबल यह इंडिकेट कर रहा है कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो इंसान खुद ही पैदा करता है जिसके खुद के ही कुछ मिस्टेक्स की वजह से यह डिजीज हो सकती है तो प्यारे बच्चों ऐसी डिजीज आप देखेंगे तो कैंसर है अंडरस्टैंड डायबिटीज है बेटा स्ट्रोक है ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो व्यक्ति चाहकर खुद ही पैदा करता है तो इस सिंबल को किसके लिए बनाया होगा इस सिंबल को बनाया होगा बेटा नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर डायबिटीज कार्डियोवेस्कुलर डिजीज यानी स्ट्रोक और इस सिंबल का यूज किया गया था एनपीसीडीसीएस प्रोग्राम के लिए ंडरस्टेंड हेल्थ इन योअर हैंड अगर इस पर लिखा हो हेल्थ इन योअर हैंड क्रिस्टल क्लियर है बेटा समझ में आ गई बात याद कर लोगे इसको आप कैसे याद करते हैं सिंबल्स को समझ में आ रहा है तो याद रखना अगर लिखा हुआ हैल्थ इन योवर हैंड माई डियर स्टूडेंट दिस इज अ सिंबल दैट वॉज क्रिएटेड फॉर द नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर डायबिटीज और कार्डियोवेस्कुलर यानी स्ट्रोक के लिए क्रिस्टल क्लियर है यहां तक लॉक कर दें शाबाश नेक्स्ट देखिएगा आइडेंटिफाई द प्रोग्राम डेपिक्टेड बाय सिंबल इज गिवन इन इमेज ये जो प्रोग्राम सिंबल दिखा रखा है ये सिंबल कौन से प्रोग्राम के लिए बनाया गया था शाबाश, वेरी गुड मेरे बच्चों इस सिंबल में क्या दिख रहा है आपको पहचानो भाई इस सिंबल में क्या दिखाई दे रहा है आपको स्पेशल क्या दिख रहा है बच्चों स्पेशली इस सिंबल के अंदर दिखाई दे रहा है आई क्या दिखाई दे रहा है आई अंडरस्टैंड और बच्चों आई जिस सिंबल में दिखाई दे रहा है तो सिंपल सा मीनिंग भी हमें समझ में आ जाएगा कि नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस सिंबल क्रिएट किया गया था बेटा ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए शुरू किए गए नेशनल प्रोग्राम के लिए भारतीय प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया था ब्लाइंडनेस को नियंत्रण करने के लिए उसके लिए बनाया गया था इस सिंबल को याद रह जाएगा अगर आंख दिख रहा है तो अंडरस्टैंड ना तो याद रखना मेरे बच्चों बी ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन क्लियर है रिवीजन करेंगे अब एक बार पूरा वापस से ये आप जानते हैं ये आपको दिख रहा है लेपस लूप ये आपको दिख रहा है स्पंज वेजाइनल स्पंज ये सिंबल मैंने कहा था डॉट्स का सिंबल है अंडरस्टैंड गाइस ट्यूबरक्लोसिस के लिए चलाए गए प्रोग्राम का ये सिंबल हमें दिख रहा था इसमें एक घर है दो फिंगर्स है और एक लोटस है तो सबके घर में सुंदरता हो सबका घर स्वस्थ रहे इसके लिए यह सिंबल बनाया गया था लेप्रोसी के लिए नेक्स्ट हमें दिख रहा था यह एनआरएचएम जिसमें एक फीमेल एक मेल और एक बच्चा और उगता हुआ सूरज तो ये रूरल हेल्थ के लिए बनाया गया सिंबल था बच्चों ये सिंबल हमें दिखाई दे रहा है और इस सिंबल के अंदर मच्छर ऊपर की तरफ मंडरा रहा है यानी कि यह सिंबल बनाया गया था वेक्टर वैक्टरबॉन डिजीज को रोकने के लिए और उस प्रोग्राम का नाम था नेशनल वेक्टर वैक्टरबॉन डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम नेक्स्ट सिंबल जो हमें दिख रहा है हेल्थ इन योर हैंड तो ऐसे क्रोनिक डिसऑर्डर जो व्यक्ति की खुद की गलतियों से होते हैं उनके लिए यह सिंबल बनाया गया था और इस सिंबल को पढ़ते हैं बेटा नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ द डायबिटीज कैंसर कार्डियोवेस्कुलर और स्ट्रोक स्टूडेंट ये सिंबल है इसमें आंख दिखाई दे रहा है और यह नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के लिए बनाया गया था यहां तक लॉक कर दूं क्या बेटा अंडरस्टैंड क्लियर है अच्छा कल का लेक्चर सबने तैयार कर लिया है कि नहीं करा है कल का लेक्चर सबने तैयार कर लिया है कि नहीं कर लिया है लेवल ऑफ प्रिवेंशन बायोमेडिकल वेस्ट और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कर लिया है कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसका वो लेक्चर पेंडिंग हो डन मोस्ट ऑफ सब का डन वेरी गुड ग्रेट बेटा कंप्लीट करो रजनी लिंकन कंप्लीट करो यार हो गया है मोस्ट ऑफ सबका हो गया है ग्रेट दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है अब मुकेश यू आर राइट ग्रेट एक बार जो ले लो तो बस काफी है एक ही डोज काफी है इतना इंपॉर्टेंट क्लास नहीं छोड़ सकते वेरी गुड और साइकेट्रिक सब ने कंप्लीट कर ली क्या बताओ साइकेट्रिक की तीनों क्लासें कंप्लीट कर ली क्या सबने ट्रिक का बताओ डन एग्जाम तक आपको ढीला नहीं छोड़ना है मतलब एग्जाम तक पूरा कंट्रोल करके रखना है तब जाके सेलेक्ट होगे तुम लोग <laughs> प्रॉपर तुम्हारा पता रखना जरूरी है ऐसा नहीं है कि तुम मुझसे दूर बैठे हो तो मेरी नजर नहीं है तुम लोगों पे। तुम्हारी सारी एक्टिविटीज और तुमसे रोज फीडबैक लेने पर कंट्रोल करके रखूंगा एग्जाम तक ताकि तुम निकाल दो एग्जाम साइकेट्रिक कंप्लीट है वेरी गुड और पीडिया पीडिया कंप्लीट कर दी और भंडारा भी कंप्लीट कर लिया है वेरी गुड शाबाश ग्रेट भंडारा की छह क्लासेस है छह की छह क्लासेस में आपको मॉडल पेपर के मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चन करवा रखे मैंने सो सवा सौ क्वेश्चन है वो निपटा लेना अच्छा एम्स ऋषिकेश बेटा ग्रेट कॉम्प्लीमेंट बाय एम्स ऋषिकेश सर आपकी क्लास स्किप करने का मतलब है अपने आ, सपने से एक कदम पीछे होना वेरी गुड शाबाश बेटा ग्रेट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी वेल बहुत ही बढ़िया बात आपने बोली है और ये जो भी बच्चा बात कह रहा है वो बच्चे की बात से मैं 200 सौ प्रतिशत सहमत हूं कि एक भी क्लास अगर यूट्यूब पर अवेलेबल है तो देख डालो उसको नोट सेट देने जाने से पहले क्योंकि ये मेहनत मेरी है लेकिन यह मेहनत काम तुम्हारे आनी चाहिए क्लियर है बेटा एक एक क्लास की बहुत वैल्यू है अंडरस्टैंड तो मोस्ट ऑफ सारा कंप्लीट है यहां तक और एमएसएन की जो यूनिट्स प्रिपेयर करवा रखी हैं वो सब कंप्लीट कर लेना बढ़ू आगे अब शाबाश नेक्स्ट देखो तो फिर अब आइडेंटिफाई द सिंबल अब इस सिंबल को देख के बताओ आप ये किसका सिंबल है इस सिंबल को पहचानो और बताओ बेटा किसका सिंबल है ये बेटा इस सिंबल को कैसे पढ़ना है आपको कि इसमें तीन व्यक्ति हैं क्या है तीन पर्सन हैं तीन पर्सन हैं और तीनों पर्सन जो हैं वो अलग अलग कलर के हैं क्या कहा तीनों पर्सन अलग अलग कलर के हैं तीनों पर्सन अलग अलग कलर के हैं मतलब सीधा सा आपको बात समझ में आएगी कि ये जो सिंबल है ये इंडिकेट कर रहा है कि तीनों ही पर्सन डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले पर्सन होंगे अंडरस्टैंड तो बच्चों जो इस प्रोग्राम में एक ग्लोब भी मैंने दे रखा है पूरा ग्लोब भी है अंडरस्टैंड ग्लोब के साथ तीन डिफरेंट कम्युनिटी के लोग यहां पर दिए हुए हैं तो बच्चों ये जो सिंबल बनाया गया था ये बनाया गया था इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोजेक्ट के लिए डिजीज सर्वेलेंस डीएसपी के लिए डिजीज सर्वेलेंस प्रोजेक्ट के लिए और वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिस सबका है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोजेक्ट के लिए प्रोग्राम के लिए इस लोगो को डिजाइन किया गया था समझ में आ गया है गज्जू लॉक कर दूं यहां तक क्लियर है बेटा चलिए नेक्स्ट देखिए आप आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ द एन एस सी पी एस शॉन इन दोस्तों इसको पहचानिए आप क्या इंडिकेट कर रहा है इस सिंबल के अंदर देखेंगे अपन मां है पिता है और उनका बच्चा है ठीक है बेटा और यहां रेड रिबन है क्या है रेड रिबन बेटा याद रखना इस सिंबल को बनाया गया था कि माता पिता से बच्चों में जो बीमारियां बि ट्रांसमिट होती है उनको रोका जाए यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में जो डिजीज जाती हैं चाहे वो जेनाइटल हो या वर्टिकली प्लेसेंटली गया हो तो ऐसी डिसऑर्डर्स दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू द चाइल्ड दैट लोगो वाज डिजाइन टू फॉर दस प्रोग्राम अंडरस्टैंड गाइस क्रिस्टल क्लियर है बेटा तो याद रखना उस प्रोग्राम का नाम था पी पी PCT, सी टी यानी प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन क्या कहा प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन इतना याद रखो पी टी सी टी सी टी याद रहेगा और फिर पी याद रहेगा पी e का मतलब प्रिवेंशन और PCT सी टी का मतलब है बेटा पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन याद हुआ पीटी सिटी का क्या मीन से पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन याद हो गया है बेटा पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन पीटी और पी फॉर प्रिवेंशन प्रिवेंशन ऑफ द पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन दैट वाज इंडिकेटेड बाय दिस लोगो अंडरस्टैंड गाइस क्रिस्टल क्लियर हो गया है बेटा लॉक कर दूं यस yes, आइडेंटिफाई करना आ गया है सर थैंक यू वेरी गुड शाबाश जो हर कुछ पढ़ाऊंगा वो सब तुम्हें क्लास में ही याद होगा ये मेरा वादा है आपसे और चाहे आप क्लास को लाइक करें या नहीं करें ये मान के चलो क्लास फिर भी सुपर लेक्चर ही कहलाएगा अंडरस्टैंड बेटा क्योंकि ये कॉन्फिडेंस और काबिलियत जो है ये एक साल दो साल तीन साल में नहीं आया ये दस साल की मेहनत है जो आपके सामने हम जाहिर कर रहे हैं और वो भी जीरो कॉस्ट पर फ्री ऑफ कॉस्ट पे इसलिए गर्दन उठा के चलते हैं सिर उठा के चलते हैं और प्यारे बब्बर शेरों हम ये कहेंगे ऊपर वाले को कि हम पुण्य करके आए हैं हम टीचर थे हम टीचर थे मास्टर जी थे और हमने काफी हजारों लोगों के करियर को बनाया है विश्वास को जीता है बच्चों के विश्वास को जीता है माता पिता को खुशियां दी है नौकरी दी है जॉब दी है तो प्राउड से हम ऊपर वाले से कहेंगे जिस दिन भी जाएंगे कि चल अब राजगद्दी छोड़ो और हमें भी बिठा थोड़ी देर के लिए क्रिस्टल <laughs> क्लियर है बेटा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आइडेंटिफाई द सर्विस प्रोवाइडेड एट द क्लिनिक शोन इन सिंबल बेटा सुरक्षा क्लिनिक का सिंबल दे रखा है आपको और इसमें कौन सी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये क्लिनिक खोले गए थे वो बताना है आपको सुरक्षा तो क्लिनिक जो स्टार्ट किए गए थे वो कौन सी टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए स्टार्ट किए गए थे तो सिंबल तो पहचानना है पहले फिर इसका पर्पज भी बताना है बेटा ये जो सुरक्षा यूज किया गया था सुरक्षा जो वर्ड यूज किया गया था ये यूज किया गया था मेरे बच्चों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स के लिए किसके लिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के लिए और या फिर इसी को मैं आरटीआई भी कह सकता हूं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए अंडरस्टैंड तो इसका जो नाम है सुरक्षा का वो एस के लिए बनाया गया था डिसीज या इनफेक्शन के लिए और इसी को मैं आर क्यों कह रहा हूं क्योंकि बोल सकते हो ना आप रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इनफेक्शन के लिए अंडरस्टैंड बेटा तो एस या आर टी या आर के लिए बनाया हुआ लोगो है सुरक्षा क्लिनिक अंडरस्टैंड गाइस तो सुरक्षा क्लिनिक जो था सुरक्षा क्लिनिक जो था बेटा वो किसके लिए डिजाइन किया गया था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन को रोकने के लिए या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन को रोकने के लिए अंडरस्टैंड गाइस क्रिस्टल क्लियर हो गया है बेटा एस टी आरटीआई के लिए पहचान लोगे तो क्या पर्पज था इसका ये भी समझ में आ गया सिंबल किसका है ये भी समझ में आ गया लॉक कर दू ना इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं अब देखो नेक्स्ट लोगो चेयरमैन ऑफ द एजेंसी शोन इन ये जो एजेंसी दिखा रखी है इसका चेयरमैन कौन होता है इसका चेयरमैन कौन होता है इस एजेंसी का जो एजेंसी का लोगो आपको दिखा रखा है उस एजेंसी का चेयरमैन कौन होता है शाबाश वेरी गुड इस लोगों को देखो बेटा इस लोगों के आसपास आपको बहुत सारे पर्सन दिखा रखे हैं और वो सब पर्संस ने अपने हाथ से हाथ मिला रखा है और यही इसी तरह से हाथ से हाथ मिलाने की जरूरत है हम नर्सिस को ताकि हम फ्यूचर में हमारे प्रोफेशन को और मजबूत कर सके इसलिए आप सब मेरे साथ जुड़ो और ये मान के चलो जो मैं आपको एडवाइजेस करता हूँ जो सजेशंस देता हूँ जो स्किल्स सिखाता हूँ जो नॉलेज सिखाता हूं उसको सीखो और हाथ से हाथ मिला करके नर्सिंग प्रोफेशन को एक जुट कर दो एक साथ एक आवाज पैदा कर दो तो बेटा इस लोगों के अंदर आपको जो दिखाई दे रहा है बहुत सारे कैंडिडेट्स नजर आ रहे हैं हाथ से हाथ मिला करके मेरे बच्चों ये जो लोगों है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट ऑॉर ऑफ इंडिया अंडरस्टैंड डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया का लोगो है और यह लोगो बनाया गया था दोस्तों डिजास्टर्स के मैनेजमेंट के लिए और इस डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम का ऑथोरिटी जो होता है चेयरपर्सन होता है वो होता है मेरे बच्चों प्राइम मिनिस्टर क्लियर है तो सी ऑप्शन राइट आंसर हम लोगों को करना है अंडरस्टैंड क्लियर हो गया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया अंडरस्टैंड बेटा क्रिस्टल क्लियर हो गया है ये भी क्लियर है हमेशा प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरमैन रहेगा नेक्स्ट एक्ट प्रिवेंट पर्टर्निंग टू द सिंबल शोन इन इमेज वॉज एनेक्टेड इन ये जो सिंबल दिखा रखा है इस एक्ट को कब बनाया गया था कब आया था ये एक्ट ये एक्ट कब आया था एफ एस ए आई आई एफ एस एस ए आई एक्ट कब आया था एफ एस एस ए आई एक्ट कब आया था बेटा सबसे पहले इसका फुल फॉर्म हमें पता हो बेटा इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी क्या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑथोरिटी ऑफ इंडिया बच्चों ये जो हमें दिखाई दे रहा है ना एफ एफ का मतलब है एफ एस का मतलब है फूड सेफ्टी फिर जो एस है इसका मतलब है फूड स्टैंडर्ड है ना और ए आई मतलब ऑथोरिटी ऑफ इंडिया तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए जो एजेंसी काम करती है भारत में वो 2006 में स्टार्ट की गई थी कब की गई थी बेटा 2006 के अंदर इसे स्टार्ट किया गया था और इसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑथरिटी ऑफ इंडिया एफ एस एस ए आई क्रिस्टल क्लियर हो गया है बच्चों सी ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर हो गया है बेटा लॉक कर दो इसको भी बोलो भाई नेक्स्ट करें आगे शाबाश वेरी गुड नेक्स्ट देखिएगा आइडेंटिफाई द सिंबल इस सिंबल को पहचानो इस सिंबल को पहचानो शाबाश बेटा इस सिंबल में क्या दिख रहा है हमें इस पे लिखा होता है पॉइजन अंडरस्टैंड यह लिखा होता है डेंजर यह लिखा होता है बेटा कौशन ठीक है ना कौशन का कलर होता है ग्रीन ठीक है डेंजर का कलर होता है ब्लू और पॉइजन का कलर होता है रेड और पॉइजन के साथ ये खतरे का निशान बना रखा है रेड खतरे का निशान क्या है यहां खतरा और खतरे का निशान नहीं है और केवल पॉइजन है तो डियर स्टूडेंट इसके लिए कलर यूज किया जाता है येलो कौन सा कलर येलो कलर तो ये चारों ही जो कलर्स हैं बेटा रेड येलो ब्लू और ग्रीन जिसमें किसी पर लिखा होगा डेंजर डेंजर का सिंबल होगा और पॉइजन लिखा होगा ओनली पॉइजन लिखा होगा कॉशन लिखा होगा या डेंजर लिखा होगा माय डियर स्टूडेंट्स ये जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं ये यूज किए जाते हैं पेस्टिसाइड्स पर किस पर पेस्टिसाइड्स पर तो याद रखना बेटा पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी लेवल्स हैं ये क्या है ये ये पेस्टिसाइड्स की टॉक्सिसिटी के लेवल्स हैं यूज किए जाते हैं पेस्टिसाइड्स पर यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्रिस्टल क्लियर हो गया है मेरे बच्चों बात समझ गए सब लोग लॉक कर दो इस क्वेश्चन को भी एक एक क्वेश्चन का फीडबैक मुझे दो आप लोग कि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए फिर हम आगे बढ़ेंगे अंडरस्टैंड शाबाश वेरी गुड ग्रेट और भूलोगे नहीं कभी भी कोई भी क्लास कोई भी टॉपिक ये मेरा प्रॉमिस है बेटा आपसे नेक्स्ट देखो आप आइडेंटिफाई द सिंबल इस सिंबल को आइडेंटिफाई करिए आप इस सिंबल को और ये सिंबल है बेटा जिसमें बड़ा सिंपल सा है ये तो यार मेरे गज्जू अरे ओ गजोधर बहुत आसान है यार दिख रहा है उसमें सारा कुछ दो तो दिन की मजदूरी वाला कौन सा प्रोग्राम है बताओ दो तो दिन की मजदूरी वाला कौन सा प्रोग्राम है अरे तुमने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ ली यार मुझे लगा लो तुम तो तनख्वाह पे <laughs> कम्युनिटी पढ़ाने के लिए मुझे लगा लो तुम लगाना चाहोगे क्या सही टीचर हूँ मैं कम्युनिटी पढ़ाने वाला अरे कम्युनिटी पढ़ाने के लिए सही कंफर्टेबल टीचर हूँ क्या सारे मिलकर के तनख्वाह दे दो मेरे को मंथली और मुझे लगा लो तुम लोग ठीक है तुम्हारे सिलेक्शन तक मेरे को लगा लो सिलेक्शन हो जाए उस दिन चल जाए ठीक <laughs> है परफेक्ट हूं लगा लो फिर क्यों देर कर रहे हो अरे बेटा सौ दिन की मजदूरी वाला प्रोग्राम था हमारा नरेगा तो इस सिंबल में पूरी बात स्पष्ट जाहिर हो रही है यार एक व्यक्ति है क्या है ये पर्सन है और ये पर्सन दिख रहा है और ये पर्सन के ऊपर एक यहां पर तगारी रखी हुई है तगारी मतलब होता है बेटा जिसमें कचरा उठाते हैं ठीक है और सो दिन लिखे हुए हैं कितने लिखे हुए सो दिन तो इस प्रोग्राम को चलाया गया था सरकार की तरफ से कि हर गरीब व्यक्ति को ग्रामीण एरिया के अंदर सो दिन का रोजगार मिलेगा क्लियर है मनमोहन सिंह जी ने इसको स्टार्ट करा था कांग्रेस सरकार में यूपीए सरकार के अंदर अंडरस्टैंड तो बेटा ये सो दिन की मजदूरी वाला जो प्रोग्राम आपको दिख रहा है सो से ही पहचान जाओगे तगारी रखी है सिर के ऊपर राइट right? और ये एक पर्सन है अंडरस्टैंड बेटा तो याद रखना इसमें ये पर्सन है एक पर्सन है ये पर्सन नीचे झुक करके और कुछ खोद रहा है जमीन खोद रहा है तो देखो इधर खोद रहा है दिख रहा है उधर देखो आप इधर प्लांट्स लगा रहा है तो ये जो लोगो जनरेट किया गया था मेरे बच्चों ये किया गया था नरेगा एक्ट 2005 के लिए एन आर ई जी एक्ट 2005 के लिए डी ऑप्शन राइट आंसर है लॉक कर दूं इस इमेज को पूरा अब्बर शेरों लॉक कर दूं ना तुझ बिन जिया जाए कैसे कैसे जिया जाए तुझ बिन सदियों से लंबी हिराते सदियों से लंबे हुए दिन और ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है आती है आंधिया तो कर उनका खैर मदम तूफा से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे घड़ा है क्या कहा है मैंने तूफा से ही तो लड़ने के लिए खुदा ने तुझे घड़ा है अग्नि में तप के सोना और भी है निखरता दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन क्या कहा मैंने लाएगी रंग तुम्हारी मेहनत आखिर तुम्हारे एक दिन होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है हिम्मत नहीं है हारना कभी भी और बढ़ते रहना है आपसे बढ़कर के कुछ भी नहीं है आप हैं तो दुनिया कायम है क्योंकि आप इस दुनिया के वो प्रेसियस तोहफे हो जिसकी हर किसी को जरूरत है क्योंकि आप नर्सिंग ऑफिसर हो और नर्सिंग ऑफिसर वो है जो दुनिया को खुशियां देते हैं लोगों को स्माइल देते हैं हैप्पीनेस देते हैं उनका इलाज करते हैं उनको खुश करते हैं उनको साइकोथेरेपी देते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं तो आप वो बंदे हैं खुदा के जिसके हाथों में वो हुनर है जो रोते हुए को हंसा दे मेरे दोस्त इस हुनर को ज़िंदा रखना कायम रखना इसके अपने अंदर और आपका जो ये हुनर है ये हजारों रोती हुई फैमिलियों को हंसाएगा एक दिन मुझे पूर्ण भरोसा है कि मेरा वगलियन नर्सिंग ऑफिसर बन के दुनिया को दिखाएगा एक दिन नर्सिंग ऑफिसर बन के एक दिन नर्सिंग ऑफिसर बन के दिखाएगा एक दिन मेरा आशीर्वाद मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहेगी मेरे गज्जू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो अब बेटा आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशन डेपिक्टेड बाय द सिंबल एस गिवन एन इस ऑर्गेनाइजेशन को पहचानो आप किसका लोगो है ये सिंबल देख के ऑर्गेनाइजेशन को पहचानना है और ये जो लोगो दिख रहा है बेटा इसमें पूरा विश्व का नक्शा बना हुआ है और पूरे विश्व के नक्शे के साथ में डॉक्टर्स का सिंबल बना हुआ है अंडरस्टैंड और जिसमें पूरे विश्व के मैप के साथ ग्लोब के साथ मेडिकल सिंबल बन रहा है डॉक्टर का सिंबल बन रहा है वो लोगो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है दोस्त किसका है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यू एच ओ का है मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन डेपिक्टेड बाय द सिंबल इस सिंबल के द्वारा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन तो की गई है <laughs> इतल बोल रही कि सर आपको भी बेस्ट टीचर का पद्मश्री मिलना चाहिए <laughs> मिल जाएगा यार अभी तो जिंदगी बहुत पड़ी है मिल जाएगा तेरी दुआ काम करेगी मुझे पक्का भरोसा है मिल जाएगा बेटा तुम जैसे बच्चे अगर दुआ करोगे तो जरूर दिलवाई दोगे <laughs> तो देखो बेटा इसके अंदर इस सिंबल के अंदर जाहिर क्या हो रहा है सबसे ऊपर आप देखो गुलॉब है ग्लोब है मतलब ये इंटरनेशनल एजेंसी है पहली बात तो ये समझाओ आप दूसरी चीज क्या दिख रही है बेटा यहां बच्चा दिखाई दे रहा है आपको एक चाइल्ड दिखाई दे रहा है अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट ये जो सिंबल है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये बच्चों की सेफ्टी के लिए बनाया हुआ लोगो है बच्चों की फंडिंग के लिए बनाया हुआ लोगो है अंडरस्टैंड तो माई डियर स्टूडेंट विश्व स्तर पर काम करने वाली यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंडिंग एजेंसी जिसका नाम है यूनिसेफ इसके लिए बनाया हुआ लोगो है आपका ये वाला क्रिस्टल क्लियर है बेटा तो यूनिसेफ का लोगो आपको समझ में आ गया कि किस तरह का होता है ग्लोब होता है एक व्यक्ति ने चाइल्ड को ऐसे उठा रखा है गोद में और अपनी तरफ दिखा रहा है ये लोगों हमें पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंडिंग एजेंसी अंडरस्टैंड यूनिसेफ क्लियर हो गया है बेटा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड नेक्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ द लोकेशन ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी डेपिक्टेड इन इसका हेडक्वार्टर कहां है बेटा एफ इस लोगो में क्या दिख रहा है आपको इस लोगो के अंदर आपको दिख रहा है एफ एओ इसका हेडक्वार्टर पूछा है आपसे कहां है बेटा जेनेवा छोड़ दो हर चीज का हेडक्वार्टर जेनेवा में नहीं है क्योंकि आपने जब नर्सिंग करना शुरू किया था तब आपको स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर जेनेवा ही सिखाया था राइट और वही जेनेवा का सहारा आप अभी तक ले रहे हैं जेनेवा नहीं है क्लियर है बेटा याद रखना यह है एफ का लोगो एफ क्या है बेटा फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पहले तो आपको लोगों का मतलब समझ में आ गया यहां पर देखो बेटा ये आपको गेहूं बना रखा है ये जो बीच में फोटो बना हुआ है ये किसका बना हुआ है गेहूं का फोटो है जो आप खाते हो अंडरस्टैंड क्लियर है बेटा अब ये गेहूं क्या है गेहूं एग्रीकल्चर है भैया खेती है और खाने से मतलब क्या है अरे खाते हैं मतलब फूड है अंडरस्टैंड यानी ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो खाने के लिए काम में आते हैं उनके लिए बनाए हुए इस ऑर्गेनाइजेशन को कहा गया एफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड बेटा क्लियर है यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रोम के अंदर कहां पर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर नॉट द जेनेवा नॉट द न्यू दिल्ली नॉट द न्यूयॉर्क अंडरस्टैंड माई डियर स्टूडेंट क्रिस्टल क्लियर हो गया है ये वाला लोगो प्रोग्राम्स पूरे आ जाएंगे आपके सारे इसमें यानी कि कंबाइंड कर रखा है मैंने प्रोग्राम्स को लोगोस को और क्वेश्चन को यानी कि प्रोग्राम्स और लोगोस को मिलाकर के क्वेश्चन की फॉर्म दे दी और आपको पढ़ा दिया जाएगा तो मतलब तीन चैप्टर एक साथ आपके कंप्लीट करेंगे इमेज बेस भी थ्योरिटिकल क्वेश्चंस भी और सारे प्रोग्राम्स भी अंडरस्टैंड बेटा क्रिस्टल क्लियर है नेक्स्ट आइडेंटिफाई द सिंबल इस सिंबल को पहचानो ये किसका सिंबल है और ये बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा ये जो सिंबल होता है ये सिंबल वर्ल्ड बैंक का सिंबल है यानी कि आपको दिख रहा है ग्लोब क्या दिखाई दे रहा है ग्लॉब दिखाई दे रहा है केवल प्लेन ग्लॉब है इसके अलावा कुछ भी नहीं है तो दिस इज द सिंबल ऑफ वर्ल्ड बैंक अंडरस्टैंड गाइस किसका सिंबल है ये वर्ल्ड बैंक का सिंबल है अंडरस्टैंड बेटा आइडेंटिफाई द सिंबल नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप इस सिंबल को देखिए और पहचानिएगा किसका सिंबल है ये अरे इसके अंदर तो आंसर भी लिखा हुआ था यार तुम लोगों ने नजर ही नहीं डाली तो बहुत ईमानदार हो यार लोग <laughs> ये जो सिंबल है बेटा ये सिंबल है मेरे बच्चों यूएनएफ पी ए का यूएनएफपी ए मतलब यूनाइटेड नेशनल सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी किसका है ये यूनाइटेड नेशनल सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी अंडरस्टैंड बेटा क्लियर है यू एन एफ पी ए क्लियर हो गया है तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर बहुत सारे ऐसे ऐसे गोले नजर आएंगे आपको और एक बड़ा गोला होगा एक बड़ा गोला ठीक है छोटे गोले और बीच में होगा वर्ल्ड मैप ये है तो ये किसका लोगो है बेटा यूनाइटेड नेशनल नेशन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी इन भाई साहब को देख के पहचानो ये कौन से भाई साहब है जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है साइंस के जमाने में इनका बहुत नाम चलता है और इनका नाम आपको बताना है कि ये कौन है देख लो अच्छे से देख के बताओ ये कौन से भाई साहब हैं? क्या नाम है इनका चार से पांच साइंटिस्ट के फोटो में आपको बताऊंगा जिनकी इमेज याद रखनी है क्योंकि वो बहुत सम्माननीय रहे हैं साइंस के सेक्टर में ये लुइस पास्चर साहब है कौन है बेटा लुइस पास्चर साहब है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर क्रिस्टल क्लियर हो गया है बच्चों नेक्स्ट देखो आप इन भाई साहब को देखो किम किम जोंग नहीं है ये साउथ कोरिया वाले भाई साहब नहीं है ये किम जोंग इनको देखो ध्यान से और बताओ ये कौन है और ये भाई साहब हैं एडवर्ड जेनर साहब कौन है बेटा एडवर्ड जेनर साहब हैं बी ऑप्शन राइट आंसर ठीक है क्या है एडवर्ड जेनर साहब अगर आपको मोटापा नजर आए <laughs> याद कैसे रखोगे अगर आपको मोटापा नजर आए ना बेटा तो याद रख लेना जेनर साहब है कौन है जेनर साहब है किंग जॉन जैसे राइट नेक्स्ट देखिए आप इन भाई साहब को पहचानो आप ये कौन है इनका क्या नाम है और ये है रॉबर्ट कोच भाई साहब डी ऑप्शन राइट आंसर है बेटा इसका नेक्स्ट करो आप इनका नाम क्या है ये है जॉन स्नो कौन है ये जॉन स्नो साहब हैं ए ऑप्शन राइट आंसर है नेक्स्ट देखो आप इनको देखो अकल से दिख रहा है ब्रिटिश हैं नहीं है एलेक्जेंडर फ्लैमिंग नहीं है ये भाई साहब है जेम्स लिंड जेम्स लिंड भाई साहब हैं सी ऑप्शन राइट आंसर होगा ठीक है बब्बर शेरों नेक्स्ट देखो इनको और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको तो याद कर ही लेना कम से कम आप बाकी याद नहीं रहे तो और इनका नाम होता है जोसेफ भोरे कौन है बेटा ये जोसेफ भोरे साहब हैं सी ऑप्शन राइट आंसर है क्रिस्टल क्लियर है यहां तक नेक्स्ट आइडेंटिफाई द गिवन मेडिकल मेडिकेशन मेडिसिनल बॉक्सेस इन बॉक्सेस को देख के बताओ कि ये बॉक्सेस कौन सी दवा के बॉक्सेस हैं आयरन फोलिक एसिड के डोट्स के एमडीपी पीवीएल ब्लिस्टर्स कंबाइंड ओसीपीज के क्या हैं ये और ये जो बॉक्सेस हैं बेटा ये डॉट्स कैटेगरी के बॉक्सेस हैं बी ऑप्शन राइट आंसर होगा आइडेंटिफाई द सिंबल इस सिंबल को पहचानो ये सिंबल क्या इंडिकेट कर रहा है बड़ा सुंदर सा सुशील सा सिंपल सा सवाल है क्वाइट स्मोकिंग बी ऑप्शन राइट आंसर है वेरी गुड शाबाश तो ये है बेटा आपके सिंबल हो गए पूरे सिंबल ठीक है सिंबल 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 जो तुम्हें याद नहीं होते थे आज तो उम्मीद करता हूं कि अब कभी नहीं भूलोगे आप यहां तक बता दो एक बार कि चैप्टर जो फिनिश हुआ है मस्त हो गया क्या मजा आ गया क्या याद हो गया क्या सारे सिंबल पढ़ना सीख गए कि नहीं सीखे फिर आगे बढ़ूंगा भैया नेक्स्ट चैप्टर तभी स्टार्ट करूंगा बता दो आप पहले एक बार आपकी हाँ या ना आ जाए क्लियर है पूरी पक्की चीज है लॉक कर दू यहां तक क्लास को मजा आ गया चलो अब अभी तो आधी क्लास हुई है भैया ठीक है ना याद हो गए सबको <laughs> अरे मुकेश तुझे याद है बेटा बाकी को थोड़ी याद है यार तेरे साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रख यार बेटा सबकी भलाई में ही अपनी भलाई है स्टिल वाटर है <laughs> और जो मैं बताऊंगा वो तुझे याद नहीं होगा हमेशा होता आया ऐसा तो कि जो सर बताते हैं वो याद नहीं होता है अक्सर बच्चों को सर वो बताते हैं सर वो चीज़ बताते ही नहीं है जो सबको याद होता है कि सर टाइम वेस्ट करते ही नहीं है सर तो ऐसी चीज़ यूनिक चीज़ पढ़ाते हैं जो एम्स के लेवल से बिलोंग करती है ठीक है ना <laughs> चलो अब अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा कम्युनिकेबल डिजीज और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और इसके अंदर आपको इतनी इंटरेस्टिंग नॉलेज में आप देने वाला हूं जो एम्स अगर पेपर बनाता है तो बेटा उन चीजों को ज्यादा पूछने की संभावना रहेगी राइट वो सिंपल सिंपल सी बातें हम लोगों को जो आती है दैट इज नॉट मैटर लेकिन मैटर वो करता है कि एग्जाम परपज से देखना टीचर ने जो एग्जाम परपस से देखी है चीजों को और कौन से टॉपिक्स कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा वेटेज रखेंगे तो मैं शॉर्ट में आपको कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स को रिव्यू करवाने वाला हूं आर यू रेडी गाइस तैयार हैं क्या एक बार तैयारी का सिंबल बता दो आप कि आर यू रेडी सर तैयार हैं करो स्टार्ट दे धना धन वेटिंग शुरू करूं आप कहें तो शाबाश बेटा सबसे पहले अपन जानेंगे जिटिव ऑर्गेनिज्म और आईपी इंक्यूबेशन पीरियड कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स के ठीक है तो स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट होता है वेरियोला वायरस और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है सेवन से फोर्टीन डेज यहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है अंडरस्टैंड लेकिन जो मैं सजेस्ट करूंगा वो ही आपको याद रखना है आपको जो याद है अच्छी बातें लेकिन जो मैं सजेस्ट करूंगा वो ही इंक्यूबेशन पीरियड आपको याद करना है और एम्स में टिक करना है ठीक है तो यहां इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होना समझ में आ गया ना गज्जू एक ही बार बोलता हूं मैं कोई बात को दोबारा नहीं बोलता दूसरा चिकन पॉक्स और इसका एजेंट बताओ बेटा ह्यूमन एल्फा हर्पिज वायरस थर्ड क्लियर है क्वेश्चन बनता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये जहां जहां मैं इंपॉर्टेंट लगाऊंगा वहां इंपॉर्टेंट भी लगा लेना और चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है चौदह से सोलह दिन का मीजल्स या रूबियोला के बारे में बात करूं बेटा तो पेरा वायरस की वजह से होता है स्टार लगा लेना और टेन से लेकर फोर्टीन डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है रूबेला यानी जर्मन मीजल्स की बात करूंगा बेटा तो आरएनए टोगा वायरस इसका पैथोजन एजेंट है एजेंट है, स्टार लगा लीजिएगा और 14 से लेकर 21 डेज इसका आईपी होता है माय डियर स्टूडेंट मम्स की बात करूंगा तो मिक्सो वायरस के कारण मम्स होता है और मम्स 14 से लेकर 21 दिन में सिम्टम जाहिर कर देता है अपियर कर हो जाते हैं माय डियर स्टूडेंट इन्फ्लुएंजा की बात करें तो ऑर्थोमिक्सो वायरस इसका पैथोजन है और 18 से बेहतर घंटे में इसके सिम्टम आ जाते हैं स्टार लगा देना इसमें स्पेशल इंक्यूबेशन पीरियड है ये ज्यादातर सारे इंक्यूबेशन पीरियड दिन में आते हैं लेकिन इसका आपको हावर में आता है इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है एग्जाम में आने की क्लियर है बेटा किसका इन्फ्लुएंजा का आईपी डिफ्थीरिया <coughs> है ये होता है कॉराइनी बैक्टीरियम डिफ्थीरी से और कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थी का आईपी होता है दो से छ दिन का स्टार लगा लेना इस भी ठीक <coughs> है बेटा यानी इट हुपिंग कफ और हुपिंग कफ का पैथोजन है और ये सेवन से लेके फोर्टीन डेज में सिम्टम जाहिर कर देता है डियर स्टूडेंट मैनिंजो कोकल मैनिजाइटिस की बात करूं तो निजेरिया मैनिजाइटिस इसका पैथोजन है और तीन से चार दिन में इसके सिम्टम आ जाते हैं बच्चों याद रखना सार्थ की बात करूं तो कोरोना वायरस इसका पैथोजन है और तीन से पांच दिन में इसके सिम्टम आ जाते हैं कोरोना कोविड अलग है यानी कि बहुत सारी डिसऑर्डर्स हैं बेटा जो कोरोना वायरस की वजह से होते हैं इसकी अलग अलग प्रजातियां होती है मेरा जो कोरोना वाला लेक्चर मैंने पढ़ा रखा है एक बार सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उस लेक्चर को पढ़ लेना और पढ़ने के बाद लाइक जरूर कर देना ठीक है अंडरस्टैंड बच्चों तो याद रखना कोरोना वायरस जो होती है इसकी बहुत सारी प्रजातियां होती है। और जब सार्स के रेफरेंस में अपन कोरोना वायरस की बात करते हैं तो, to 5 days. तो याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा स्टार मार्क कर रहा हूं ट्यूबर की बात करेंगे तो माइको बैक्टीरियम ट्यूबर इसका पैथोजन है और वीक से लेकर ईयर्स तक इसका आईपी हो सकता है माय डियर स्टूडेंट पोलियो की बात करेंगे तो पोलियो वायरस इसका पैथोजन है और सात से चौदह दिन इसका आईपी होता है स्टार लगा रहा हूं इस पर पोलियो का आईपी ठीक है जहां जहां मैं स्टार मार्किंग कर रहा हूं ना दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट हेपेटाइटिस ए की बात करेंगे बेटा तो इसका एंटेरोवेंटी टू नाम होता है और ये स्टार क्वेश्चन है आपका पिकोरना वायरस कहते हैं इसको क्या कहते हैं पिकोरना वायरस अंडरस्टैंड स्टार क्वेश्चन है बेटा ये हेपेटाइटिस ए के लिए और 15 से 45 इसका होता है, ये भी स्टार क्वेश्चन है लेके फोर्टी डेज इसका आईपी तो अब मैं बताता हूं आपको कि कितने क्वेश्चन इसके हैं जो स्टार क्वेश्चन होते हैं जो आपसे यहां से पूछे जाएंगे तो बेटा याद रखना स्टार क्वेश्चंस मार्क कर रहा हूं पहला आपसे पूछा जाएगा ह्यूमन एल्फा हर्पीज वायरस थर्ड दूसरा स्टार क्वेश्चन है आर एन पैरामिक्सो वायरस तीसरा क्वेश्चन है आर एन टोगा वायरस चौथा क्वेश्चन है बेटा कोरोना वायरस पांचवा क्वेश्चन है आपका एंटेरो वायरस समझ में आ गया छठवा क्वेश्चन है बेटा आपका दस से चौदह दिन वाला आई सातवा क्वेश्चन है आपका अट्ठारह से बहत्तर घंटे वाला आई पी नवा आठवां क्वेश्चन है दो से छः दिन और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा नवा क्वेश्चन सात से चौदह दिन और पंद्रह से पैंतालीस दिन वाला क्वेश्चन आपका दसवा क्वेश्चन है तो टोटल इस पेज पे से मैंने जो सजेस्ट किए हैं बच्चों वो आपको केवल मात्र दस क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर किसी को सारा याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है लेकिन कम से कम जो लोग ज्यादा याद नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम दस आईपी और कोजिटिव एजेंट जो मैंने सजेस्ट किए हैं वो आपको लर्न करना है क्लियर है नेक्स्ट देखो आप हेपेटाइटिस बी की बात करूं बेटा तो हेपेटाइटिस बी का हेपेडना वायरस इसका पैथोजन होता है और 45 से 180 दिन इसका आईपी होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टार लगा रहा हूं हेपेटाइटिस सी के वायरस का नाम है हेपैसी वायरस और हेपेसी वायरस 30 से 120 दिन इसका आईपी होता है हेपेटाइटिस डी का वायरस जो होता है उसका नाम है डेल्टा वायरस और 30 से 90 दिन इसका आईपी होता है है बेटा और और हेपेटाइटिस ई e का वायरस वायरस कैल्सी 21 से 45 दिन इसका आईपी होता है मेरे बच्चों कोलेरा की बात करूंगा तो विब्रियो कॉलेरी इसका पैथोजन है और एक से दो दिन इसका आईपी होता है स्टार मार्क कर रहा हूं अंडरस्टैंड मेरे बच्चों टाइफॉइड की बात करूंगा तो सालमोनेला टाइफी तो इसका पैथोजन है और 10 से लेकर 14 दिन में इसके सिम्टम आ जाते हैं मतलब आईपी होता है 10 से 14 दिन मेरे बच्चों यदि मैं स्टेफाइलो फूड पॉइजनिंग की बात करूं यानी फूड पॉइजनिंग ड्यू टू द स्टेफाइलो तो ये होता है स्टेफाइलो कोकस और इसकी वजह से और इसका आईपी होता है एक से घंटे स्टार मार्क कर रहा हूं इस पर मेरे बच्चों यदि मैं एस्केरियसिस की बात करूंगा

मेरे बच्चों डेंगू की बात करूं तो अर्बो वायरस इसका पैथोजन है स्टार लगा लेना और तीन से दस दिन इसका आईपी होता है स्टार मार्क कर लीजिएगा डेंगू का अभी क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है तो कितने क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर सजेस्ट किए हैं देख लीजिएगा एक बार मैंने जो सजेस्ट क्वेश्चन किए हैं आपको वन दू सेकेंड और थ्री फोर फाइव और सिक्स और सेवन टोटल सेवन क्वेश्चन मैंने सजेस्ट किए हैं बाकी अगर आपको सारे याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं होते हैं तो कम से कम सेवन तो हम लोगों को लर्न करना ही है अंडरस्टैंड गाइस लॉक कर दू बेटा यहां तक नेक्स्ट देखिए आप मलेरिया अब मलेरिया की चार प्रजातियां होती है बेटा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओवेल इन प्रजातियों के नाम नहीं पूछे जाते हैं पूछा जाता है इनका आईपी बेटा से दिन में तो प्लाज्मोडियम का इफेक्ट आता है नौ से चौदह दिन के अंदर अंदर फेल्सीफेरम इफेक्ट करता है स्टार लगा रहा हूं मेलेरी जो होता है वो 18 से चालीस दिन और ओवेल जो होता है सोलह से 18 दिन सबसे ज्यादा सजेस्ट कर रहा हूं मैं प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम को अंडरस्टैंड बेटा नेक्स्ट देखिएगा आप लिम्पेटिक फाइलेरियसिसरियसिस का पैथोजन होता है वुचेरिया ब्रैंकोफाई और वेचेरिया ब्रैंकॉफ्टाई जो होता है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है आर्ट से लेकर के सोलह मंथ इसका जो होता है आईपी होता है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है मेरे बच्चों नेक्स्ट देखो रेबिस और रेबिस का लिस्सा वायरस टाइप फर्स्ट इसका पैथोजन है यानी रेबडो वायरस के नाम से हम जानते हैं और स्टार क्वेश्चन होने वाला है और इसका आईपी तीन से आठ वीक का होता है मेरे बच्चों येलो फीवर की बात करूं तो फ्लेवी वायरस यानी कि फाइब्रिकुश इसका पैथोजन है स्टार क्वेश्चन है दो से दिन इसका आईपी होता है है स्टार क्वेश्चन मेरे बच्चों नेक्स्ट देखिएगा जापानीज के केस में ग्रुप बी अर्बो वायरस यानी फ्लेवी वायरस इसका पैथोजन है और पांच से लेकर पंद्रह दिन इसका आईपी होता है तो मेरे बच्चों इस पेज पे मैंने कितने क्वेश्चन आपको स्टार सजेस्ट किए हैं तो याद रखना क्वेश्चन वन टू थ्री फाइव सिक्स और सेवन टोटल सात क्वेश्चन मैंने यहां से आपको सजेस्ट किए हैं इस प्रकार से जो मैं आपसे कहता हूं दोस्तों कुल मैंने चोईस क्वेश्चन तो आपको स्टार क्वेश्चन बताए हैं कितने क्वेश्चन बताए स्टार क्वेश्चन चोईस क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन होते हैं प्यारे बच्चों जो आईपी या कॉजिटिव एजेंट से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं अंडरस्टैंड तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखने वाले कॉजिटिव एजेंट और आईपी के कितने क्वेश्चन हम लोगों को लर्न करना है बेटा टोटल ट्वेंटी फोर क्वेश्चन आई होप यू अंडरस्टैंड यहां तक लॉक कर दें बेटा फिर आगे बढ़ेंगे आईपी वाली बात खत्म नेक्स्ट देखो अब आप शाबाश ग्रेट पूरी कम्युनिटी समेट दी यहां पर तीन पेज के अंदर सारी कम्युनिटी के डिसऑर्डर एजेंट और उनका आईपी पूरी कम्युनिटी का निचोड़ आ चुका है इन तीन पेज पर अब हम डिटेल में बात करेंगे तो मेरे बच्चों कुछ वेरी इंपॉर्टेंट आईपी से रिलेटेड क्वेश्चन चिकनगुनिया फीवर चिकनगुनिया वायरस की वजह से होता है और वो वायरस है चार से सात दिन इसका आईपी होता है स्टार है ये भी स्क्रब टाइफस का रिकेट्सिया इसका पैथोजन है और 10 से 12 दिन इसका आईपी होता है क्यू फीवर स्पेशल याद रख लेना बर्नेटी दो से तीन वीक इसका आईपी होता है ट्रेकोमा क्लेमाइडिया ट्रेकोमाटाइटिस इसका पैथोजन है पांच से बारह दिन इसका आईपी होता है टिटनेस है क्लोस्टिडियम टिटेनी की वजह से होता है और 6 से लेकर 10 दिन इसका आईपी होता है इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए एचआईवी या एड्स एच <coughs> आई के कारण होता है एच आई वायरस और याद रखना मंथ से लेकर 10 साल तक इसका आईपी होता है स्वाइन फ्लू एच वन एन वन टाइप ए की वजह से इन्फ्लुएंजा होता है और एक से लेकर चार दिन इसका आईपी होता है स्टार मार्क कर रहा हूं इबोला वायरस यानी इबोला वायरस की वजह से होता है और दो से लेकर इक्कीस दिन इसका आईपी होता है स्टार लगा रहा हूं तो यहां से मैंने चिकनगुनिया गुनिया को स्टार किया यह स्पेशल डिसऑर्डर है बेटा जो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं चिकनगुनिया है क्यू फीवर है टेटनस है स्वाइन फ्लू है और एड्स है क्लियर है अंडरस्टैंड नेक्स्ट देखिएगा प्यारे बच्चों <coughs> अब मैं बताने वाला हूं आपको होस्ट के बारे में कुछ स्पेशल होस्ट आपको बताऊंगा और इसमें आप ये सीखेंगे कि ऐसे डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं जिनमें दो दो होस्ट होते हैं अंडरस्टैंड अब हमसे सवाल क्या पूछा जाएगा सवाल ये पूछा जाएगा कि इस डिजीज का प्राइमरी होस्ट क्या होता है और इस डिजीज का सेकेंडरी होस्ट क्या होता है ऐसा क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाएगा तो ऐसे डिसऑर्डर अब मैं बताने वाला हूं बेटा जिनके दो दो होस्ट होते हैं अंडरस्टैंड यानी कि वो जो पैथोजन है वो दो होस्ट के अंदर अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है तो आइए जानते हैं मेरे बच्चों याद रखना ऐसी पहली डिजीज है मलेरिया जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट का नाम क्या है प्लाज्मोडियम स्टार क्वेश्चन है और अगर मैं कहूं इसके होस्ट तो एक प्राइमरी होस्ट बताऊंगा दूसरा सेकेंडरी होस्ट बताऊंगा तो जो फीमेल एनोफिलीज होता है ये मलेरिया का प्राइमरी होस्ट होता है बेटा और इंसान जो होता है वो इसका सेकेंडरी होस्ट होता है समझ में आ गया ना कि क्या पढ़ रहे हैं अपन और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे I hope everything is crystal clear है बेटा तो हमने कहा आपसे मलेरिया और मलेरिया का होस्ट है बेटा प्लाज्मोडियम और पैरासाइट प्ला, है प्लाज्मोडियम और होस्ट है इसका प्राइमरी तो टीनिया तो सोलियम इसका पेरासाइट होता है और मैन इसका प्राइमरी होस्ट होता है और पिग इसका सेकेंडरी होस्ट होता है बच्चों याद रखना टेप वार्म की ही बात करूं तो टीमिया सेजिनेटा की वजह से भी होता है और सेजिनेटा के केस में भी मैन और कैटल इसका सेकेंडरी होस्ट होता है क्लियर है तो टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा दोनों याद रखना पैरासाइट के नाम और डिजीज जो होती है वो होती है टेप वार्म गुनिया वार्म की बात करें बेटा तो ड्रैक्यूनलस मेडिनेसिस ड्रैक्यूनलस मेडिनेसिस का प्राइमरी होस्ट होता है मैन और दूसरा सेकेंडरी होस्ट होता है साइक्लोप्स। मेरे बच्चों याद रखिए फाइलेरिया तो वोचेरिया ब्रैंकॉफ्टाइस का पैरासाइट है और मैन के अंदर ये प्राइमरी होस्टिंग करता है और क्यूलेक्स के अंदर सेकेंडरी होस्टिंग करता है मेरे बच्चों यदि अगर मैं हाइडेटेड डिजीज की बात करूं तो जस्ट गाइस याद रखिएगा एचाइनोकोकस इसका पैरासाइट है डॉग में ये प्राइमरी होस्टिंग करता है और शिप केटल या मैन के अंदर ये सेकेंडरी होस्टिंग करता है यानी ग्रो करता है यदि अगर स्लीपिंग सिकनेस की बात करें बेटा काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है तो याद रखना ट्रैपेनो सॉम्स इसका पैरासाइट है और मैन इसका फर्स्ट प्राइमरी पैरा होस्ट है और टीएससी टी एस -सी, टी सी फ्लाई जो होती है वो इसका सेकेंडरी होस्ट होता है तो ये कहानी थी बेटा कि होस्ट ऐसे डिजीज जिनके दो होस्ट होते हैं मतलब वो पैथोजन या पैरासाइट अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए किन ही दो एनिमल्स के अंदर जाता है तब जाके उसका लाइफ साइकिल पूरा होता है तो एक को बोलेंगे प्राइमरी होस्ट और एक को बोलेंगे सेकेंडरी होस्ट क्वेश्चन कैसे आता है तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द प्राइमरी होस्ट ऑफ द मलेरिया पुट द राइट आंसर क्या आंसर देंगे आप व्हाट इज द प्राइमरी होस्ट ऑफ द मलेरिया व्हाट यू आंसर पुट एन एग्जाम पुट द राइट आंसर गाइस यदि हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी होस्ट ऑफ मलेरिया देन वी विल आंसर द एनोफेलिस ट इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ मलेरिया देन यू विल आंसर द मैन तो मलेरिया इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम नेक्स्ट बात करता हूं बेटा क्वेश्चन की आइएगा कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स uh, के बारे में मैं आपको आप पढ़ाने वाला हूं जिसमें शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपको पूरी कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे तो चलिएगा दोस्तों देखिएगा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी सबसे ऊपर लिखा होगा डिजीज का नाम और उसका डिस्क्रिप्शन फिर लिखा होगा एजेंट आईपी, सोर्स एमओटी क्लिनिकल फीचर वैक्सीन या ट्रीटमेंट और कुछ स्पेशल नोट समझ में आ गया है यानी हर स्लाइड पे आपको एक डिजीज मिलेगा और उस डिजीज का एक ही स्लाइड के अंदर वो सारा कंटेंट होगा जो एग्जाम पर्पज से वैल्यू रखता है और साथ में उसकी इमेज भी होगी मतलब उसके रैसेज कैसे देखते हैं तो आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि कितना वैल्यूएबल पार्ट होने वाला है अब CHN का मतलब एक ही क्लास के अंदर पूरी सी एच एन का भंडारा हो जाएगा आपका कंप्लीट सी एच एन इन सिंगल क्लास ऑल कम्युनिकेबल डिसऑर्डर एंड एवरीथिंग यू कैन थिंक जो भी आप सोच सकते हैं सी एच एन को लेकर दैट इज एवरीथिंग इंक्लूड इन दिस क्लास एंड आई वॉज प्रीवियसली टेकन अ वन क्लास लास्ट डे यस्टरडे that is also very precious class for community health nursing guys you know that i am teaching only a very valuable contents on my youtube channel never i am wasting your time i see that on the youtube most of the tutors are teaching they are taking feelings only and they are wasting the students time because but the students can't understand this type of uh, wasting of the time because they are not know, know about this बच्चे समझते ही नहीं है कि दे आर वेस्टिंग देयर टाइम बिकॉज मैनी ऑफ द ट्यूटर्स आर टीचिंग द सम ऑफ द कंटेंट्स दे आर नॉट वैल्यूएबल फॉर एग्जाम परपज एंड स्टूडेंट्स आर वॉचिंग दोज वीडियोज रेगुलरली वाई दे आर वाचिंग वाई दे आर वेस्टिंग देयर टाइम बिकॉज दिस इज अ गोल्डन टाइम फॉर गेटिंग द सेलेक्शन गाइज इट इज़ वेरी वैल्यूएबल टाइम डू नॉट वेस्ट इट एनी वेयर अंडरस्टैंड गाइज तो आई होप माई नर्सिंग प्रोफेशन एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड इट इजीली यस और नो गाइस समझ सकते हैं ना आप मैं क्या बात आपसे कहना चाहता हूं डू नॉट वेस्ट योर टाइम ओनली ओनली फोकस ऑन योर गोल और ओनली फोकस ऑन योर सेलेक्शन टूडे माई डियर स्टूडेंट आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट डिसऑर्डर और ये है चिकन पॉक्स जिसको क्या कहते हैं वेरिसला के नाम से भी जाना जाता है बेटा इसका एजेंट होता है वी जेडवी ह्यूमन हर्पीज वायरस थर्ड एल्फा वायरस है ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा इसका यहां पर 14 से सोलह फैलता है।, है किसी व्यक्ति को क्लिनिकल फीचर यानी कि इसके जो रेसेस होते हैं वो सेंट्री पिटलोर्फिक रोस पेटल ड्रॉप लाइक रेसेस होते हैं ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो जो बेटा वेरी सेला के रैसेज़ होते हैं चिकन पॉक्स के रैसेज़ होते हैं वो किस प्रकार के रैसेज़ होते हैं मेरे बच्चों तो आपको कहना है सर सेंट्रीपिटल पीटल रोज पेटल, ड्रॉप लाइक रेसेस होते हैं बेटा इसके लिए वैक्सीन की बात करें तो एम वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल है और इसको 9 मंथ से लेकर बारह साल की एज तक लगाया जा सकता है यदि हम इसके कुछ स्पेशल क्वेश्चन बोले आपसे तो मोस्ट कॉमन लेटर कॉम्प्लिकेशन क्या होता है सेला का चिकन पॉक्स का तो सेंजल होता है मेरे बच्चों दिस इज वेरी वेरी मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन कॉन्जेनाइटल सेला जो होता है वो कौन से ट्राइमेस्टर में आता है काफी फेमस क्वेश्चन है बेटा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कॉन्जेनाइटल वेरिसला सबसे ज्यादा देखा गया है तो क्लियर हो गया है लॉक कर दू बेटा और ये जो रैशेस आपको दिखाई दे रहे हैं दीज आर द रोज पेटल रैशेस ये जो रैशेस दिख रहे हैं ये किस तरह के रेसेस है सेंट्री रैशेस है रेसेस प्लीओमोर्फिक है रोज पेटल रेसेस है क्रिस्टल क्लियर हो गया है इससे बाहर आपसे चिकन पॉक्स नहीं पूछा जाएगा वेरिसला नहीं पूछा जाएगा मेरे बच्चों दूसरा डिसऑर्डर देखिए आप वो है मीजल्स यानी कि रूबियोला मीजल्स या रिब्योला दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टराइज बाई अ प्रोड्रोम ऑफ द फीवर एज द हाई एक सौ पांच डिग्री तक फीवर आता है एंड मेलेस होता है कफ होता है कोराइजा होता है कंजक्टिवाइटिस होता है आर द थ्री सी एंड इसके तीन सी ध्यान से सुनो बेटा थ्री सीज अपेथोगेमा यानी कॉप्लिक स्पोर्ट इसकी पहचान है फॉलोड बाई अ मैक्यूलोपेपुलर रेसिस दिखाया था मैंने प्रीवियस क्लास में द रेसिस यूजली अपियर अबाउट फोर्टीन डे आफ्टर पर्सन इज एक्सपोज रेसेज कितने दिन बाद होते हैं चौदह दिन के बाद ठीक है कौन से रेसेज होते हैं मैक्यूलो पेपुलर क्या कहते हैं कॉप्लिक स्पोर्ट्स इनको कहा जाता है रूबियोला या मीजल्स के केस में होते हैं अंडरस्टैंड गाइस इसका एजेंट है आरएनए एन ए पैरामिक्सो वायरस आईपी 10 से 14 दिन होता है सोर्स पिछले कैसेज से ही यह फैलता है एम इसका ड्रॉपलेट्स होता है क्लिनिकल फीचर में स्पेशल फीचर होता है कॉप्लिक स्पोर्ट्स और वैक्सीन इसका मीजल्स इम्यूनोग्लोबिन है जो कितना लगाते हैं डोज याद रखना 0.25 टू पर के और साथ में विटामिन ए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन आस्क फ्रॉम द वैक्सीन ऑफ द मीजल्स अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट याद रखिएगा वैक्सीन की जो डोजेस होती हैं, दो डोज ऑफ विटामिन ए आपको देनी होती है अब कैसे देते हैं विटामिन ए दिया जाता है ना जो रूबियोला के पेशेंट्स को या मीजल्स के पेसेंट्स को उसका तरीका समझ लो आप कि कैसे देते हैं विटामिन ए जो दिया जाता है वो डे जीरो पर और डे वन पर दिया जाता है क्लियर है बेटा अगर बच्चा छह महीने से कम एज का है तो फिफ्टी आयु देंगे पचास आयु देंगे यदि अगर बच्चा छह से ग्यारह महीने का है तो वन लैक आयु देना है और यदि बच्चा एक साल से बड़ा है तो विटामिन ए के दो लाख आयु आपको देना है क्लियर हो गया है डोज सिक्स मंथ से कम है तो फिफ्टी आई सिक्स मंथ से इलेवन मंथ का है तो याद रखिए वन लैक आई और यदि वन ईयर से ज्यादा है बेटा तो टू लैक आई विटामिन ए डोज वॉज एडमिनिस्टर्ड फॉर द द मीजल्स और रोबियोला दो वैक्सीन देते हैं कितने वैक्सीन देते हैं दो दो डोज देना है अंडरस्टैंड गाइस अगर तो, अगर थर्ड रिक्वायर्ड तो तीसरी डोज की जरूरत पड़े बच्चों तो चार से छह वीक के बाद आपको ये तीसरा डोज दिया जाता है क्लियर हो गया ये वेरी फेमस क्वेश्चन है डब्ल्यू एच ओ मीजल्स एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी कैच अप कीप अप और फॉलो अप ये क्वेश्चन बहुत फेमस है डब्ल्यू एच ओ का मीजल्स स्ट्रेटेजी जो है उसका स्लोगन क्या है डब्ल्यू एच ओ एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी का स्लोगन था बेटा कीप कीपअप एंड फॉलो अप अंडरस्टैंड याद रहेगा बेटा इसमें मीजल्स इमिनोग्लोबलिन एज अ ट्रीटमेंट हम यूज करते हैं और उसका डोज भी आपको पता हो पॉइंट टू फाइव एम एल पर के जी अंडरस्टैंड और ये जो स्पोर्ट्स आपको दिख रहे हैं ये ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें पंखुड़ियों की तरह चार पांच स्पोर्ट्स का गुच्छा होता है समझ में आया कॉप्लिक स्पोर्ट्स को कैसे पहचानना है तो चार से पांच स्पोर्ट्स का गुच्छा एक साथ होता है अंडरस्टैंड बेटा ये ऐसे बहुत सारे का गुच्छा एक साथ देखेगा आपको अंगूर के गुच्छे की तरह ऐसे गुच्छे अगर नजर आए ना बच्चों तो इन्हें कहते हैं कॉपलिक स्पोर्ट्स क्या कहते हैं कॉपलिक स्पोर्ट्स अंडरस्टैंड क्रिस्टल क्लियर हो गया है मेरे बपर शेरों लॉक कर दो इसको मिजल्स को Rubula या एवरीथिंग इज अंडरस्टूड क्लियर है अरे रुचि जो आता है वो करवाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुझे क्या नहीं आता है वो करवाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है डेज या ये थोड़ी पूछेंगे एग्जाम में कि डेज पूछेंगे आपसे राइट right? क्लियर है तो एग्जाम में जो क्लासेस में आपको पढ़ा रहा हूं ना वो उस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि एग्जाम परपज से क्या वैल्यू रखता है ऐसे नहीं डिजाइन किए कि आपको क्या नहीं आता है <laughs> राइट इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको क्या नहीं आता है पहला फर्क इस चीज से पड़ता है बेटा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको वो आता है कि नहीं आता है जो एग्जाम में आता है बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं आती है सीखो उनको सेल्फ स्टडी करो राइट नेक्स्ट देखो आप अब बेटा यहां पर एक डिजीज और डिस्क्रिप्शन है रूबेला इसको जर्मन मिजल्स कहते हैं पहला क्वेश्चन मार्क करो आप बेटा इट रेड रैशेज इसकी पहचान है इट आल्सो कॉल्ड जर्मन मिजल और थ्री डे मिजल भी इसको बोला जाता है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेटा इसका एजेंट है टोगा वायरस आरएनए वायरस और आईपी है चौदह से इक्कीस दिन पिछले कैसेस से ये फैलता है और ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है इसके लिए वैक्सीन या ट्रीटमेंट क्या है तो 0.5 फाइव एम एल सब क्यूटेनियस रूट से लाइव अटेन्यूट वैक्सीन अवेलेबल है और स्ट्रेन आर एन ए इसका नाम है मोस्ट वाइडली यूज टेस्ट कौन सा है इसके लिए तो हीम अ ग्लूटिनेशन टेस्ट है एच ए आई क्लियर है बेटा ये टेस्ट का क्वेश्चन जो है वो बहुत फेमस है आने के चांस पूरे पूरे हैं वैक्सीन किसके लिए इंडिकेट होता है तो प्रेगनेंसी और इन्फेंट्स के लिए इंडिकेट होता है रुबेला का वैक्सीन फर्स्ट प्रायोरिटी टू वैक्सीनेट सबसे पहली प्रायोरिटी कौन से एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीनेट करना होता है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कम्युनिटी से प्रायोरिटी बेस्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो याद रखना बेटा रूबेला वैक्सीन के बारे में आपसे बात की जा सकती है कि फर्स्ट प्रायोरिटी टू वैक्सीनेट फॉर द रूबेला इज दैट 15 से लेकर के 49 ईयर एज ग्रुप की फीमेल्स को यानी जो रिप्रोडक्टिव एज वाली फीमेल उन्हें सबसे पहले वैक्सीनेट किया जाना चाहिए किससे दिख रहे हैं आपको ये रूबेला के हैं नेक्स्ट देखिए बेटा मम्स ये जो बच्चा आपको दिखाई दे रहा है ये मम्स का बच्चा है एजेंट है इसका मिक्सो वायरस आरएनए वायरस से पेरामिक्सो वायरस कहते हैं 14 से 21 दिन इसका आईपी है सोर से कैस और ड्रॉपलेट से फैलता है पैरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट करता है बेटा और पैरोटिड ग्लैंड के अंदर स्वेलिंग आ जाती है और वैक्सीन लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन इसके लिए है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अगर मैं पूछता हूँ बेटा सबसे ज़्यादा इसका क्वेश्चन आता है कॉम्प्लिकेशन वाला मम्स का काफी फेमस क्वेश्चन है और असेप्टिक मैनेंजाइटिस इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है बहुत फेमस क्वेश्चन है मैनेंजाइटिस हो जाएगा इसको अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो क्लियर है दूसरा यदि अगर इसी क्वेश्चन को मैं पूछू मोस्ट कॉमन कॉम्प्लीकेशन इन एडोलिसेंट ऐसा अगर मैं पूछता हूं बेटा क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करूंगा और क्वेश्चन बदल जाएगा आंसर बदल जाएगा तो बेटा ऑर्चाइटिस या ओफेराइटिस आंसर जाएगा अंडरस्टैंड यदि अगर मेल में पूछूंगा तो ऑर्चाइटिस होगा फीमेल में ओफेराइटिस होगा तो एडोलिसेंट में सबसे ज्यादा मम्स का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है इज वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन बेटा ये दो कॉम्प्लिकेशन के क्वेश्चन होते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मम्स में से आते हैं क्लियर है अगर आपने कम्युनिटी नहीं भी पढ़ रखी है अभी तक भी और आपकी अच्छी नहीं है या आपको बहुत स्पेशल तैयारी करनी है तो दोनों क्लासें देख लेना बस सीएचएन की काफी है काफी है इससे बाहर सीएचएन नहीं जाएगा तो सबसे ज्यादा मम्स का जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा वो कॉम्प्लिकेशन से मोस्ट कॉमन पूछे तो असैप्टिक मैनजाइटिस एडोलसेंट में पूछे तो ऑर्चाइटिस ये दोनों कॉम्प्लिकेशन है बेटा ये आपको दिख रहा है ऑर्चाइटिस यानी कि जो टेस्टिकल्स है इनमें इंफ्लामेशन आ जाता है अंडरस्टैंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और जो यहां पर अगर फेलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन आ जाए यूड्रस में इंफ्लामेशन आ जाए ओवेरी में इन्फ्लामेशन आ जाए तो इसको कहते हैं बेटा ओफेराइटिस तो अगर मैं ये दो इमेजेस यूज करके क्वेश्चन बनाता हूं कि दिस कंडीशन कैन अकर्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन द एडोलेसेंट तो जवाब क्या पुट करोगे आप दिस कंडीशन या दिस कंडीशन दोनों में से कोई भी कंडीशन शो करके कहूं कि दिस कैन अकर्स इन द एडोलेसेंट ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज तो जवाब क्या आएगा आपका पुट द आंसर गाइज प्लीज क्या आंसर पुट करेंगे आप अरे सो गए क्या गधों? हो क्या रहा है? आंसर क्या पुट करोगे भैया मम्स क्या जवाब देना है फिर यदि हम ये कंडीशन या ये कंडीशन कहें या हम कहें ऑर्चाइटिस कैन अकर्स ड्यू टू या ओफेराइटिस कैन अकर्स ड्यू टू या असैप्टिक मैनेजाइटिस ड्यू टू आंसर क्या देना है बेटा मम्स क्रिस्टल क्लियर हो गया है लॉक कर दू यहां तक नेक्स्ट डिजीज देखिए बेटा इंफ्लुएंजा तो ये वायरस आपको याद करना है सीडीसी की साइट से लिया हुआ फोटो है इसलिए यही फोटो क्योंकि नेट पे बहुत सारे फोटो अवेलेबल होते हैं लेकिन याद रखना टीचर ये डिसाइड करता है कि कौन सा फोटो जो है वो ज़्यादा रिलेवेंट है जो आने के चांस ज्यादा होते हैं बाकी फोटो तो हजारों मिलेंगे आपको लेकिन याद रखना ये फोटो अगर आपको दिखाई दे ऐसा माला जैसा और इस पर स्पाइक लगे हों बाहर स्पाइक हो अंदर माला जैसा कुछ हो ऐसा कोल्ड हो स्प्रिंग जैसा तो बेटा ये है इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है ये इन्फ्लुएंजा वायरस है अंडरस्टैंड, बेटा याद रखना इन्फ्लुएंजा जो होता है ऑर्थोमिक्सो तो वायरस की वजह से होता है ए बी सी तीन वेराइटी होती है एच वन एन वन कहते हैं बेटा स्वाइन फ्लू करने वाले को और एच फाइव एन वन कहते हैं बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू करने वाले को तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है ये क्वेश्चन बहुत फेमस है इस वायरस का इमेज बहुत फेमस है अंडरस्टैंड बेटा इसकी ड्रग ऑफ चॉइस बहुत फेमस है और ओसेल्टामिविर इसके लिए यूज़ की जाने वाली ड्रग है टेमी फ्लू और डोज इसकी याद रख लेना पिछहत्तर एम जी देनी है पाँच दिन तक देना है तो इसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और याद रखना इसके लिए टेस्ट किया जाता है आर टी टेस्ट बाय द नेजोफेरेंजियल या थ्रोट स्वैप के माध्यम से तो ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है तो मैं यदि अगर आपसे कहूँ तो बेटा मैंने टोटल तीन चार तीन लाइन चार लाइन यहाँ पर लिख रखी है इसमें से सात क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इन्फ्लुएंजा पे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना टोटल सेवन क्वेश्चन इस पार्ट से बन सकते हैं समझ में आ गया बेटा क्लियर है नेक्स्ट आगे बढ़िएगा ये जो वायरस दिख रहा है आपको ये <laughs> ये है बेटा कॉराइन बैक्टीरियम दिप्थेरी इसका इमेज देख लीजिएगा यदि ऐसा छोटा छोटा आपको दिखे ऐसा दिखता है ये अरे छोटे पानी वाले रसगुल्ले <laughs> छोटे पानी वाले रसगुल्ले छोटे पानी वाले रसगुल्ले दिखाई देना तो छोटे पानी वाले रसगुल्ले जैसा वायरस होता है बेटा कौन सा कोराइनी बैक्टीरियम दिपथिरी ठीक है याद रहेगा अरे छोटे पानी वाले रसगुल्ले नजर आए तो कौन सा वायरस तो है ये ये है वायरस बेटा कोराइनी बैक्टीरियम दिपथिरी ये ग्राम पॉजिटिव होता है और नॉन मोटाइल होता है दो से छह दिन इसका आईपी होता है कैश और कैरियर इसको फैला सकते हैं ड्रॉपलेट से फैलता है डीपीटी इसका वैक्सीन है टेस्ट का नाम सबसे फेमस है इसका सिक टेस्ट जिसमें पॉइंट टू एम टॉक्सिन एडमिनिस्टर किया जाता है इंट्राडर्मली देते हैं आर्म में देते हैं तो सिक टेस्ट समझ लो पूरा ठीक ठेक है फेमस है किसके लिए करते हैं तो इसको मैं पूछ सकता हूं कि सिक टेस्ट किसके लिए करते हैं तो डिजीज पूछूंगा तो डिफ्थीरिया के लिए और सिक टेस्ट किसके लिए करते हैं तो सर कोराइनी बैक्टीरियम डिफ्थी को आइडेंटिफाई करने के लिए समझ में आ गया बेटा सिक टेस्ट का क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता हूं सिक टेस्ट कौन सी डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं जवाब दो जवाब दो बेटा सिक टेस्ट कौन सी डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है डिफेरिया के लिए यदि मैं पूछूं आपसे कि सिक टेस्ट कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है अब आंसर क्या होगा कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने के लिए सिक टेस्ट किया जाता है तो आपको कहना है कोराइनी बैक्टीरियम डिफेरी अंडरस्टैंड गाइस तो क्या जवाब दोगे आप कोराइनी बैक्टीरियम डिफेरी को अंडरस्टैंड अब इसी क्वेश्चन को फिर सुनो आप अब मैं कहूंगा आपसे कि डिफ्टीरिया या कोराइनी बैक्टीरियम डिफ्टीरी को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है द आंसर विच टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई द डिफीरिया या कोराइनी बैक्टीरियम देन आंसर वॉट विल यू बी पुट द राइट आंसर आंसर विल बी दिक टेस्टिंग टेस्ट नहीं रहे गधे सिक टेस्ट नेक्स्ट इन केस ऑफ द सिक टेस्ट हाउ मेनी अमाउंट ऑफ द टॉक्सीन या एंटीजन एडमिनिस्टर्ड अब क्वेश्चन सुनो जवाब दीजिएगा इन केस ऑफ सिक टेस्ट हाउ मेनी अमाउंट ऑफ टॉक्सिन या एंटीजन एडमिनिस्टर्ड कितना टॉक्सीन या एंटीजन एडमिनिस्टर किया जाता है तो आंसर क्या होगा बेटा पॉइंट टू एम एल अंडरस्टैंड अब क्वेश्चन सुनना इन टू डू दिक टेस्ट टॉक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट सिक टेस्ट करने के लिए टॉक्सिन को किस रूट से बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं तो आंसर क्या होगा इंट्राडर्मल दिया जाता है सर टू डू दिक टेस्ट इंट्राडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टॉक्सीन इज सजेस्टेड इन विच एरिया ऑफ द बॉडी बॉडी के कौन से एरिया में आई डी तरीके से हम टॉक्सिन को एडमिस्टर करेंगे कहा कर पे, पे, हिप पे कहा करोगे बटोक्स पे तो बेटा कहां करोगे आर्म पर क्रिस्टल क्लियर हो गया है सिक टेस्ट पूरी तरह से लॉक कर दू बेटा लेकिन इससे भी बड़ी खास बात आप सुनिएगा ध्यान से कि सिक टेस्ट इज नाउ डेज रिप्लेस्ड सिक टेस्ट नाउ डेज रिप्लेस्ड और रिप्लेस हो गया है बेटा हेमा हेम अग्लूटिनेशन टेस्ट हीम अग्लूटिनेशन टेस्ट के द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया गया है हीम अग्लूटिनेशन टेस्ट इज नाउ डेज इन द ट्रेंडिंग अंडरस्टैंड बेटा तो टोटली मैं डिफ्टीरिया के आपसे नाइन क्वेश्चन बना करके पूछ सकता हूं समझ में आ गया कितने क्वेश्चन बनते हैं इस डिजीज के मोस्ट सेलेक्टिव कितने क्वेश्चन है बेटा टोटल नाइन क्वेश्चन हीम हीशन टेस्ट इज नाउ रिप्लेस्ड द सिक टेस्ट और अब डिफ्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए हीम अग्लूटिनेशन टेस्ट किया जाता है क्रिस्टल क्लियर है लॉक कर दूं बेटा यहां तक फिर आगे बढ़ूंगा कबाश वेरी गुड नेक्स्ट देखिए आप नेक्स्ट डिजीज है बेटा हुपिंग कफ इसको कहते हैं सो दिन का कफ पहला क्वेश्चन यह होता है बॉडी टेला पर्टोसिस की वजह से दूसरा क्वेश्चन सात से चौदह दिन इसका आईपी होता है कैसे से फैलता है और इसका वैक्सीन है डीपीटी और ड्रग ऑफ चॉइस इसका होता है एरिथ्रोमाइसिन चालीस एमजी पर के जी देना है दस दिन तक देना है तो मैं जो क्वेश्चन करूंगा आपसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछूंगा बेटा ट्रीटमेंट मॉडलिटी क्या पूछूंगा ट्रीटमेंट मॉडलिटी फॉर हुपिंग कफ क्या क्वेश्चन पूछूंगा बेटा ट्रीटमेंट मॉडलिटी फॉर हुपिंग कफ या तो ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा <coughs> या फिर इसी क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा बेटा आपसे कि विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस तो मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा बेटा आपसे होपिंग कफ का ड्रग ऑफ चॉइस तो क्या जवाब दोगे बेटा आपको जवाब देना एरिथ्रोमाइसिन ट्रीटमेंट मोडेलिटी पूछूंगा तो ऑप्शन में पूरा ही डिस्क्रिप्शन दूंगा एरिथ्रोमाइसिन 40 एमजी पर के केजी क्यूआईडी 10 डेज तक क्रिस्टल क्लियर हो गया है बेटा तो ये मेरे क्वेश्चन होंगे दो तो क्वेश्चन ये वाले होंगे और दो क्वेश्चन होंगे बेटा 100 डे कफ और बोर्डेटेला परटोसिस क्लियर हो गया है इसकी जो वैक्सीन अवेलेबल है हुपिन कफ, हुपिन कफ की वैक्सीन, वो सारे एज के लोगों के लिए अवेलेबल है तो याद रखना बेटा दो से चार और छह महीने तक के जो बच्चे होते हैं पंद्रह से लेके अठारह महीने तक और चार से लेके छ साल तक के जो बच्चे होते हैं उसका वैक्सीन आता है डी टी ए पी के नाम से ये टर्मिनोलॉजी बहुत फेमस होगी डी टी ए और जो 12 साल तक के बच्चे होते हैं उनके लिए नाम वैक्सीन जो आता है हुपिंग कप का वो टीडीएपी के नाम से आता है ये फेमस क्वेश्चन होगा अंडरस्टैंड एक वैक्सीन का फोटो बना करके ऐसा वैक्सीन की डिब्बी बना करके और उस डिब्बी के ऊपर उस कंटेनर के ऊपर मैं ये टर्म लिखूंगा डीटीएपी टीडीएपी और टीडीएपी इस तरह से लिखा हुआ हो अंडरस्टैंड बेटा तो टीडीएपी दैट कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग द 27 से लेकर 36 वीक ऑफ ईच प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए आता है और टीडीएपी फॉर एडल्ट तो डियर स्टूडेंट दिस कैन आल्सो ये भी जो फोटो लिया गया है वो सीडीसी गाइडलाइंस से लिया गया है तो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए समझ में आ गया आपको ये लेवल और ये लेवल दोनों को समझना है डियर स्टूडेंट मत करना केवल क्लास से पढ़ लो इससे नोट करने में टाइम वेस्ट मत करना अभी ठीक है आप लेक्चर देख लेना सीख लेना और चले जाना तो बेटा ये सारी एज ग्रुप के लोगों के लिए वैक्सीन है कफ का। तो दो क्वेश्चन ये वाले बनाऊंगा। प्लस दो क्वेश्चन ये वाले हैं टोटल फोर और दो क्वेश्चन ये वाले हैं तो टोटल में डिफीरिया से कितने सॉरी कफ से कितने क्वेश्चन अप कर सकता हूं बेटा टोटल सिक्स क्वेश्चन आपसे यहां से पूछूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट सेलेक्टिव पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं जो सारे कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स का होता है अंडरस्टैंड गाइस? लॉक कर दूं यहां तक बेटा क्रिस्टल क्लियर है अंडरस्टैंड नेक्स्ट देखिए आप ये जो आप देख रहे हैं बेटा अब अब देखिए निमोनिया और निमोनिया अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइन आई एम एम सी आई दो हजार सत्रह में नए गाइडलाइन आए थे निमोनिया के तो ये क्वेश्चन याद रखना है जी ए पी पी डी यानी कि इंटीग्रेटेड ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द निमोनिया और डायरिया इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है दूसरा क्वेश्चन स्पेसिफिक गोल फॉर 2025 तक निमोनिया इरीडेट करने का गोल है ये इसका तीसरा क्वेश्चन है ये एल्वियलाइज नॉर्मल एलवेलाइज है और ये निमोनिया के बाद की एलवेलाइज है और ये जो एक्सरे है दोस्तों ये निमोनिया के पेशेंट का एक्सरे है तो टोटल यहां निमोनिया से मैं सिंपल से एक दो तीन और चार क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकता हूं क्लियर है बेटा निमोनिया के कितने क्वेश्चन टोटल फोर क्वेश्चन लॉक कर दूं बेटा यहाँ तक नेक्स्ट देखिए आप ट्यूबर कुलसिस और मेरे बच्चों ये तो बहुत फेमस होता ही होता है और ट्यूबर क्लॉसिस के कितने क्वेश्चन बनेंगे आइए देखते हैं सबसे पहले तो आप <coughs> ये फोटो देख के समझ जाना इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है ये स्ट्रक्चर अगर दिखा रखा है तो यह ट्यूबर क्लॉसिस से अफेक्टेड लंग्स है दूसरा यह फोटो दिखा रखा है तो यह ट्यूबर क्लॉसिस से अफेक्टेड लंग्स का फोटो है दोनों मैच आइडेंटिफाई कर लिए अब देखिएगा हाइएस्ट टीबी कंट्री कौन सा है तो इंडिया है यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मोन्टोक्स टेस्ट यानी कि इसका दूसरा नाम होता है परक्यू टेस्ट ये इसके दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मोन्टोक्स का दूसरा नाम परक्यूट आपको नहीं पता होगा लेकिन याद कर लेना आप मोन्टोक्स टेस्ट में वन टी यू ऑफ पीपीडी इन द पॉइंट वन एम एल इंजेक्टेड आई डी ऑन द फोर आर मोन्टोक्स टेस्ट और चिक टेस्ट दोनों क्लियर है चिक टेस्ट में आप पॉइंट टू एम एल यूज करते थे आईडी यूज करते थे बट आर्म पे करते थे लेकिन मोन्टेक्स के अंदर वन टी यू पीपीडी कितना ये अमाउंट 1 TU PPD, कितने ML में मिक्स करेंगे ML के अंदर ये है और कैसे आई डी नेक्स्ट क्वेश्चन है और फोर आर्म पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये होता है मोनटॉक्स टेस्ट मेरे बच्चों रिजल्ट कितने समय बाद रीड किया जाता है तो सेवनटी टू आवर या थ्री डेज के बाद यह है नेक्स्ट क्वेश्चन इंड्यूरेशन कितना आता है कैसे पढ़ते हैं इंड्यूरेशन रिजल्ट को कैसे पढ़ते हैं तो यदि इनड्यूरेशन नाइन एम से ज्यादा आता है तो पॉजिटिव कहते हैं यह है नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स से नाइन एम आता है तो डाउटफुल है बेटा 6 से कम आने पर नेगेटिव कंसीडर करते हैं यह है नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा आप लोगों को कि ट्यूबर क्लॉसिस के इस पेस से मैं कितने क्वेश्चन पुटअप कर सकता हूं वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स सेवन और एट नाइन टेन और 11 टोटल 11 क्वेश्चन आपके यहां से मैं पुट अप कर सकता हूं ट्यूबरक्लोसिस के आई होप यू अंडरस्टैंड मेरे बच्चों पिस्टल क्लियर है टोटल कितने क्वेश्चन सजेस्ट किए हैं मैंने 11 क्वेश्चंस हम लोग आपसे बना करके पूछ सकते हैं ये तक बताऊंगा कि किसी डिजीज में से कितने क्वेश्चन आते हैं कितने क्वेश्चन बनते हैं आपका कुछ भी मिस नहीं होगा अंडरस्टैंड क्योंकि जब मैं सामने खड़ा हूं ना तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि द वे फ्रॉम कंफ्यूजन टू कॉन्फिडेंस और या तो मैं काम नहीं करता और करता हूं तो इतनी सफाई से करता हूं ना बेटा कि सामने वाले को हंड्रेड परसेंट उसका परिणाम मिलता है पिछला मेरा काम जो है वो मैंने कंबाइंड एम्स में किया था ऋषिकेश में किया था और पिछले नॉर्सेट में किया था हंड्रेड आज करीब नौ नर्सिंग ऑफिसर ऐसे लगे हुए हैं एम्स के अंदर जो हमारी क्लासेस से लगे हुए हैं तो मेरे बच्चों याद रखना ऐसा कोई एम्स नहीं मिलेगा आपको ऐसा कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन नहीं मिलेगा जहां वुगली का दोस्त आपको नहीं मिलेगा आपका दोस्त आपको हर जगह मिल जाएगा बस तुम्हें इतना सा कहना है कि आई एम वुगली सामने वाला समझ जाएगा कि यू आर बुगली देन आई एम ऑल्सो बुगली मेरे बच्चों याद रखिएगा नेक्स्ट देखिए आप इसका ट्रीटमेंट रेजिमेंट क्या होता है ट्यूबर क्लॉसिस का ट्रीटमेंट रेजिमेंट ये क्वेश्चन देगा आपको यहां से समझ लो इसको एक बार इसमें चार कैटेगरी होती है बेटा कितनी कैटेगरी होती है कैटेगरी वन कैटेगरी टू एंड कैटेगरी फोर फोर पे स्टार कैटेगरी है बेटा टाइप ऑफ द पेसेंट न्यू साइन सिम्टम पॉजिटिव न्यू साइन सिम्टम नेगेटिव सीरियसली इल एक्स्ट्रा पल्मोनरी और इस तरह <coughs> <coughs> देखिए बेटा रेजिमेंट देखिए आप तो आईपी और सीपी दो तरह के रेजिमेंट होते हैं अभी बताऊंगा आपको आईपी में जो कैटेगरी वन है उसमें ड्रग का रेजिमेंट होता है टू एच आर जेड थ्री यहां होता है फोर एच आर थ्री और छह महीने के लिए दवा चलेगी दूसरी कैटेगरी का जो रेजिमेंट है उसमें कौन कौन सा क्या फॉर्मूला होता है टू एच आर जेड ई एस थ्री और वन एच आर E थ्री इसका सीपी फॉर्मूला है फाइव एच आर ई थ्री एट मंथ के लिए इसको चलाएंगे कैटेगरी फोर की जो दवाइयां बेटा उसका नाम है फोर के ओ सी जेड ई टी और 12 से C ओ E टी और 18 से चौबीस महीने के लिए इस दवा को चलाएंगे देखना अब लेटर आर जो है इसके अंदर जो आर यूज किया है हमने आर यूज किया बेटा रेफॉम्पीसिन के लिए यहां ध्यान दो अब आप लोग बेटा इसमें जो हमने लेटर ई e यूज किया है वो इथेम बिटोल के लिए यूज किया है जो लेटर एच यूज किया वो आइसोनाजेड के लिए यूज किया है एस जो यूज किया है बेटा वो स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए यूज किया है जेड जो यूज किया है वो पायरीडॉक्स पायरीजेनामाइड के लिए यूज किया है के जो यूज किया है ना बेटा वो यूज किया है केना के लिए ये दिख रहा है ना के ओ जो यूज किया है ऑफलॉक्सिन के लिए यूज किया है बेटा ईटी जो यूज किया है अपन ने ये वाला ईटी ये यूज किया है बेटा एथाइनोमाइड के लिए टी <laughs> जो इसमें यूज किया है हमने ये यूज किया है बेटा साइक्लोसेरिन के लिए बेटा नंबर का क्या मतलब है तो दो तरह के नंबर लिख रहे हैं यहां पर एक तो ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है द नंबर बिफोर द लेटर बिफोर द लेटर्स रेफर्स टू द मंथ ऑफ ट्रीटमेंट बेटा जो ये लेटर्स लिखे हुए हैं पहले लिखे हुए हैं दे द नंबर्स बिफोर लेटर रेफर्स टू द मंथ ऑफ ट्रीटमेंट टू एम्प्लाई टू मंथ ऑफ द ट्रीटमेंट और द नंबर आफ्टर लेटर रेफर्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर वीक ये जो लिखा हुआ है बेटा दैट मींस फ्रीक्वेंसी अंडरस्टैंड दैट मीन्स मंथ यानी कि ड्यूरेशन अंडरस्टैंड बेटा क्रिस्टल क्लियर हो गया है तो याद रखना मेरे बच्चों द नंबर आफ्टर लेटर आफ्टर लेटर लेटर के बाद का जो नंबर है <coughs> वो फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर वीक यानी तीन लिखा है तो वीक में तीन बार इस दवा को दिया जाएगा इस रेजिमेंट को तीन बार दिया जाएगा दो महीने तक दिया जाएगा अंडरस्टैंड इस दवा को तीन बार वीक में देना है आपको ये एचआर वाली दवा को और चार महीने तक देना है कुल ये इलाज चलेगा बेटा छह महीने के लिए क्लियर है इस दवा को आपको पांच महीने तक चलाना है इसे दो महीने तक चलाना है और ये तीन बार वीक में देना है यह भी तीन बार वीक में देना है और यह आठ महीने तक इलाज चलेगा इस दवा को वीक में तीन बार देना है और एक महीने के लिए देना है तो टोटल कितना हो गया दो एक और पांच आठ महीने बेटा ये दवा चार महीने के लिए चलाना है आपको अंडरस्टैंड क्लियर है अठारह से चौबीस मंथ के लिए चोईस वीक बच्चों ये दवाओं के नाम है सिंबल का मतलब है और ये आपको इसका पढ़ने का तरीका है ये होता है बेटा ट्यूबर का जो ट्रीटमेंट यूज किया जाता है उसकी स्ट्रैटेजी यानी कि जस्ट लेटेस्ट आपको ये पता होना चाहिए नेक्स्ट देखिए बेटा डोजेस, इन दवाओं की डोज आइसोनायाजाइड का डोज होता है डेली थेरेपी के केस में पांच एम पर के अगर वीकली थ्राइस थेरेपी हम यूज कर रहे हैं तो 10 से 15 एम पर के याद कर लेना बेटा आइसोन का रिफाम्पिस इनका होता है 10 एम पर के और या फिर 10 एम पर के बेटा पायरीजिनाम का होता है 25 एम पर के और 35 एम पर के जी स्ट्रेप्टोमाइसिन का होता है 15 एम पर के और 15 एम पर के जी इथाम ब्यूटोल का डोज होता है 15 एम पर के और वीकली इसका डोज होता है 30 एम पर के वीक में तीन बार देना है तो 30-30 एम -30 देना है और यदि अगर आपको डेली देना है तो 15-15 एम -15 देना है आइसोनाजाइड को यदि डेली देना है तो पाँच पाँच एम की दवाइयाँ देनी है और वीक में तीन ही बार देना है तो दस से पंद्रह एम की दवाइयाँ देनी है क्रिस्टल क्लियर हो गया है बेटा समझ में आई बात ये होता है इन दवाइयों का डोज अब इसके मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चन कुछ क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अब यह वो क्वेश्चन बताऊंगा बेटा जो आए हुए हैं एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए हैं और लेटेस्ट एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं नॉर्थ सेट के अंदर क्योंकि कम्युनिटी के अंदर से यदि अगर पूछने लायक टॉपिक्स की मैं बात करूं तो कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स के केस में ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा डिसऑर्डर है जिससे क्वेश्चन 100% आता है या पोलियो बायोमेडिकल वेस्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन मोड ऑफ ट्रांसमिशन इमेज बेसिस के क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर है बेटा तो याद रखिएगा यहां से देखो ध्यान से पहला क्वेश्चन देखो बेटा मोस्ट इफेक्टिव एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कौन सा है पुट द राइट आंसर मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे मोस्ट इफ... <coughs> मोस्ट इफेक्टिव एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग तो आंसर क्या होगा बेटा रेफाम्पीसिन मोस्ट बैक्टीरिसाइडल बैक्टीरिया को सबसे ज्यादा किल करने वाली दवा पूछूंगा तो भी आंसर रेफाम्पी होगा मोस्ट टॉक्सिक पूछूंगा बेटा तो जवाब आइसोनाजिड होगा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कोजिंग ऑरेंज डिस्केशन ऑफ यूरिन और आपने यह क्वेश्चन ही बहुत बार सुना होगा अगर हम आपसे ये पूछें कि कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर होती है जो जिसके कारण यूरिन का ऑरेंज कलर आता है तो आंसर फिर से रेफाम्पिश होगा मेरे बच्चों <coughs> एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग फर्स्ट टू डेवलप रेजिस्टेंस कौन सी दवा रेगुलर चलते चलते सबसे पहले रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेगी बॉडी में तो उसका नाम आइसो होता है मेरे दोस्त क्लियर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इंडिकेटेड इन द एड्स पेशेंट अगर पूछूंगा तो पहला जवाब थायासिटाजॉन देना है नहीं है ऑप्शन में तो फिर रेफार्मी देना है क्लियर हो गए सारे क्वेश्चन लॉक कर दूं बेटा ये क्रिस्टल क्लियर है नेक्स्ट देखो आप एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इंडिकेटेड इन ऑल फेजेज ऑफ द ऑल कैटेगरीज ऑफ डोट्स ऐसी कौन सी दवा है जो डोट की हर फेज में नहीं देते हैं और उस दवा का नाम रेफाम्पीन है, या है? इंजेक्टेबल एंटी ट्यूबर्कुलर दवा कौन सी होती है? तो होती है मेरे दोस्त ट्यूबरकुलर ड्रग इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी तो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है मेरे दोस्त एड्स में कौन सी कॉन्ट्राइंडेट होती है बात समझ में आ गया तो थायोसिटाजोन या रेफाम्पिन प्रेगनेंसी में कौन सी कॉन्ट्राइंडेट होती है तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉन्ट्राइंडेटेड इन चिल्ड्रन बच्चों में छह साल से कम एज के बच्चों में इथेम ब्यूटोल नहीं देते हैं मेरे दोस्त एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कोजिंग द ऑप्टिक न्यूराइटिस न्यूराइटिस क्रिएट करने वाली यानी रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस कौन सी दवा से हो जाता है क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों बहुत फेमस क्वेश्चन है ये बहुत फेमस है आज की क्लास की जितनी वैल्यू बताऊं आपको उतनी कम है अंडरस्टैंड गाइस तो याद रखना बेटा ब्यूटोल इसका एग्जाम्पल है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कोजिंग द वेस्टिब्यूलर डैमेज कौन सी दवा से वेस्टिब्यूलर डैमेज हो जाता है तो स्टेप्टोमाइसिन से क्रिस्टल क्लियर हो गए बेटा ये सारे क्वेश्चन तो ट्यूबरकुलसिस की सारी कहानी जो है वो यहां से शुरू की थी अपन ने और यहां स्पेस से ग्यारह क्वेश्चन टोटल ट्यूबर से हंड्रेड क्वेश्चन में आपको पढ़ा चुका हूं कितने हंड्रेड क्वेश्चन इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा कभी भी नहीं जाएगा नॉर्सेटी क्या आप कुछ भी देना जिंदगी में इसके बाहर कभी ट्यूबर नहीं जाएगा क्लियर है बच्चों यहां तक क्रिस्टल क्लियर है क्या लॉक कर दिया जाए मेरे गज्जू आगे बढ़ेंगे फिर याद कर लेना बस बैठ करके आज इस क्लास को अंडरस्टैंड इलेवन क्वेश्चन ये हैं फिर ये रेजिमेंट के क्वेश्चन हैं जिसमें से कितने भी बना सकता हूं मैं यहां से करीब फिफ्टी क्वेश्चन बन जाते हैं बना रखे हैं मैंने लेकिन फिफ्टी क्वेश्चन फॉर्म में इसको लेके आता तो बहुत टाइम लग जाता इसलिए मैंने क्वेश्चन फॉर्म में नहीं किया वरना पूरी कम्युनिटी के 700 क्वेश्चन बनते हैं बस पूरी कम्युनिटी के कितने क्वेश्चन बनते हैं अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड क्वेश्चन इतने ही बनते हैं बाकी फिर कितने भी बना लो सेवन हंड्रेड को फिर चार से मल्टीप्लाई कर लो तो ढाई हजार हो जाएंगे क्लियर है लेकिन 700 बनते हैं पूरी सी एच एन के जो बिल्कुल स्टैंडर्ड होते हैं इससे बाहर कुछ नहीं जाता है गाइस <laughs> ये आपको फिर मैंने इनकी डोज और फिर यहां से मैंने ये सारे मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पिछले दस साल के अंदर पूछे गए हैं अंडरस्टैंड अब आ जाइएगा बेटा पोलियोमेलाइटिस पोलियोमेलाइटिस की बात करें तो सबसे पहला तो ये इमेज याद करो अगर ये बच्चा दिखाया जाए तो पोलियोमेलाइटिस का बच्चा है डब्ल्यू की साइट से लिया गया फोटो है ठीक है ये बच्चा अगर दिखाया जाए तो कौन सी दवा पिला रहा है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ओपीवी की डोज पिला रहा है दूसरा क्वेश्चन है क्लियर यदि यह वाइल दिखाई जाए तो पहचानना है कि ओरल पोलियो वैक्सीन है यह आपका थर्ड इमेज बेस्ड क्वेश्चन है क्रिस्टल क्लियर है गाइस नेक्स्ट देखिएगा पोलियो वायरस तीन तरह के होते हैं सेरोटाइप वन टू थ्री इसका आईपी थ्री थ्री से लेकर थर्टी फाइव डेज होता है यूजुअली अगर कहूं तो सात से चौदह दिन होता है यह फीको ओरल या फिको और फेरेंजियल रूट से फैलता है इस टूल से सी एस एफ से थ्रोट से ब्लड से एग्जामिनेशन किया जा सकता है तीन एंडेमिक कंट्रीज हैं सबसे ज्यादा पोलियो के <coughs> अफगानिस्तान पाकिस्तान और नाइजीरिया ये तीनों कंट्रीज में पोलियो के बहुत केसेस हैं एंडेमिक है ये इंडिया ने कब पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया था क्वेश्चन अच्छा है 27 मार्च 2014 को अंडरस्टैंड तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन टू थ्री फोर और फाइव और इसका एग्जामिनेशन सिक्स टोटल छह क्वेश्चन इससे मैंने बना रखे हैं अंडरस्टैंड बेटा याद रखना हेपेटाइटिस देखो हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई e. बेटा हेपेटाइटिस ए इनके एजेंट देखो हेपेटाइटिस ए का एजेंट होता है एंटेरोवेंटी टू इसको पिकोरना वायरस के नाम से भी जाना जाता है पहला मोस्ट फेमस क्वेश्चन हेपेटाइटिस बी को सीरम हेपेटाइटिस कहते हैं काफी फेमस क्वेश्चन है सी Hepad, Hep, करता है और हेपेटाइटिस डी जो होता है वह वरियो की वजह से होता है और ई e जो होता है वो कैलसी वायरस के कारण होता है एक अल्फा वायरस होता है बेटा इनका आईपी याद करो आप 15 से 45 दिन -180 days, 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 45 से वन एट्टी डेज थर्टी से वन ट्वेंटी डेज थर्टी से 90 डेज और ट्वेंटी वन से फोर्टी फाइव डेज मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो ए वाला फीको ऑरल से मोस्ट कॉमन रूट होता ये। ये है ये सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आया है यदि कहूं बी के बारे में तो पेरी नेटल यानी वर्टिकल ट्रांसमिशन होने वाला है बीएचयू में आ गया एम्स के अंदर आ गया कई एग्जाम्स में आ चुका है सेक्सुअली भी ट्रांसमिट होता है पेरी पर क्यूटेनियस होता है और ब्लड बॉर्न हेपेटाइटिस भी इसको कहा जाता है काफी एग्जाम्स में आ चुका है एम्स में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन बेटा सी जो होता है पर क्यूटेनियस ट्रांसमिट होता है डी होता है पेरी नटल यानी वर्टिकल इसका भी ट्रांसमिशन हो जाता है लेकिन पेरी नटल अगर मैं पूछूं तो बी आंसर करेंगे पहली चॉइस पे अगर नहीं है तो फिर डी आंसर करेंगे सेक्सुअल और पर क्यूटेनियस भी ट्रांसमिट होता है और ई भी फीको फी रूट से ट्रांसमिट होता है अगर मैं पूछूं मोस्ट कॉमन रूट फॉर हेपेटाइटिस ए तो फीको ऑरल याद रखो मार्कर्स तो मार्कर्स में बेटा दो चीजें रहती है हेपेटाइटिस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक तो रहता है एंटीजन और दूसरा रहता है एंटीबॉडी तो एंटीजन और एंटीबॉडी का डिटेक्शन करना ही हेपेटाइटिस का मार्कर होता है अब हम जानते हैं कि जब हेपेटाइटिस किसी को होता है तो बच्चों उसके ब्लड के अंदर सीरम में यानी कि एंटीजन कब अपियर हो जाता है तो उसको हम कहते हैं एंटीजन टेस्ट और उस एंटीजन के प्रति हमारा शरीर जो है वो एंटीबॉडी बनाएगा तो जब एंटीबॉडी बन जाती है और वो एंटीबॉडी सीरम में अपियर हो जाती है और हम लेबोरेटरी टेस्ट करके उस एंटीजन को या उस एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो यही होता है बेटा हेपेटाइटिस का एंटीजन टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट अब देखो कैसे पढ़ते हैं कितने तरह की एंटीजेन्स होती है तीन तरह की एंटीजन और तीन ही तरह का एंटीबॉडी क्लियर है ये मार्कर होते हैं जिससे डायग्नोस करेंगे अपन तो देखो कैसे डायग्नोस होता है हेपेटाइटिस तो सबसे पहला एंटीजन होता है एचबीएस एजी एचबीएस मतलब एचबीएस का मतलब क्या हुआ हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन हेपेटाइटिस बी बी का मतलब एचबी का मतलब हेपेटाइटिस बी फिर छोटा एस जो लिखा हुआ है इसका मतलब सरफेस एंटीजन क्लियर हो गया है इसको बेटा ऑस्ट्रेलियन एंटीजन के नाम से भी जाना जाता है काफी फेमस क्वेश्चन है वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है बेटा फर्स्ट एंटीजन है ये जो सबसे पहले सीरम में अपियर होता है वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीआईपी क्वेश्चन है समझ में आ गया दूसरा एंटीजन होता है हेपेटाइटिस सी एंटीजन और हेपेटाइटिस सी एंटीजन का मतलब है हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन सी का मतलब कोर एंटीजन सरफेस एंटीजन हो गया कोर एंटीजन बेटा याद रखना तीसरा एंटीजन होता है हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन ई एंटीजन का मतलब है एनवेल पर पाया जाने वाला यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एनवेल अप पर पाया जाने वाला एंटीजन या सेल की सरफेस पे पाया जाने वाला एंटीजन या, या उसकी स्ट्रक्चर में पाया जाने वाला एंटीजन तो तीन तरह के एंटीजन बनाता है हेपेटाइटिस वायरस कौन कौन से एंटीजन होते हैं बेटा एक सरफेस होता है एक कोर होता है एक ई e होता है समझ में आ गया हेपेटाइटिस के एंटीजन क्रिस्टल क्लियर है बेटा सब लोगों को नाम ऐसा कैसा आ जाएगा एच बी एस ए जी एच बी सी एच बी अंडरस्टैंड गाइस क्रिस्टल क्लियर है इंडिकेट द वायरल एक्टिव वायरल रिप्लीकेशन बेटा इसका मतलब इस एंटीजन का ब्लड में पाया जाना ये इंडिकेट करता है कि वायरस जो है वो अभी एक्टिवली रिप्लीकेशन कर रहा है तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है अंडरस्टैंड बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूं ना वो तो आपको आना ही चाहिए क्रिस्टल क्लियर है तो याद रखो हेपेटाइटिस के क्वेश्चन बता देता हूं आपको कितने लर्न करना है मेरे बच्चों सबसे पहले आपको एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह क्वेश्चन तो आपको इस पेज के आना ही चाहिए समझ में आ गया? टोटल कितने एमसीक्यूज लर्न करना है बेटा? हेपेटाइटिस के मिनिमम क्वेश्चन तो हर स्टूडेंट को आना चाहिए चाहे आप सी एच ओ दें चाहे से आप नॉर्सेट दें सी एच ओ तो ये मान के चलो बेटा जब कभी भी तुम देने जाओ तो ये दोनों क्लासेस को ढंग से पढ़ जाना एच ओ में परफेक्टली पास हो जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अंडरस्टैंड तो ये ऐसा यूनिवर्सल क्रैश कोर्स चल रहा है अभी वुगली का, जो किसी भी एग्जाम को देने जाना पूरी नर्सिंग को आप साठ क्लासों के अंदर रिवाइज कर दोगे टोटल सिक्सटी लेक्चर हो जाएंगे मेरे नॉर्सैट तक और ये सिक्सटी लेक्चर जो है ना ये इतने आइडियल और इतने यूनिवर्सल लेक्चर्स हैं कि हर नर्सिंग के प्रोफेशन के हर कैंडिडेट को आना चाहिए क्योंकि इनमें जितना रिफाइंड कंटेंट्स मैंने प्रोवाइड किया है आपको वो नॉर्सेट तो क्या कोई भी एग्जाम देना बेटा कभी भी इससे आउट ऑफ नहीं होगा अंडरस्टैंड <खँँग> अब आती है एंटीबॉडी तो एंटी एच बी सी एंटीबॉडी एंटीबॉडी मतलब एंटी एंटी जहां पर हो मतलब एंटीबॉडी की बात करो एच बी सी एच बी सी एच और एस तीनों ही एंटीबॉडी बनेगी तीन ही तो एंटीजन थे तो तीन ही एंटीबॉडी बन जाएगी कोर सरफेस और एनवेलप. तो बेटा जो कोर एंटीबॉडी है फर्स्ट एंटीबॉडी है जो सबसे पहले अपियर होती है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सेकेंड हमारा होता है बेटा एनवेलप एंटी एंटीजन के अगेंस्ट में बनने वाला एंटीबॉडी और ये रिप्लीकेशन रुक जाने को इंडिकेट करता है यदि कोई हेपेटाइटिस का पेशेंट है और उसके ब्लड के अंदर या सीरम के अंदर ई एंटीबॉडी अपियर हो गया है ई एंटीबॉडी अपियर हो गया ना बेटा इसका मतलब यह होता है कि वायरस ने रिप्लीकेशन करना रुक दिया है बंद कर दिया है <coughs> बेटा सरफेस एंटीबॉडी जो होता है लास्ट एंटीबॉडी टू अपियर इन द सीरम यदि हम पूछे आपसे कि फर्स्ट एंटीबॉडी कौन सा अपियर होता है तो जवाब में आपको कोर एंटीबॉडी देना है कहें कौन सा एंटीबॉडी का आ जाना यह इंडिकेट करता है कि वायरस ने रिप्लीकेशन करना बंद कर दिया मतलब जवाब में आपको देना है बेटा ई एंटीबॉडी कौन सा एंटीबॉडी का अपियर हो जाना सबसे लास्ट एंटीबॉडी होता है जवाब में देना है बेटा आपको सरफेस एंटीबॉडी समझ में आ गया है मेरे बच्चों हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिलिन रिक्वायर फॉर द इमीजिएट प्रोटेक्शन फॉर द सर्जन नर्स लेबोरेटरी वर्कर न्यू बॉर्न इंफेंट ऑफ द केरियर मदर्स बेटा इन सब कैंडिडेट्स को जो काम करते हैं मेडिकल सेक्टर के अंदर इन सबको हेपेटाइटिस का खतरा अगर लगता है तो इमीजिएटली कौन सी इम्यूनोग्लोबिलिन देनी होती है हेपेटाइटिस बी इम्यूनोगलोबिलिन अब कैसे देते हैं तो आइडियली एडमिनिस्टर विद इन सिक्स आवर छोग्लोबिलिन को देना होता है लेकिन घंटे में ना दो तो कम से कम नोट मोर देन फोर्टी एट हावर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बेटा इसकी दो डोज देनी होती है पॉइंट जीरो फाइव से लेकर पॉइंट जीरो सेवन एम एल पर के जी और तीस दिन का गैप रखा जाता है समझ में आ चुका है हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन कैसे लगती है क्रिस्टल क्लियर है बेटा कितनी डोज लगती है दो डोज लगती हैं कितने दिन के गैप में लगती है थर्टी डेज के गैप में लगती है कितनी डोज क्वांटिटी में लगती है तो पॉइंट जीरो फाइव से पॉइंट जीरो सेवन एम एल पर के जी ये डोज होता है अंडरस्टैंड बेटा क्रिस्टल क्लियर है कितने घंटे के अंदर अंदर लगाओगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा सिक्स आवर के अंदर अंदर था कितने घंटे के अंदर अंदर लगा सकते हो तो 48 एट हावर क्वेश्चन को दोनों तरह से पूछने का तरीका समझ में आ गया सिक्स हावर में लगाओगे तो बेस्ट रिजल्ट आएगा 48 एट के हावर के अंदर, अंदर अंदर लगा सकते हो तो ये पॉसिबिलिटी है तो टोटल क्वेश्चंस देख लीजिएगा यहां से कितने पूछे जाते हैं वन टू थ्री टेन फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन क्वेश्चन टोटल कितने एमसीक्यूज फुटअप हो सकते हैं बेटा नाइन तो ये था मेरे बच्चों हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस से देखो आप। Hepatitis के कुल कितने क्वेश्चन यहां से मैंने बताया फिफ्टीन क्वेश्चन तो ये पंद्रह क्वेश्चन तो ये और नाइन क्वेश्चन ये क्रिस्टल क्लियर है बेटा लॉक कर दूं यहां तक आज घंटे कितने भी हो जाए लेकिन आज कम्युनिटी पूरी होगी मेरी तरफ से तो आपकी तरफ से आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा है यह आपकी जिम्मेदारी है मेरा काम केवल आपको पढ़ाना आपको गाइड करना और आप तक वो क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना जो वैल्यू रखता है और जो मैं कर सकता हूं पुण्य का जितना काम मैं कर सकता हूं यानी आपकी जितनी मदद मैं कर सकता हूं ना मैं कर रहा हूं बाकी आपकी किस्मत है किस्मत आपकी भी निर्भर करेगी कि आपकी किस्मत में सिलेक्शन लिखा कि नहीं लिखा है अगर आप क्लास पढ़ रहे हो मतलब लिखा हुआ है नहीं पढ़ रहे हो मिस्ट कर रहे हो स्किप कर रहे हो आपकी इच्छा है तो बेटा मैं अपना कर्म ईमानदारी से कर रहा हूं और करता रहूंगा ये तो सामने वाले की किस्मत है कि उसको ये क्लासेस पढ़ने का मौका मिला कि नहीं मिला अंडरस्टैंड उसके बाद कुछ नहीं होगा जब चिड़िया चुग गई खेत और चिड़िया उड़ गई फुर्र चिड़िया उड़ गई उसके बाद फिर कुछ मत कहना मेरे से इस ये हो गया वो हो गया क्लियर हो गया है मेरे बच्चों बात समझ में आ रही है सबको आगे देखते हैं अब अपन नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों डायरियल डिजीज डायरियल डिजीज दो हैं कॉलेरा है और टाइफाइड है विब्रियो कॉलेरी से तो कॉलेरा होता है जो ग्राम नेगेटिव है सालमेन टाइफी से टाइफाइड होता है इसका जो कॉलेरा का जो आईपी है वो एक से दो दिन का होता है और टाइफाइड का दस से चौदह दिन होता है ये फीसिस यूरिनो या कैस से फैलते हैं फीको ऑरल रूट से फैलते हैं डायरियल डिजीज पीस ऑफ डायरिया इसका फीचर होता है बेटा कॉलेरा का रोज स्पोर्ट्स बन जाते हैं इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है डाइकोटिक पल्स होती है ब्रिडी कार्डिया अबडोमिनल डिस्टेंशन होना काफी फेमस चीज है टेस्ट को याद रखने के लिए बासु टेस्ट करते हैं बासु टेस्ट का मतलब ब्लड करना पड़ेगा एंटीबायोटिक टेस्ट करना पड़ेगा विडाल के माध्यम से स्टूल करना पड़ेगा और यूरिन करना पड़ेगा बोले तो बासु टेस्ट बेटा ये सबसे पहला पैथोजन विब्रियोकोले है ये दूसरा साल्मोनेला टाइफी है और ये थर्ड भी साल्मोनेला टाइफी का जूम रूप है समझ तो में आ गया दोनों बच्चों नेक्स्ट देखिएगा डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंड किया न्यूली रिकमेंडेड लो सोडियम ओ आर एस डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंड किया तो ये सबसे पहले इसकी इमेज देख लो आप ओ आरएस कामेंडेड डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंड कर रखा है सोडियम क्लोराइड इसमें पॉइंट टू पॉइंट सिक्स मिलीमॉल होता है पोटेशियम क्लोराइड 1.5 होता है सोडियम साइट्रेट 2.9 होता है ग्लूकोज इसके अंदर 13.5 होता है और टोटल 20.5 होता है तो आप तो समझते ही हैं कि ओ कितना वैल्यूएबल पार्ट है इस सब्जेक्ट का दोस्तों इसके लिए रेजोमाल अवेलेबल है यानी रिहाइड्रेशन सोल्यूशन फॉर द मेल नरिश्ड चिल्ड्रंस अगर रेजोमाल मेल नरिश्ड के लिए ओ सॉल्यूशन यूज कर रहे हो तो कैसे यूज करते हैं अपन ये भी फेमस क्वेश्चन है आपका एक डब्ल्यू का ओ पैकेट लेना है दो लीटर पानी में मिलाना है और पचास ग्राम उसमें शुगर मिक्स करना है और चालीस ग्राम इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करना है यह फॉर्मूला होता है बेटा रेजोमाल का रेजोमाल मतलब रिहाइड्रेशन सोल्यूशन फॉर मेल नरिश्ड तो ओ को डायरिया के लिए यूज करते हैं तो ये फॉर्मूला है मेल नरिशन के लिए यूज करते हैं तो ये है और वेरी वेरी फेमस एंड एक्सीलेंट टॉपिक इन दिस लेक्चर डियर स्टूडेंट डायरिया कंट्रोल मेजर्स के लिए यूज करते हैं ओ थेरेपी को तो फर्स्ट चार घंटे में जो दिया जाता है वो डोज रखते हैं सेवेंटी फाइव एम एल पर के जी सोल्यूशन कौन सा यूज करते हैं डब्ल्यूएसओ के द्वारा रिड्यूस्ड ऑस्मोलिटी वाला ओ आर एस डब्ल्यूएचओ ने जो रिकमेंड किया रिड्यूस्ड ऑस्मोलिटी वाला बेटा याद रखना चार मंथ से छोटा बच्चा है <laughs> और या फिर पांच किलो से कम वेट का है तो दो सौ से चार सौ एम एल दिया जाता है यदि अगर बच्चा एक से दो साल का है या आठ से दस किलो का है तो 600 से 800 सौ दिया जाता है यदि बच्चा 15 साल से बड़ा है या 30 किलो से ज्यादा वेट का है तो बेटा 2200 से लेकर 4000 हजार तक दिया जाता है क्रिस्टल क्लियर हो गया है मेरे बेटा इंट्रावीनस रिहाइड्रेशन अगर दिया जाए तो कैसे दिया जाएगा सर ये तो ओरल था राइट तो ओरल की डोज पता चली सबको यहां से क्वेश्चन मार्क कर लेना वेरी इंपॉर्टेंट है इंट्रावीनस अगर यूज करते हो तो डोज क्या रखा जाता है हंड्रेड एम एल पर के जी रखते हैं कितना रखते हैं बेटा हंड्रेड एम एल पर के जी सोल्यूशन आर एल या आर एल का दूसरा नाम होता है हार्टमैन सोल्यूशन समझ में आ गया बेटा डी टी एस देते हैं इसको डायरियल ट्रीटमेंट सोल्यूशन भी कहते हैं एज फर्स्ट जो देते हैं वो इस तीस एम एल पर के जी वेट के अकॉर्डिंग देते हैं और देन सेवेंटी एम एल पर के जी वेट के अकॉर्डिंग देते हैं इन्फेंट है तो फर्स्ट जो डोज देना है वो एक घंटे में देना है और दूसरा जो देना है वो में देना है एक साल से बड़ा है तो तीस मिनट में चढ़ा देना टू पॉइंट फाइव एम एल हावर में देना है टू पॉइंट फाइव पावर में तो बेटा याद रखना इंट्रावीनस में जो सोल्यूशन यूज करते हैं वो कौन सा सोल्यूशन यूज किया जाता है आर या हार्टमैन सोल्यूशन और इसको डायरियल ट्रीटमेंट सोल्यूशन कहते हैं डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा सोल्यूशन काम में लोगे? लोगएल और इसको यूज करने का तरीका क्या है बेटा तो यूज करने का तरीका है कि फर्स्ट अगर हम दे रहे हैं और पहली बार इन्फ्यूजन कर रहे हैं तो 30 ml पर केजी से देना है और यदि अगर आप सेकेंड टाइम दे रहे हैं तो सेकेंड इन्फ्यूजन दे रहे हैं तो 70 ml पर केजी से देना है बेटा इन्फेंट है तो इन्फेंट में एक घंटे में आप फर्स्ट इन्फ्यूजन दे सकते हैं सेकेंड में फाइव आवर में देना है वन ईयर से ज्यादा है तो थर्टी मिनट में दे सकते हैं और यहां टू आवर टू पॉइंट फाइव आवर से ज्यादा समय लगेगा क्रिस्टल क्लियर है बच्चों नेक्स्ट देखिए बेटा टाइफॉइड फीवर टाइफॉइड फीवर साल्मोनेला टाइफी से होता है दस से चौदह दिन इसका आईपी है फीसेज यूरिन से फैलता है ये दोनों इसके प्राइमरी सोर्स है ये क्वेश्चन फेमस है वाटर से फूड से फिंगर से फ्लाइस ये सब सेकेंडरी सोर्स है ये टाइफाइड का दूसरा क्वेश्चन है बेटा फीको रूट यूरिन से फैलता है पी सूफ डायरिया इसका बहुत फेमस क्वेश्चन है स्प्लिन मैगेली मेगैली डाइक्रोटिक पल्स और रोज स्पोर्ट इसकी पहचान होती है ये जो स्पोर्ट दिखाई दे रहे हैं बेटा इनको कहते हैं रोज स्पोर्ट पहले भी मैं बता चुका हूं आपको टाइफाइड का ड्रग ऑफ चॉइस पूछ लिया जाए तो सेफ्ट्री होता है मेरे बच्चों और ऑप्शन में नहीं है तो क्यूनोलॉन आएगा और इसके साथ प्रोबेना वीक के लिए चलाया जाता है तो टाइफॉइड का जो पेशेंट है ना पेशेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, है बेटा लेकिन जो कैरियर है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है तो एम्पी या मॉक्सीन होता है और छह वीक तक इसका ट्रीटमेंट चलाना है बेटा इसके लिए टेस्ट जो है आइडियल ट्यूब टेस्ट है आईजीएम को डिटेक्ट करने के लिए टाइफी डोट टेस्ट है जो आईजीएम और आईजीजी को डिटेक्ट करने के लिए टाइफी डोड टेस्ट है जो आईजीएम को डिटेक्ट करता है और डिप स्टिक टेस्ट है जो आईजीएम को डिटेक्ट करता है ये इसके टेस्ट है नेक्स्ट देखिए बेटा डेंगू अभी चल रहा है प्रचलन में है तो डेंगू की जो प्रजातियां होती है वो डेन वन टू थ्री फोर होती है अरबो वायरस या फ्लैवी वायरस होते हैं ये तीन से दस दिन इनका आईपी होता है एडिस, एजिप्टी इसका सोर्स है है बेटा मैन और मॉस्किटो से फैलता है, इसका वैक्सीन आता है डेंगू वैक्सी के नाम से और डायलूएंट यूज करते हैं सलाइन डेंगू वैक्सीन को डायल्यूट करने के लिए कौन सा डायलुएंट यूज करना है सलाइन यूज करोगे क्या यूज करोगे बेटा अरे मैं नहीं थका अभी तो तुम लोग थक गए क्या तक तो नहीं गए ना थकान वकान तो नहीं हो रही लाइव अटेन्यूटेड है और जीरो सिक्स और ट्वेल्व तीन डोज देते हैं दोस्तों इसे ब्रेक फीवर भी कहते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर भी कहते हैं और डेंगू शोक सिंड्रोम भी कहा जाता है इस मच्छर को भी याद रखना ये जो मच्छर है ये डेंगू वाला मच्छर है ठीक है ना अरे ये जो मच्छर दिख रहा है ये डेंगू का मच्छर है और ये इसके फीचर हैं बेटा डेंगू में क्या क्या होता है तो आंखों में पेन होता है मसल्स में पेन होता है डेंगू के क्लिनिकल फीचर देख लो बोन में पेन होता है जॉइंट में पेन होता है फीवर होता है हेड होता है नोजिया वॉमिटिंग होता है रैशेज होते हैं ये डेंगू के क्लिनिकल फीचर है बेटा येलो फीवर देखो येलो फीवर को येलो जैक या ब्लैक वॉमिट या अमेरिकन प्लैक कहते हैं टोगा या फ्लेवी वायरस से होता है तीन से छह दिन इसका आईपी है मंकी मॉस्किटो और मैन इसके सोर्स होते हैं और ये इसका येलो वायरस का फोटो है इस वायरस को भी पहचान लेना मलेरिया मॉस्किटो फाइव फिफ्टी फाइव टोटल स्पेसीज है बच्चों मलेरिया की कितनी प्रजातियां हैं मॉस्किटो की मच्छरों की कितनी प्रजातियां हैं भारत में लगभग पचपन प्रजातियां हैं अंडरस्टैंड इन इंडिया इसका नाम है क्यूलीफेसिस रूरल मलेरिया क्यूलीफेसिस जो रूरल मलेरिया करता है रूरल एरिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है तो ये फेमस क्वेश्चन रहेंगे नॉर्थ के के स्टेफेंसी जो है अर्बन मलेरिया के नाम से जाना जाता है ये फेमस क्वेश्चन रहेगा तो रूरल मलेरिया या अर्बन मलेरिया किसे कहते हैं समझ जाते हो बेटा क्रिस्टल क्लियर है अब गलत नहीं होगा ना मेरे बच्चों मलेरिया का जो फीमेल एनोफिलीज है वो ऐसा दिखता है ये इस मच्छर का फोटो है ठीक है <laughs> अब इनकी आईपी देखो तो वाइवेक्स फेलसी मलेरी और ओवेल इनकी आईपी पहले भी मैं बता चुका हूं मैं कहूं डेफिनेटिव होस्ट क्या है इसका तो डेफिनेटिव होस्ट है बेटा फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो और इसके स्पुरजॉइट इसको प्रोड्यूस करते हैं ठीक है सबसे ज्यादा इसका सीजन कब होता है मच्छरों का सीजन अभी मच्छरों का सीजन चल रहा है राइट और मच्छरों का सबसे ज्यादा अच्छा टाइम होता है जिसमें यह बहुत ज्यादा पनपते हैं तो यह है जुलाई से नवंबर यह याद रखना ठीक है बेटा फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो और मैन दो सोर्स होते हैं इसके लाइफ साइकिल तो प्राइमरी होस्ट कौन होता है इसका मैन मॉस्क्यूटो प्राइमरी होस्ट है और सेकेंडरी होस्ट है बेटा मैन तो ये मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल साइकिल पूरा करता है और मैन में ये असेक्सुअल साइकिल से रिप्रोडक्शन करता है बेटा ये इसका लाइफ साइकिल है कैसे घुसता है ये तो यहां से मैंने कहा इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट द पर्सन हु बिकम इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट इन्फेक्टेड पर्सन सबसे पहले इन्फेक्टेड पर्सन को खाया इसने फिर नॉर्मल पर्सन को खाया और उसके अंदर छोड़ दिया लीवर में चले गए अब और लीवर में जाकर के और रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट कर चुके हैं इसी को कहते हैं मलेरिया <coughs> क्लियर रेबिस नेक्स्ट देखो बेटा रेबिस हाइड्रोफोबिया इसको बोला जाता है ये इसका फोटो है क्वेश्चन काफी फेमस है लिस्सा वायरस इसको करता है टाइप फर्स्ट बुलेट शेप का वायरस होता है काफी फेमस क्वेश्चन होता है ये भी आर एन ए वायरस है वेरिएबल होता है चार दिन से लेकर के कई साल तक इसका आईपी हो सकता है यूजुअली तीन से आठ वीक होता है एनिमल बाइट से ये फैलता है जैसे कुत्ते से केट से मंकी से काऊ से गोट से शिप से बफेलो से हॉर्स से केवल ये किससे नहीं फैलता ये पूछूंगा आप में एग्जाम में तो रेट और ह्यूमन के काटने से नहीं फैलता अरे इंसान के काटने से भी अगर रेबीज होने लग जाता तो तकलीफ हो जाती फिर खासकर मैरिड लोगों के लिए अंडरस्टैंड <laughs> याद रखना बॉडीज आर पैथो पैथोग बॉडीज याद रखना बेटा ये इसके पैथोगनोमीज होते हैं वैक्सीन क्या है इसके लिए लोकल वुंड को कैसे केयर करना है तो पानी से और शॉप से धोना होता है पांच से दस मिनट तक ये काफी फेमस क्वेश्चन है रेबीज का कि कुत्ते ने काट लिया या मंकी ने काट लिया रेबीज होने के चांस हैं तो लोकल एरिया में जो वुंड है उसको कैसे क्लीन करते हैं तो केवल पानी और सॉप यूज करना है और पांच से दस मिनट तक वॉश किया जाता है समझ गए बेटा रेबीज होने पर बेटा ह्यूमन रेबीज के लिए मेनोग्लोबुलिन अवेलेबल है और 20 आई यू पर के की डोज होती है दोस्तों याद रखना एक होता है जैगरेब रेबीज वैक्सीन जिसका 2.5 पॉइंट पर डोज आईएम देना होता है ये इसका वैक्सीन है और इसकी कुल चार डोज देनी होती है अपन को कहते हैं ना कुत्ता काटने के बाद कितने इंजेक्शन लगेंगे चार इंजेक्शन लगेंगे ठीक है तो दो डोज तो जीरो डे पे और वन डे पे देते हैं कुत्ते के काटते ही जीरो सेम डे और एक अगले दिन ये तो दो डोज हो गई और वन डोज ऑफ़ डे और 21। और एक एक डोज जो देना है वो सातवें दिन और इक्कीसवें दिन तो कुत्ते काट कुत्ता काटने के कितने इंजेक्शन लगेंगे बेटा चार इंजेक्शन लगेंगे और कब कब लगेंगे जीरो पे वन पे सेवन पे और इक्कीसवें दिन ये चार इंजेक्शन लगेंगे वैक्सीन का क्या नाम है तो जैगरेब रेबीज वैक्सीन है और कितनी डोज होती है तो 2.5 पॉइंट डोज होता है और कैसे लगाते हैं रेबीज के वैक्सीन आईएम लगाते हैं बेटा ठीक है ना कैसे लगाते हैं में आ गया पूरा कर दूं। देखो आप, प्लेग या ब्लैक डेथ काली मौत द दे ग्रेट डेथ भी कहते हैं यर्सिनिया या के कारण होता है इंफेक्टेड रोडेंट्स इसको फैलाते हैं टेट्रा इंडिका इंडिया के अंदर सबसे खतरनाक रोडेंट है फ्लाइज वाइट ड्रॉपलेट से फैलता है ड्रग ऑफ चॉइस याद रखना इसका स्टेप्टोमाइसिन होता है 30 एम पर केजी देते हैं आईएम देते हैं सात से दस दिन तक के लिए देते हैं प्रोफाइल एक्सिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है टेट्रासाइक्लिन 500 सौ एम देते हैं पाँच दिन के लिए दिया जाता है समझ में आ गया मेरे बब्बर शेरों यहाँ तक तो ये है ब्लैक डेथ यानी प्लैग के लिए ड्रग ऑफ चॉइस तो इसका सबसे फेमस क्वेश्चन जो है बेटा वो ड्रग ऑफ चॉइस के हैं इसके लिए प्लैग के लिए क्रिस्टल क्लियर है नेक्स्ट टेटनस क्लोज स्टेडियम टिटानी से होता है छ से दस दिन इसका आईपी है सॉइल और डस्ट से फैलता है काफी फेमस क्वेश्चन है टेटनस टॉक्सिन वैक्सीन है इसका सेकेंड मोस्ट लीथल टॉक्सिन होता है ये अगर मैं पूछूं आपसे सेकेंड मोस्ट लीथल टॉक्सिन तो टिटनेस टॉक्सिन सबसे लीथल होता है मेरे बच्चों पॉइंट वन एम जी इज लीथल डोज इसकी पॉइंट वन एम जी से भी पेशेंट की डेथ हो सकती है फर्स्ट डोज फर्स्ट इसका तो ये का सेकेंड मोस्ट लीथल टॉक्सिन है तो फर्स्ट लीथल टॉक्सिन कौन सा होता है तो फर्स्ट लीथल टॉक्सिन होता है बोटुलिनम टॉक्सिन ठीक है क्लीन टू प्रिवेंट द नियोनेटल टिटनेस एन एंटी और एट डे डिजीज क्लीन हैंड क्लीन डिलीवरी सरफेस, क्लीन कोड कट द ब्लेड, कट द कोड टाई कट द स्टम्प क्लीन द टावल और क्लीन द वाटर। एक क्वेश्चन आएगा बेटा सेवन क्लीन पूछा जाएगा सेवन क्लीन कौन कौन से हैं किसको प्रिवेंट करने के लिए नियोन टिटनेस को प्रिवेंट करने के लिए एन एन टी को प्रिवेंट करने के लिए टल टिटनेस को प्रिवेंशन करने के लिए सेवन क्लीन बताइए तो सेवन क्लीन बताने के लिए बोला जाए बेटा तो कौन कौन से होते हैं सेवन क्लीन तो क्लीन द हैंड फर्स्ट डब्ल्यू एच ओ ने कहा ये? क्लीन द हैंड क्लीन डिलीवरी सरफेस, क्लीन द कोड क्लीन द कोड कट ब्लेड क्लीन द कोड टाई क्लीन द स्टंप, क्लीन द टावल और क्लीन द वाटर ये सेवन सी है बेटा टिटनस से बचने के लिए ये टिटनस का फोटो है एड्स या एच आई वी सिलिम डिजीज कहते हैं इसको ये इसका आईपी है ब्लड कुछ मात्रा में ये टीयर सलाइवा से फैलता है मेनली तो सीमेंट से और ब्लड से फैलता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करूं तो एड्स सबसे ज्यादा कॉमनली सेक्स की वजह से फैलता है 87 परसेंट केसेज में ब्लड प्रोडक्ट्स की वजह से एक परसेंट एड्स के पेशेंट होते हैं निडिल सिरिंज इन सब से भी होता है क्लिनिकल फीचर में मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन इन द एड्स तो बेटा इंडिया के अंदर टीबी होता है और वर्ल्ड में निमोनिया होता है ये बहुत फेमस क्वेश्चन है एड्स का सबसे पहला केस कब आया था एड्स का तो 1986 में चेन्नई के अंदर मिला था तमिलनाडु में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू हुआ था तो 1987 के अंदर नेशनल एड्स प्रिवेंशन और कंट्रोल पॉलिसी बनाई गई थी 2001 के अंदर समझ तो में आ गया बेटा ये बहुत फेमस क्वेश्चन आज वो सारे बच्चों का उद्धार हो जाएगा जिन्होंने कम्युनिटी कभी नहीं पढ़ी थी या जिन्होंने पढ़ रखी थी लेकिन अपनी और एक्सीलेंट करना चाहते थे तो आज उन सबका उद्धार हो गया राइट right. इसका स्क्रीनिंग टेस्ट है बेटा एलाइजा और कंफर्मेटरी टेस्ट है वेस्टर्न ब्लोट ऐसे टेस्ट एक नोट दे रखा है मैंने फाइव क्लासिकल एसटीडीज़ के नाम बताओ <laughs> तो पांच क्लासिकल एसटीडी कौन कौन सी होती है टिफलिस है गोनोरिया है कैंक्रोइड है एलजीवी है और डोनोवेनोसिस है ये पांच क्लासिकल एसटीडीज होती हैं बेटा अंडरस्टैंड एच आई वायरस का फोटो है यह आ सकता है आइडेंटिफाई द सिंबल इस सिंबल को पहचानो देखते हैं, देखें पहचान पाते हो क्या किस चीज का सिंबल है ये लास्ट में जाते जाते कुछ क्वेश्चन बता जाओ सारे लोग जवाब कर दो आंसर पुट कर दो भैया मुझे पता था कि जितने भी भोले बच्चे हैं वो सब बेचारे एचआईवी एड्स लगा देंगे लेकिन मैंने जानबूझ के ही इस क्वेश्चन को एड्स के बाद रखा ताकि आपके ब्रेन से वो डाउट वो कंफ्यूजन हटा सकूं लेकिन बेटा ये एचआईवी एड्स का सिंबल नहीं है अगर आपको पिंक कलर का रेड रिबन दिखे ये पिंक रिबन है बेटा रेड रिबन नहीं है और पिंक रिबन किसके लिए यूज किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए सी ऑप्शन राइट आंसर है याद रहेगा आप गलत नहीं करोगे नेक्स्ट ये रेड रिबन अब आपका जवाब दो रेड रिबन किसके लिए यूज करते हैं और रेड रिबन में आंसर आएगा एड्स ये सिंबल पहचानो किसके लिए है आइडेंटिफाई द सिंबल तो यह सिंबल है एच आई वी एड्स के लिए फिर से डी आंसर ये देख लो दोनों निपा वायरस का फोटो है ये हिनापी वायरस कहते हैं चार से चौदह दिन में होता है फ्रूट कंटामिनेटेड विद द बैट। जो चमकादड़ से कंटामिनेटेड फूड खाने से फ्रूट खाने से ऐसा वायरस आता है एनसेफेलाइटिस इसका फीचर है सार्स का कोरोना वायरस ड्रॉपलेट से फैलता है यह वाला फोटो है, स्पाइक वाला कांटेदार इस स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर को पहचानिए, तो ये है बेटा कोरोना <coughs> वायरस का बी ऑप्शन राइट आंसर है तो यह है मेरे बब्बर शेरों, आज का सुपर लेक्चर और वाकई में सुपर का भी डुपर 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 क्लास है बेटा याद रखना टेस्ट सीरीज़ अपना चल रहा है और जो लोग भी अपनी पैड टेस्ट सीरीज़ अर्जुन सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो ऐप में जाओ गूगली ऐप डाउनलोड करो और उस ऐप को डाउनलोड करके उसमें अर्जुन सीरीज़ को एक्टिवेट करो और हर तरह की अपनी टेस्ट सीरीज़ की मैच बेस की सब तरह की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो तो आज के लिए बस इतना ही मेरे बब्बर शेरों आप सबका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बुगली पे ट्रस्ट के लिए आप सबका शुक्रिया करता हूँ मेरे बच्चों आपके करियर के लिए मैं रात और दिन एक कर रहा हूँ तो आपकी तरफ से मुझे तोहफा मिलना चाहिए मेरे बच्चों सेलेक्ट होकर के और मेरा नाम रोशन करें बुगली का नाम रोशन करें और हमेशा अपना बेहतर परफॉर्मेंस करते जाएं थैंक यू सो मच बेटा लव यू सो मच हर हर बुगली घर घर बुगली आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं कल एक नए क्लास के साथ नए लेक्चर के साथ सुबह नौ बजे थैंक यू सो मच शुक्रिया